भारत माता की जय, हर हर जय महादेव। जय भारत माता की जय, जय हर हर महादेव। महादेव। आज हमारे लिए बहुत हेलो। बहुत बहुत खुशी का क्षण है सर, आप आए हैं। चरण स्पर्श, आपको चरण स्पर्श सर, आपको शत शत नमन, आपको शत शत वंदन सर। जो बोले वो कम है, आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अर्णब जी के साथ वहां पे डिबेट में होता है, सर आप आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसा लगता है कि अर्णब जी आ गए, हमारे हमारे जी, मेरा स्टार, हमारे सौभाग्य, हीरो सर। मेरा आपको सौभाग्य पहले रूप सैल्यूट सर, आपको पहले तो सैल्यूट सर, आपकी ड्यूटी को सैल्यूट सर, आपकी ईमानदारी को सैल्यूट सर। आपने देश के लिए इतना, इतनी अच्छी, इतनी बखूबी के साथ ड्यूटी की, उसको सैल्यूट सर। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आज भी पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं सर, भले कोई कितना भी ब्रश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पुलिस हमारे लिए, नेता हमारे लिए सब वही मायने रखते जो हमारे लिए पहले रखते थे सर। सर आपको जी। शत शत नमन और सैल्यूट सर। वैसे मैं तो मुंबई, लवली जी, ऋषा जी, आपने मौका दिया और आपको नमन, आपके जज्बे को प्रणाम और आपके हौसले को बहुत 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 शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मैं सब अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़े हैं। वैसे तो इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला दूं कि ही इज अ फॉर्मर ऑफिसर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज 1974 बैच, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश। इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर्स इन द कंट्री, हु हैज रिलेंटलेसली फॉट अगेंस्ट नेशनल इंटरनेशनल टेररिस्ट आउटफिट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स। ही हैज रिटन बुक्स, इकोसिस्टम ऑफ सेंट्रल हिमालयाज, ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल टू गैलेंट्री, बार टू प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। और इन्होंने ईमानदारी के साथ हमेशा देश की सेवा की है। ही इज अ सिंबल फॉर पेट्रियोटिज्म, राष्ट्र सर्वोपरि। तो वी आर लकी, वी आर ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि आज हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़े हैं। ऋचा, आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ माननीय विक्रम सिंह सर के लिए कुछ लाइंस मैं बोलना चाहूंगी, जो कि हमारे भारत माँ के लिए भी है। दिलों की नफरत को निकालो, वतन के इन दुश्मनों को मारो, ये देश है खतरे में, ऐ मेरे हम वतन, भारत माँ के सम्मान को बचा लो। देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के सपने का जुनून है हमें। इसी जुनून के साथ सर ने हमारे देश की सेवा की है, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में रहकर हमारे देश की सेवा की है। तो हम SSR वॉरियर्स की टीम सर को सल्यूट करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने मंच पे। बहुत बहुत नमन आप तीनों देवियों का। और शो शुरू करने के पहले मैं एक अच्छी खबर पढ़ दूं। द सेशन कोर्ट इन मुंबई हियर हैज डिसमिस्ड अ क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ मुंबई पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ओवर सर्टेन क्लेम्स मेड ड्यूरिंग द कवरेज ऑफ द सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। द प्ली बाय डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे वॉज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट ऑन April 1, बट अ डिटेल्ड ऑर्डर वॉज मेड अवेलेबल ऑन थर्सडे। त्रिमुखे's complaint had also named ARG Outlier Media Private Limited, which owns Republic Media Network, and Goswami's wife, who is director in the company. तो उन्होंने जो defamation केस किया था वो dismiss हो गया है, कोर्ट ने dismiss कर दिया। That is a very good news. तो एक छोटी सी सर सही बस चाय की और गुड न्यूज आ गई सर, आप आए और गुड न्यूज आ गई। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, आप सभी को बधाई। बिल्कुल जी 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 सर। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि देखिए, मैं भी 1999 में मैं बिहार में थी और मैं उस टाइम बड़ी हुई हूँ जब लालू का राज था बिहार में। तो पुलिस की छवि अच्छी नहीं थी, हम कुछ भी हो जाता था हम पुलिस के पास जाने से बहुत डरते थे। तो ये वो टाइम था। और आज महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, और जो वाजे परमवीर सिंह इन सबके अब बयानों से जो सामने आ रहा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, जब यही लोग वसूली कर रहे हैं, जब यही लोग लोगों को मार रहे हैं, यही लोग एंटीलिया के सामने गाड़ी रख रहे हैं, तो ये कैसी पुलिस है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूं इन प्रकार के हालातों को सुनकर के, और मैं ही नहीं, श्री प्रकाश सिंह जी, श्री जूलियस रिवेरो और जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं रिटायर्ड या सेवारत, वो बहुत ज्यादा उद्वलित और चिंतित है। क्यों ना हो, पुलिस आपने कहा रक्षा के लिए है, और जब ये भक्षक बन जाते हैं और भक्षण की वो पराकाष्ठा जिसमें आप ये सोचते इन्होंने डकैतों को पीछे छोड़ दिया, महाराष्ट्र के राजनेता का कि ये सचिन वाजे कोई उसामा बिन लादिन है, अरे उसामा बिन लादिन तो घोषित आतंकवादी था, ये तो पुलिस की वर्दी पहन करके आतंकवादी थे, ये उसामा बिन लादिन से भी ज्यादा खतरनाक थे। उसामा बिन लादिन आता तो हम अपनी ऑटोमेटिक वेपन्स एलएमजी निकाल लेते थे, लेकिन ये जब आते थे वर्दी में तो लोग चाय और कॉफी इनसे पूछते समझते थे कि हमारी रक्षा के लिए ये आए। हमें क्या मालूम था कि ये वर्दी पहने हुए डकैतों का गिरोह है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के पर्याय अंबानी समूह और रिलायंस समूह के ऊपर जिलेटिन लगा के क्या करना चाहते थे। ये संगठित रिश्वत लेने का एक गिरोह तैयार हो गया था, इसको कहना चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। 100 करोड़ तो सिर्फ बार और खाने पीने के स्थान और रेस्टोरेंट से था, इसके अलावा जो बाकी स्थानों से इन्होंने वसूली के जो तरीके बनाए थे, ये तो भगवान ही मालिक है कि इनका पेट तो कितनी द्रौपदी के चीर से बना था कि इसके कोई बॉटमलेस पिट जिसमें कहने थे क्या कितना समा जाएगा, सैकड़ों करोड़ कहाँ जा रहा था। और ये सिर्फ सचिन वाजे नहीं, सचिन वाजे से लेके परमवीर, परमवीर से लेके देशमुख और देशमुख से लेके ऊपर कहाँ तक जाता था, इसके ऊपर टिप्पणी करना अभी हम लोगों को के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जब देशमुख ने इनसे ये कहा था तो इनको तभी अपराध पंजीकृत कर देना चाहिए था परमवीर को। परमवीर सिंह जी के मुंह में दही जमा था, इन्होंने तब चिट्ठी लिखी जब पद से हटा दिए गए, इसका मतलब जब तक गाड़ी ठीक चल रही थी, लूट खसूट बराबर से जिसका बंटवारा हो रहा था तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जिस दिन बंटवारे में खटास आई, गिरोह में विवाद हुआ, तो इन्होंने इसके बारे में चिट्ठी लिख दी। बहरहाल मुझे कोई संदेह नहीं है कि सीबीआई, ईडी और एनआईए की जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस तरीके का भ्रष्टाचार पहले भी मैंने सुना था, लेकिन इस स्तर का, इस स्तर की डकैती और अपराधियों से मिल करके खुली लूट करना, ऐसा मैं कल्पना भी कर सकता था कि मेरे जीवन काल में इस तरीके की गिरावट आएगी और पुलिस विभाग रसातल में चला जाएगा। सर, इन्होंने लूट लूट ही नहीं की, इन्होंने तो मर्डर का जो थ्योरी है वो सुसाइड में बदल दिया है। सर, मुझे नहीं लगता कि आपके पूरी पुलिस करियर में ऐसा कभी कुछ हुआ होगा। सर, छोटे से छोटे बच्चों को, सुशांत भी तो एक बच्चा ही था, दिशा सालियन भी एक बच्ची थी, पिस्ता ढाकर, ये सब जितने भी नौजवान आज गए हैं सर, ये तो अभी जीना शुरू किया था, इन्होंने जीना शुरू किया था। सर, इन लोगों को मतलब पुलिस ने सीधा बता दिया कि ये सुसाइड है। सर, आपकी इतनी वर्षों की पुलिस की, आपने इतनी नौकरी में, आपने कभी ऐसा देखा कि इस तरीके से किसी जुर्म को छुपाने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा हो? सर, आर्थिक बेईमानी तो गलत है ही है, निंदनीय और दंडनीय तो है ही है, लेकिन बौद्धिक बेईमानी जिसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इससे भी ज्यादा चारित्रिक दोष को इंगित करती है। मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट करना या इसका कुंसित प्रयास करना, इसके बड़े गहरे मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण, मैं दोनों कारण बता रहा हूं, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण। मैंने ऐसा आपको सही कहा रूपल जी, मैंने अपने करियर में ऐसा अंधेर कभी नहीं, गलत काम करने वाले बहुत होते हैं, बहुत हम, और ऐसा नहीं है यूपी के राजनेताओं ज्यादा, और आप तो बिहार की हैं, बिहार और यूपी से ज्यादा कुंसित राजनेता कहां मिलेंगे पृथ्वी पर, हिंदुस्तान में पृथ्वी पर। मैंने उन राजनेताओं के साथ काम किया कि मजाल है कोई मुझसे कह दे कि गलत काम कर दे, गलत काम कर किसी ने कहने का दुस्साहस किया तो वही कहता था माननीय मंत्री जी ऐसा ना हो कि मैं आपको सीधे यहीं से जेल भेज दूं, दोबारा दुस्साहस न कीजिएगा इस तरीके की बेहुदा बात मुझसे करने के लिए। मैं इस बातें सुनने का आदी नहीं हूं, आखिरी बार आपको मौका दे रहा हूं, दोबारा अगर आपने कहा तो मंत्री जी यहीं से आप जेल जाएंगे, यहीं से जेल जाएंगे। मैं कभी किसी मंत्री वो मेरे दफ्तर आते थे, पीए से पूछ जाते थे कि आज साहब का मूड कैसा है, और ये भी बता दूं एमएलए एमपी जब आते थे तो ये पूछ जाते, हमने कहा एमएलए साहब, एमपी साहब, मंत्री जी, आप गन्ना विकास अधिकारी या मुर्गी पालन अधिकारी के नहीं, आप आए हैं डीआईजी या आईजी डीजी क्या, ऐसा ना हो कि आप आए अपने पैर पे और यहां से जाए व्हीलचेयर या स्ट्रेचर, मैं वो दुर्गत कर दूंगा कि आप राजनीति भूल जाएंगे, राजनीति की स्पेलिंग क्या होती है। तो ये आपकी आंख, आपके चेहरे का चरित्र होता है, नेता आपसे उतनी ही बात करता है जो जानता है कि आप कितना स्वीकार करेंगे।
जहां पर जीरो टॉलरेंस होती है वहां पर आपसे कोई कहता भी नहीं। लेकिन यूपी बिहार की जो हालत थी आपने हमने शेयर किया, लेकिन महाराष्ट्र जो कि इतना अग्रणी इतना प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता वहां भी ये दुर्गत होगी ये हमने कल्पना नहीं की थी। और वहां ने इन्होंने तो बिहार और यूपी को बहुत पीछे छोड़ दिया डकैती डालने, ऐसी संगठित डकैती तो बिहार और यूपी में भी नहीं होती। इस तरह से बच्चों का कत्ल होते हुए उनको सुसाइड में करना मैंने नहीं देखा। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और वहां से बात करें तो फरवरी 25 के आसपास, मतलब 2020 की मैं बात कर रही हूँ, जब फैमिली ने, जब पिताजी ने, जब उनके जीजा ने कंप्लेन की थी, पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था कि हमारा बच्चा, उसकी लाइफ डेंजर में है, वो ऐसे लोगों से गिर गया है, तो उस कंप्लेन का क्या कोई मतलब नहीं होता कि पुलिस ने उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया? लवली जी गौर से सुनिए, एक सामान्य कंप्लेंट भी अगर फोन पे आती है, पुलिस अफसर, हम लोग की ट्रेनिंग ये थी, दिन में भले ही मेरा फोन कोई और उठा ले, लेकिन रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई फोन आएगा वो मैं उठा, क्योंकि मुझे फोन तभी कोई करेगा जब बिल्कुल इमरजेंसी। एक बार कहता एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की खतरा या उसके बारे में कहेगा, मैं उसमें पूरी ताकत लगा क्योंकि मेरे पास संसाधन है। मेरे घर पे एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रात को 15 कार्स और 100 आदमी रहते हैं, और मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं 10-20 ऐसी कंप्लेंट को रात में ही एड्रेस कर लूं, इसीलिए सरकार मुझे तनख्वाह संसाधन देती है जी। लेकिन एक आप देखे सीनियर आईपीएस अफसर जो कि पुलिस कमिश्नर स्तर का था हरियाणा में, सिंह, बड़े एक मेधावी चरित्रवान सचरित्र अधिकारी बताए जाते हैं, बहुत अच्छी छवि, एक उभरते हुए नहीं एक एस्टेब्लिश स्टार के बारे में बताया कि जीवन खतरे में, व्हाट्सएप मैसेज किया, आप कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, फिर उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपनी अकर्मणता और अपने काहिल पने के ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने कहा था इसकी जांच की गई, ये आरोप निराधार और असत्य पाए गए, वो भी बाद में, वो भी जब दुर्घटना हो गई तब उन्होंने कहा कि यह हमने जांच की थी। आपने जांच की थी तब आपने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, आपने जांच करके आरोप, जो आवेदक है, अगर मैंने कोई शिकायत की है ये मेरा अधिकार है कि आपने क्या कार्रवाई की उसको बताएं कि आपने क्या कार्रवाई, मैंने जिसके बारे में कहा सुरक्षा है उसको सुरक्षा देने के बारे में क्या कार्रवाई की, जिससे सुरक्षा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, मुझे जवाब देंगे ये इतने बड़े हाई, और इनको तो छोड़ दीजिए। जब डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे ने, बिहार की टीम आई, उसके साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया? ये इतने बड़े आकाश से ऊपर थे, ये डीजीपी के फोन का जवाब नहीं देंगे, चीफ सेक्रेटरी के फोन का जवाब नहीं देंगे, किस दुनिया में रहते थे? अहंकार तो प्रभु ने रावण का भी मटिया मेट कर दिया, परमवीर सिंह तुम किस खेत की मूली हो, अभी तो देखो जब तुम्हें ईश्वरी न्याय तुम्हारे ऊपर आता। और जैसे नेपोलियन ने कहा था ना, आई बिक्वीथ द शेम ऑफ माय डेथ ऑन द रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड, मैं श्राप देता हूं आपको, मैं अपनी मौत के पहले जा रहा हूं और ये आपके राज परिवार को भोगना पड़ेगा। इसी तरीके से सुशांत दिशा सालियान की मौत, जिन जिन ने इसमें संलिप्तता की है वो भोगेंगे, भगवान करे मैं गलत हूं, मैं किसी को कभी श्राप नहीं देता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, प्रकृति का एक नियम है, जिसने जो किसी मौत का हिस्सेदार बना है वो या पेड़ बबूल का तो आम कहां थे। बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा, ऐसी क्या कारण होते हैं जो इतने बड़े बड़े अधिकारी नेताओं की चाटुकारिता करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो शपथ तो लेते हैं देश के लिए या लोगों के लिए काम करने का, वो चाहे आईएएस हो या कोई भी पुलिस के बड़े पद पर बैठे हुए लोग हो, तो ऐसी क्या मजबूरी रहती है सर, लोग आपकी तरह सशक्त और ऑनेस्ट क्यों नहीं हो पाते? एक शब्द, लोभ और लाभ, ये दो शब्द जीवन में विष घोल देते हैं और हमारी सोच में विष घोल देते हैं। हमारा एक ही अधिकार है, राष्ट्रपिता राष्ट्रपति के यहां से जो मेरा सैलरी चेक आता, उसके अलावा हमारा किसी चीज पे अधिकार नहीं है। मैं यूपी के और भारत के सबसे प्रतिष्ठित जो पद है वहां कम से कम 3 साल रहा, SSP एटा, SSP कानपुर, SSP आगरा, SSP नैनीताल, DIG मुरादाबाद, DIG मेरठ, IG मेरठ, फिर IG मेरठ, ADG मेरठ, IG बनारस, DGP उत्तर प्रदेश, कहीं 3 साल से कम नहीं रहा। आज जहां आप देख रहे, जहां मैं बैठा हूं, गौर से देखिए, ये MIG का मकान है, MIG का मकान, वो भी मेरे स्वर्गीय पिताजी का, बेटा तुम मकान बनवा नहीं पाओगे इसलिए मैं तुम्हें ये MIG का मकान दे रहा हूं, मुझे मालूम है तुम मकान बनवा नहीं पाओगे,
जब लोग आते हैं इस मकान में, आप भी आइए, आपका सबका स्वागत है, लोग कहते हैं आपसे अच्छा मकान तो दरोगा और इंस्पेक्टर्स का है, उनका यही मेरी ठसक और ये मेरा गुरूर है कि मैं आधी प्याली चाय का किसी का गुनहगार नहीं हूं, किसी मैंने किसी से प्लॉट नहीं लिया, किसी से कोई एहसान नहीं लिया, किसी से कोई फेवर नहीं लिया। और अगर ऐसा है तो नेता भी 10 बार सोचेगा कि जब आपके मन में कोई लोभ और लाभ रहने की भावना नहीं है, आपको कैसे कोई प्रलोभन दे देगा। मुझे आज तक किसी ने रिश्वत ऑफर नहीं की, मुझे आज तक कभी किसी ने शराब की पार्टी में नहीं बुलाया, मुझे आज तक किसी ने फ्री टिकट्स नहीं दिए, और न कभी सोचा, क्योंकि तो देता मांग पड़ता था कि फिर मैं वो सजा दूंगा कि वो याद करें। और इसलिए लोभ और लाभ का जो चक्र होता है उसमें फंस करके आदमी की महत्वाकांक्षा कमा लो, और वो होता क्या है कि वो जीवन में विष घोल देता है कि संपत्ति विपत्ति बन जाती है, ये संपत्ति जो ऐसे आती है वही विपत्ति बन जाती है। बिल्कुल। और आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि रिटायरमेंट के बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी बन जाएंगे, अगर एमपी बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप, एमएलए बन जाएंगे और मंत्री भी बन गए मान लीजिए तो क्या कर लेंगे आप, अगर इज्जत के साथ जिंदा रहे रिटायर रहे तो ज्यादा है फिर आप खुल के बोलेंगे, वरना जूते की माला पहन करके अगर मिनिस्टर भी बन गए, जूते की माला पहन के एमपी बन गए तो क्या बने, कुछ नहीं बने, मैं उसको बिल्कुल औचित्य को नहीं मानता। इज्जत के साथ जिंदा रहे, और जितनी सांसें बची हैं रिटायरमेंट के बाद, पेंशन इतनी मिलती है कि आप दो रोटी आप और आपकी धर्मपत्नी बड़े आराम से खा सकते। ये लोभ और लालच। सर मेरा एक सवाल है। जी हाँ सर, मेरा एक सवाल है सर, मैं जानती हूँ कि परमवीर सिंह और वाजे और ये सब जो भी हुआ है वो पॉलिटिकल प्रेशर में ही किया होगा, ठीक है, मतलब 8 गाड़ी वो भी 1-1 करोड़ की गाड़ी मिलना और इस तरीके से हर चीज को प्लान करना, चाहे वो सुशांत की मौत हो, चाहे वो दिशा सालियन के बिना कपड़ों के उसे फेंकना हो 14वें माले से, चाहे वो मनसुख हीरेन जी की मौत हो, सर मनसुख हीरेन को भी इस तरीके से खाड़ी में मुंह में 5 रुमाल ठूस के फेंक के उसको, उनको लगा कि वो लाश कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी भी लाश आज चीख चीख के उन लोग को जस्टिस मांग रही है। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि ये बड़े पोस्ट पे थे जिस पोस्ट पे आप थे, ठीक है, परमवीर सिंह थे, सचिन वाजे भी बड़े पोस्ट पे थे, लेकिन कोई तो ऐसा अधिकारी होगा, कोई तो ऐसा डिपार्टमेंट में, कोई तो ऐसा सेक्शन होगा जो ये देख रहे होंगे कि इस पुलिस वाले के पास इसके अलावा और क्या क्या है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर इतने सालों से, मतलब ये 1 साल हो गया, 1 साल से ये लोग मौत पे मौत किए जा रहे सर, 1 साल से मौत हो रही है सर, कितने लोगों की आत्महत्या, मतलब सबको सुसाइड बता दिया, आप किसकी सुसाइड है और किसकी मतलब हत्या ये आप बता ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है कि बड़े अधिकारियों पे भी नजर रखे। रूपल जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस होती व्यवहार को, और लोग कहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों सीनियर ऑफिसर्स को लोगों का चेहरा पढ़ लेना चाहिए, जब आदमी चेहरा पढ़ता है उसका चरित्र क्या है, उसका भाव क्या है, उसके अंदर लोभ और दूसरों का शोषण करने की क्या भावना है, ये साफ एक MRI और CT स्कैन वरिष्ठ अधिकारी अगर अपना काम जानता है तो कर सकता है। यहां पर परमवीर और सचिन वाजे का एक गिरोह चल रहा था, जब सचिन वाजे को 17 साल की बर्खास्तगी के बाद विभाग में लेना था तो 2 अधिकारियों ने विरोध किया, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार करके बावजूद उसके लिया गया। सचिन वाजे किसी को रिपोर्ट नहीं करता था, जबकि ये पोस्ट इंस्पेक्टर की थी, ये असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे, उससे नीचे थे, इनके लिए ये पद बनाया गया, और जो अधिकृत नहीं थे तब भी बनाया गया, तब भी लोगों ने इसका विरोध किया, विरोध नहीं सुना गया। सारे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशंस इनको दिए गए, चाहे अर्नब वाला केसेस हो, चाहे ये आपका ये अंतिला वाला हो, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिल्टन वाला, ये अपने आप ही पहुंचे, स्वयंभू प्रकट हो गए वहां पर। इसके अलावा जो भी और केसेस थे सीधे देशमुख जी के यहां जाकर के उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते थे। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि बीच की पूरी कड़ी खत्म हो गई, आपसे परमवीर के बीच में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी। API के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, ACP होता है, DCP होता है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर होता है, स्पेशल पुलिस कमिश्नर होता है, और उसके ऊपर होम सेक्रेटरी, तो फिर आपने सारी चेन ऑफ कमांड हायरार्की तोड़ दी, सीधे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप 5-स्टार के होटल में आप 100-100 दिन रह रहे हैं। इसके अलावा हाई प्रोफाइल, आज मैं आपको गाड़ी दिखा, मेरे पास सेकंड हैंड SX4 है, 14 साल पुरानी, रिटायर्ड DG हूँ। इसके पहले मैं बता दूं UP में अंग्रेजों के जमाने में थे GRM IP इंपीरियल पुलिस के। एक बार मैं अपने गाड़ी के टायर बदलवाने गया तो उनका साहब एक रिटायर्ड DG साहब आपकी गाड़ी के सेकंड हैंड टायर खरीदना चाहते हैं। हमने कहा कौन है फिर? उनका मिस्टर GRM जो खुद भी राज परिवार के थे। हमने वो भी दिन देखा है कि रिटायर्ड DG सेकंड हैंड टायर जो मैंने उतारा, हमने कहा कैसी बात करें, नया टायर आपकी गाड़ी, मैं सेकंड हैंड ही टायर लगा रहा हूँ। नहीं नहीं,
और हमारे एक किस्सा और बताता हूँ आपको। एक सब इंस्पेक्टर हमारे एक एक्स डीजीपी के सामने आरसी दीक्षित साहब ने सैल्यूट किया, आरसी दीक्षित स्वर्गीय, उन्होंने कहा दरोगा जी दुर्गेश पाल सिंह बड़ी अच्छी हीरे की अंगूठी पहनी तुमने, क्या सर अभी शादी हुई है, मिठाई लाया हूँ और ये ससुराल से मिली है। उनका अच्छा और क्या क्या मिला है, उनका साहब ये घड़ी भी मिली है, महंगी घड़ी होगी सब 20,000 की घड़ी है। क्या तो पत्नी के साथ घूमने भी गए, हाँ सर एयर से मैं गया था पत्नी के साथ कश्ती, उन्होंने अपने पीए को बुलाया डिक्टेशन। उप निरीक्षक दुर्गपाल सिंह मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने खुद एक वालिया बयान दिया कि दहेज में उन्होंने 20,000 की घड़ी, एक हीरे की अंगूठी और पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर हवाई जहाज से भ्रमण किया, जो कि आय से अधिक संपत्ति और लिविंग बियॉन्ड मींस का केस बनता है, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, केस लिखा जाए और इनको भी इंस्पेक्टर कोतवाली आए, इनकी वर्दी उतरवाए, सीधे जेल ले जाए। हमारे यहाँ कुछ टॉलरेंस नहीं। एक आईपीएस अफसर जापान गए ट्रेनिंग में, वापस आए तो कैमरा ले आए, कोई बुराई नहीं, लेकिन ड्यूटी नहीं दी, बर्खास्त कर दिए गए आईपीएस, डिसमिस। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कैंसर जाने वाला नहीं है। इस तरीके की डकैती बाजे डाल रहे हैं, छह छह गाड़ियां हैं, 100-100 उसमें हैं, करोड़ों रुपए हैं, नोट गिनने की मशीन जो बैंकों में नहीं होती वो नवाब साहब के पास है। हाँ सर जी, और वो लेके चलते हैं अपने साथ सर गाड़ी में जी। हाँ, सर उनको डर भी नहीं, डर किस बात का, जब उनके ऊपर बॉस का गृह मंत्री का आशीर्वाद है तो डरना किस बात का, डरना तो औरों को चाहिए कि भाई हम कैसे रोके इनको, जो इनको रोकेगा उसको डरना चाहिए, और इसीलिए इनका कोई विरोध नहीं। मैं कहती हूँ जाने कि गद्दारों के नाम, लेकिन सर जो सवाल मैंने अभी जी सर, जो सवाल ये पुलिस वालों पे जो लागू पड़ता है वो मुख्यमंत्री पे और गृह मंत्री पे भी तो लागू पड़ता है, क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पे आई नहीं रखी जाती कि किस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री क्या क्या काम कर रहा है, मतलब इतनी सारी घटनाएं, इतना सब कुछ एक ही टाइम पे हो गया, अब समझ में आ रहा है कि ड्रग भी चल रहा है, मतलब पूरा लिंक बॉलीवुड में लगा हुआ है, मतलब दाऊद जी तो हमारा पूरा मतलब मुंबई शहर चला रहे, तो सर इतनी जानकारी तो किसी भी राजनेता को होनी ही चाहिए ना सर, जो पुलिस पे लागू पड़ता है वो राजनेता में भी तो लागू पड़ता है, तो ये हमारे हमारे इंडिया में शासन क्यों नहीं है। देखिए वो जमाने चले गए, कौन किसको रोकेगा टोकेगा, ये मैं आपको और भी पुरानी बातों में ले जाता हूँ, कहने वाला भी सचरित्र होना चाहिए और पहले भी जो राष्ट्रहित में नहीं वो तुरंत उस पर रोक टोक होनी ही चाहिए थी। चौधरी चरण सिंह ने 1977 में जब केंद्र सरकार बनी तो उन्होंने 3 सरकारें 5 सरकारें डिसमिस कर दी, इसीलिए कि आपने जनाधार खो दिया है और आपकी सरकारें डिसमिस की जाती हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार को देखते हुए ये लोग मौजूद रहे, इतने बड़े बड़े अपराध हो जाए और ये मौजूद रहे, दाऊद इब्राहिम का आपने नाम लिया, उसका खुला समर्थन सहयोग भागने के रास्ते, आपके यहाँ दाऊद इब्राहिम यानी आपके यहाँ मतलब मुंबई में दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को नीलाम होने को 3 साल लगे, 93 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां बिकी नहीं, जब मैंने ये कहा लानत है आपके ऊपर, मैं अगर आपकी जगह होता तो दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को थाने अस्पतालों में और कुछ नहीं तो सुलभ शौचालयों में परिवर्तित कर देता, लेकिन करता जरूर 48 घंटे में, कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा ये उतरने, यहाँ यूपी में जितने माफियाओं की प्रॉपर्टी कभी आई है मैं दिखाऊंगा, श्री प्रकाश लेने नहीं आ रहे कि सब भयाक्रांत है, सब थाने में कन्वर्ट कर दिया, एसटीएफ हेडक्वार्टर्स V3 विज्ञानपुरी एसटीएफ के कब्जे में, गोमती नगर में श्री प्रकाश शुक्ला की संपत्ति एसटीएफ के कब्जे में, इंट्रोगेशन और सेफ हाउस बना हुआ है, नहीं होता तो वहां पास तो हमें भी तो जरूरत है, आखिर सरकारी काम में इस्तेमाल करेंगे, जनहित में इस्तेमाल में काम करेंगे, दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को खरीदने नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया, आप नहीं समझ सकते कि वहां थाने चौकी अस्पताल खोल सकते थे, क्यों नहीं खोला, खोल देना चाहिए था। और रही रोकने टोकने की बात, एक मिसाल मैं आपको और देता हूं, रोकेगा वो जिसके अंदर नैतिक बल हो रोकने टोकने का, बापू आपको याद होगा, बापू पूजनीय है और राष्ट्रपिता है हमारे, उनकी किसी का भेद नहीं, वो जब प्रार्थना सभा से उठते थे तो एक बच्ची का कंधे का सहारा लेकर के जाते थे, आपने देखा होगा वो चित्र, मुरारजी देसाई ने कहा कि बापू देश आपको भगवान की तरह मानता है और भगवान की तरह हम सब मानते हैं, और उन्होंने ये कहा कि बापू आपको अगर कंधे की जरूरत है तो मेरा कंधा है, किसी बालक का हो सकता है, सार्वजनिक रूप से किसी बालिका के कंधे को स्पर्श करना आपको शोभा नहीं देता है, ये कौन कह सकता है, हाँ, बिल्कुल कौन कह सकता है, जो खुद ही सच्चरित्र हो और जो खुद ही दुराचारी होगा वो क्या कहेगा,
वो क्या कहे, वही बात है, जब आदमी सच्चरित्र होता है तो वही कह सकता है ये इस चीज में दम नहीं है। हम लोगों ने वो जमाने देखे थे कि आदमी जब जाता था रिटायर होकर के, एक लेडी थी, पारसी लेडी थी, चीफ ऑफ सीबीडीटी, सीबीडीटी की चेयरमैन पर्सन होकर के रिटायर हुई और अपने हाथ में 8 बिस्लेरी की खाली बोतलें लेके पैदल जा रही थी। हमने गाड़ी रोक, मैडम क्या कर रहे हैं? उनका मैं इनको बेचने जा रही हूँ, मैडम मेरी मदद करोगे? इनका दरअसल एक बोतल का दाम 2 रुपए है और दुकान वाला मुझसे कह रहा है मैं 75 पैसे ही दूंगा। हमने कहा लाइए रखिए बैठिए, आप पैदल क्यों जा रहे हैं? उनका रिक्शे के और वो ऑटो के पैसे बच जाएंगे। ईमानदारी इसको भी कहते हैं। उन लेडी को मैं सलाम करता हूँ, सिंगल लेडी थी लेकिन वो बिस्लेरी की 6 बोतलें खुद पैदल लेके जा रही थी और हमसे कहते हैं, उससे कहते सही दाम 2 रुपए फी बोतल होता है। हमने कहा मैडम ये लीजिए 2 रुपए नहीं, मैं 3 रुपए फी बोतल आपको देता हूँ, बोतल हमें दे दीजिए। उनका ना हमें मालूम है तुम बेटियों ने फेंक दोगे जाकर के, मैं तुमसे दुकान पे जाके बेचूंगा। हमने कहा चलिए आप ही बैठ जाइए, फिर आप नहीं पता तुमने कितने में बेचा। उनको बैठाया, फिर दुकान वाले से कहा अगर अपनी खैरियत चाहते जो सही दाम है, 1 रुपया हो 2 रुपया हो, ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ और उन्हीं की वजह से सिस्टम चल रहे हैं। और ऐसे भी हैं दुकानदार को एक नोटिस दे दे तो दुकान का कह दे जितनी बोतलें चाहे वो घर पे पहुंचा देगा। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके के ईमानदार अधिकारी भी हैं और इस तरीके के धूर्त और लंपट और लोभी और दुराचारी भी। लेकिन रोकने टोकने के लिए एक नैतिक आधार होना चाहिए, एक आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। अरे जिसको कहते हैं ना आप यहाँ सूप बोले थे, बोले छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हो, अगर हमारी चलनी जी क्या टोके। अभी ACP थे ना वो, या ASP शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने यूपी में झेला था बहुत मुलायम सरकार, उस व्यक्ति पे क्या LMG बरामद करने के बाद उन्होंने पोटा लगाया जी, मुख्तार अंसारी के ऊपर, मुन्नर यादर के ऊपर जो उनके गनर थे, और एक आदमी जो कि राष्ट्रीय राइफल कश्मीर से भागा था LMG लेकर के, बाबूलाल यादव, उसको इसीलिए प्रेरित किया था बहुत रिश्वत देके LMG लेके आओ जिससे कि हम ये राय जो MLA थे उनकी हत्या में बुलेट प्रूफ जैकेट, कृष्णानंद राय उनके बुलेट प्रूफ जैकेट और उनकी बुलेट प्रूफ कार को भेद करके LMG से हम करते। तो उनकी पूरी बातें ऐसा नहीं थे, STF ने रिकॉर्ड की थी, लीगली रिकॉर्ड की थी, पूरा साक्ष्य था। उसके ऊपर जब पोटा लगा तो सरकार ने जो छोटे कर्मचारी थे भुल्लर यादव और राम बाबूलाल यादव उनके ऊपर तो पोटा लगने दिया, लेकिन मुख्तार अंसारी से पोटा हटा दिया। इनके ऊपर दबाव था कि चार्जशीट को भी हल्की कर दो, उसका नहीं करेंगे, फिर उनकी उनको प्रताड़ित किया गया। देखिए ये आदमी देख के बात की जाती है, मेरे ऊपर क्या आरोप इन्हीं नेताओं ने मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया कि विक्रम सिंह मेरे ऊपर पोटा लगा रहे थे? अरे मैं कोई मूर्ख हूं? इतने सीनियर नेता ऊपर मैं पोटा लगाऊंगा? और मुझे जब लगाना होगा तो मैं वो लगाऊंगा। ये कॉकरोच और मच्छर मारने के लिए डायनामाइट नहीं लगाया जाता है, ये एटम बम इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके लिए फ्लिट और वो हिट ही काफी है। सर सर एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछती हूँ सर। सर हमारे देश में भेदभाव क्यों होता है? हमारे देश में एंटीलिया का केस 1 महीने में क्यों सॉल्व होता है? सुशांत सिंह राजपूत का केस आज 11 महीने होने को आए, 10 महीने होने को आए, सर क्यों नहीं होता है? क्या आम आदमी की कोई कोई ये नहीं है? क्योंकि हम ही तो वोट देते हैं ना सर, क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव होता है सर? 20-20 साल यूं ही जेल में काट देता है। हाँ सर, ऐसा क्यों होता है सर? क्यों मैं समझती हूँ, कोई मुकेश अंबानी जी बहुत बड़े आदमी है और पूरा एशिया उनकी तरफ से चलता है, लेकिन आम आदमी भी तो इतना इम्पोर्टेंट है। आज 10 महीने हो गए हमें जवाब नहीं मिल रहा है, पब्लिक को, पब्लिक किसी चीज के लिए पूछ रही है क्यों CBI हमें जवाब नहीं देती है, जबकि यही CBI, यही NIA, यही ED, यही NCB ताबड़तोब मेहनत कर रही है एंटीलिया का केस सुलझाने में। सर ये भेदभाव जो आम जनता के साथ क्यों? रूपल जी, ऋषा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। आप अगर इसको गौर से देखें कि एंटीला का केस अब CBI को आ गया और इनकी जो शासन तंत्र है महाराष्ट्र का, उसको लगा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से जो अपने दागी नेता थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई, हालांकि बड़े बेमन से शुरू की, बहुत धीमे शुरू की, लेकिन जब उनको लगा कि ये न उगला जाएगा न निगला जाएगा तो परमवीर सिंह को भी गाली देने लगे, देशमुख को भी हटाने लगे और कार्रवाई करने लगे, वरना नहीं करते ये। और जब इन्वेस्टिगेशन भारत सरकार के पास चला गया तब उसमें कुछ कामयाबी मिली। अब आपका कहना सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो प्रगति दृष्टिगोचर क्यों नहीं, उसमें देखिए जितना केस इन्होंने बिगाड़ दिया शुरू में,
आप याद करें सुशांत सिंह राजपूत के केस में, अगर आप शुरू में याद करें, अभी वो चाबी बनाने वाले को ले गए, ये जरूरी नहीं समझा कि वहां जाकर के फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर लें, इन्होंने जरूरी नहीं समझा। इस पे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड हो जाना चाहिए था। आप इतने हाई प्रोफाइल केस में आप जा रहे हैं, आपने फोटो लेना जरूरी नहीं समझा, तो केस तो बिगड़ना वहीं से शुरू हो गया कि जब आप गए तो उन्होंने वहां पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं की, इंडिपेंडेंट गवाह नहीं ले गए। इसके अलावा दिशा सैलन के केस में जो एंट्री एग्जिट का रजिस्टर था उसके 6 पन्ने फाड़ दिए, तो क्या जरूरी नहीं समझा कि जिसने फाड़े थे, दिशा सालियान का फोन 7 दिन तक थाने में पड़ा रहा क्योंकि कह रहे थे उसका हम फॉरेंसिक्स कर रहे हैं। ये पुलिस अफसर कब से फॉरेंसिक्स करने लगे, ये तो हाईली टेक्निकल काम है, ये तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में हो सकता है, टेलीकॉम इंजीनियर्स कर सकते हैं, पुलिस वाले कब से करने लगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में और आगे बढ़िए, कमरे से बाहर निकलते ही कह देते हैं कि ये सुसाइड, अभी पंचनामा नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आते ही क्या बेकर आ जाती आप कह दें कि ये सुसाइड। आपको याद है मैंने पहले कहा भाई ये तो बड़ा प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर है, अभी आपने जब देखा ही नहीं, आपने पंचायतनामा ही नहीं देखा, आपने पोस्टमार्टम कराया नहीं, किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या है? इसका मतलब आप घालमेल करना चाहते हैं, यानी स्थानीय पुलिस घालमेल करना चाहती है, इसीलिए लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न अभी से कर रही है। क्या सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार ने नहीं आशंका व्यक्त की थी कि बहुत जीवन भय है, और जीवन भय के बारे में स्थानीय पुलिस ने कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई? ये भी बताया जाता था सुशांत सिंह राजपूत लुका छुपी कर रहा था और इतना भयाक्रांत था, अलग अलग जगहों पे सो रहा था, सिकुड़ करके बैठता था, भयाक्रांत था, ये नजदीकी लोगों ने बताया कि बहुत डरा सहमा हुआ रहता था, ये जरूरी नहीं समझी गई। आखिरी बात रूपल जी और ऋचा, जब कभी ऐसी कोई बात आती है अननेचुरल डेथ की, तो लैपटॉप और मोबाइल फोन लेकर के सबसे पहले आखिरी 10 फोन कॉल्स जो प्राप्त हुए और आखिरी 10 फोन कॉल जो किए गए, जो पिछले 24 घंटे में SMS व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए और प्राप्त हुए, लैपटॉप में हमने क्या क्या साइट्स एक्सेस की, हमारे ईमेल पे आखिरी 24 घंटे में क्या क्या हमने ईमेल्स प्राप्त किए और हमने क्या ईमेल्स किए, आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ। रूपल जी, CBI कुछ करती भी नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस के पास जब तक विवेचना थी तो उनको करना चाहिए। मुंबई की ये जो सरकार है ये इतनी बेशर्म सरकार मैंने आज तक नहीं देखी, हर चीज में आगे ये तो आरोप है, तो अब क्या जब तक फांसी की सजा नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं? जब तक फांसी की सजा नहीं हो जाए और राष्ट्रपति जी के यहां से आपकी जो माफीनामा या मर्सी पिटीशन खारिज, तब तक आप नहीं मानेंगे कि आप दोषी हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स में ये है कि अगर किसी अफसर के ऊपर स्पेसिफिक आरोप बाय नेम लगता है तो पहले उस अफसर को हटाया जाता है, और जब तक आरोप की जांच नहीं हो जाती है वो अधिकारी वो व्यक्ति उस पद पे नहीं रहता है। और अगर किसी ने गलत आरोप लगाए हैं तो 182 के अंतर्गत या अन्य धाराओं में उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है कि आपने गलत आरोप लगा करके एक शरीफ आदमी को प्रताड़ित किया, ये भी कानून प्राविधान। लेकिन यहां पर ये तो आरोप है तो आरोप तक ही, और न्यायिक प्रक्रिया हमारी ऐसी है 30 साल 40 साल तो कुछ होना नहीं है, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटीशन, अपील और डिविजन। निर्भया का केस आप ले लीजिए, अजमल कसाब का केस आप ले लीजिए, सबसे दो गंभीर केस हमारे आपके जीवन काल के हैं। सुनने के बाद कितने साल लग गए, तो हमारे राजनेता कहते हैं हमारा जीवन तो वैसे ही कट जाएगा अपील और रिविजन में, तारीख पे तारीख, तो आरोप पे हम मानेंगे नहीं, तारीख पे तारीख हम लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास धन बल है, बाहुबल है, हम ऐसा चाहेंगे कानून को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करवाएंगे। ये है सारा। मैं नेताओं को इतनी छूट क्यों है सर? नेताओं को इतनी छूट क्यों है? क्यों उनके ऊपर क्यों किसी तरह का कानून या अंकुश नहीं है? देखो जिसको हम छूट कह रहे हैं वो इनका धन बल, बाहुबल और इनके जो सिस्टम में एका है, इसके बारे में हरिओम पवार ने 2-3 न जाने कितनी ताकत है गद्दारों के नाखूनों में, इनको कोई सजा नहीं दिल्ली के कानूनों में। बिल्कुल, मैं आपसे जी बताएं। नहीं नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। हरिओम पवार की अच्छा बोल रहे हैं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर आ जाती है
तो गिद्धों की चोली हंसों को खा जाती है, ना जाने कितनी ताकत है गद्दारों के नाखूनों में, इनको कोई सजा नहीं दिल्ली के कानूनों में। ये एक हमारी एक हताशा है जो हम कहते व्यक्त करते हैं कि आखिर इनको सजा क्यों नहीं मिलती। जब सिंहों की राज्यसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, जब फूलों को तितली हत्यारी लगने लगती है, जब माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, जब जब जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है तो सर्पों से लिपटा चंदन रोने लगता है। वही स्थिति हमारी आज। बिल्कुल, तो मैं बस ये पूछ रही थी कि जब सचिन वाजे का रीइंस्टेट जो उनको किया गया, उसका जो टाइम है बिल्कुल दिशा सलियन के मरने के दो दिन पहले, फिर दिशा सलियन की मौत हुई, फिर सुशांत सिंह राजपूत का कांड हुआ, फिर जो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या बोले उसको क्राइम सीन, आप तो बहुत सारे क्राइम सीन पे गए होंगे जो इन्होंने क्राइम सीन के साथ किया कि उधर पूरा किया उसको बिगाड़ा, तो इसमें सब में मतलब क्लियरली जनता को तो दिख रहा है कि जरूर सचिन वाजे का हाथ होगा। तो अभी तक सीबीआई क्या उनसे इस बारे में पूछताछ नहीं कर रही? मैं समझता हूं जरूर किया होगा, ऐसा नहीं कि उसको नहीं किया होगा, जरूर किया होगा। और इनका क्या इंटरेस्ट था जिसको कहते हैं, हर जगह हर गिरोह में एक फिक्सर होता है, आपने सुना होगा जिसको कहते हैं फिक्सर। सचिन वाजे ये गलत कामों के फिक्सर थे, कोई काम कराना हो चाहे अर्णब गोस्वामी को सही करना हो, रिपब्लिक टीवी को सुधारना हो, दिशा सालियान की मौत पे पर्दा डालना हो, सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में मिट्टी डालनी हो 10 टन की खत्म हो जाए, तो उसमें किसको इस्तेमाल किया? एक नाम सचिन वाजे। इसी तरह से बड़ी बेकरारी के साथ इनकी बैकडोर एंट्री कराई गई, बड़ी बेकरारी के साथ एक चट्टान की तरह इनकी हिफाजत में राजनेता खड़े हो गए। ये बड़े काबिल हैं, ये तो इलेक्शन भी लड़े थे, शिवसेना के सदस्य रहे थे, शिवसेना के प्रवक्ता बने थे, राजनीति करने के बाद आपको आने की क्या मजबूरी थी आपने इनको लेने की? क्या कारण था कि आपने इनको लिया? नहीं लेना चाहिए, जो आदमी एक बार राजनीति कर चुका है उसका कोई स्थान वर्दी ऐसे वाले अनुशासित विभाग में है। एक दफा जब आपने कह दिया कि आपकी जीवन लक्ष्य और आपकी विचारधारा क्या है, तो पुलिस ऐसे निष्पक्ष महकमे में जो केवल संविधान के प्रति उत्तरदायी है को कोई स्थान नहीं। और मैं अकेले सचिन वाजे के लिए नहीं कह रहा, जिन अधिकारियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो इस्तीफा देकर के राजनीति करें, फिर दोबारा पुलिस में या प्रशासन में आने की जहमत न करें। बिल्कुल सर, सर एक सवाल, जैसे पुलिस वाले इस तरीके से कि मैं हमें जब सीबीआई सर बेसिकली अब मैंने जब ही ना एंटीलिया का केस और सीबीआई का केस का रीडिंग करना शुरू किया, तो 10 महीने से जब सीबीआई कोई उस पे कुछ भी आंसर नहीं दे रही है, लेकिन जब मैंने देखा कि एंटीलिया के केस में भी सीबीआई ने कुछ आंसर नहीं दिया, हालांकि एनआईए का आंसर्स आ चुके हैं, एनआईए जो भी करती है उसके आंसर्स हमें मिल रहे हैं, ईडी जो भी कर रही है उसके आंसर्स मिल रहे हैं, एनसीबी जो भी कर रही है उसके आंसर्स मिल रहे हैं, मैं जा रही हूं ऐसा मुझे लगता है सर, तो सीबीआई एग्जैक्टली काम कैसे करती है? क्या उनको ये कहा जाता है कि आप किसी को कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसा क्या है? मतलब आप थोड़ा प्रोसीजर समझाएंगे सर? देखिए सीबीआई की वर्किंग ऑलमोस्ट वैसी है जैसे एनआईए की है, इनके अपने प्रेस प्रवक्ता होते हैं, प्रेस ऑफिसर्स होते हैं, और वो उतना ही बोलते हैं, आपने देखा होगा कि वो कभी भी बिना पढ़े नहीं बोलते हैं, जब भी आते हैं तो एक तैयार ड्राफ्ट के आधार पर बोलते हैं और सवालों का जवाब एक्सटेम्पोर देते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर कोई अधिकारी सामान्यतया सीधे प्रेस से सीबीआई का बात नहीं करता है, कभी नहीं करता। इनके जो ऑफिशियल प्रवक्ता होते हैं, जो अधिकृत प्रवक्ता होते हैं, वही प्रेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लिमिटेड सवाल लिमिटेड जवाब का उत्तर देते हैं। इस प्रकरण में क्या कारण है इन्होंने उत्तर नहीं दिया, मेरा जो शक है शायद क्राइम सीन इतनी बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था, एविडेंस के साथ इतना खिलवाड़ कर दिया गया था कि उसमें सीबीआई के हाथ कुछ लगा ही नहीं, वरना ऐसा नहीं है कि सीबीआई के हाथ में कोई चीज आए, और भारत सरकार भी चाहती है इसका सफल अनावरण हो, इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनली हो, कायदे से हो, मुलजिम गिरफ्तार हो, और विशेषकर जब शासन प्रशासन चाहेगा तो क्यों नहीं होगा। मुझे जो लग रहा है अपने अनुभव से, कदाचित एविडेंस इतना सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने कि अब सीबीआई के हाथ कुछ लगा ही नहीं, इसलिए जवाब दे तो क्या दे, कुछ हाथ में तो हो तब तो बात करें, जब हाथ में ही कुछ नहीं है। लेकिन अब जब मैं समझता हूं कि चीजें पटरी पे आ रही हैं, तो और सचिन वाजे गिरफ्तार हो चुके हैं, हो सकता है कि उनसे वार्ता करके अगर यही पता लग जाए कि उन्होंने सीन को ड्रेसअप किया, एविडेंस को खलतमल किया,
क्योंकि मनसुख हीरेन की हत्या में आप देखें उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इसके अलावा इन्होंने तमाम केसेस में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो एक बार जब आदमी अभ्यस्त हो जाता है एक प्रकार का अपराध करने में तो ऐसे प्रकरण में वो और भी बहुत कुछ कर सकता है, और इसलिए अगर गहराई से पूछताछ की जाए, नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए तो आपको बहुत सनसनीखेज खुलासे आज भी और मिल सकते हैं। तो इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जैसे आपने कहा कि एक आपने जो एक वाक्या सुनाया कि एक दरोगे की बयान पर ही उनको जेल भेजा जा सकता है, तो हमारे तो यहाँ पर वीडियो है, वीडियो एविडेंस है कि वो पॉलिथिन में कुछ उठा करके ले जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर ये लीक हो गया तो हमारे हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। एक पुलिस वाले ने तो कहा कि मैं उधर पानी पीने चला गया था, किसी ने पूछा कि आप यहाँ मॉन्ट ब्लैंक से निकल के आ रहे हैं, तो कह रहे नहीं मैं तो बस इधर से जा रहा था, मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने चला गया। तो जब ये सारे वीडियो एविडेंस हैं इन सारे पुलिस वालों के अगेंस्ट में, तो आखिर इन लोगों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? मैं एक और बात ऐड करूंगी कि समझिए जनता का तो इतना विश्वास है कि जनता कितनी बार कह रही थी ये असली पुलिस हो ही नहीं सकती, ये नकली पुलिस है, ये एक्टर्स हैं जो कि पुलिस की वर्दी पहन के आए हैं। सर आपने देखा वो चप्पल पहन के आए थे क्राइम सीन पे, सर ऐसे भी पुलिस थे। और जो लड़का जो उनके मतलब इर्द गिर्द भी ना खड़ा रहने वाला लड़का, वो उनको ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे पूछ रहे, सर क्या किसी ने आपको इस तरीके से हाथ करके कभी पूछा है सर? किसी की हिम्मत होती है सर? सर सर और एविडेंस पॉली बैग में ले जाते हैं, जबकि हम सीआईडी सीरियल में भी देख चुके हैं कि एक डिफरेंट टाइप का पॉली बैग होता है, उसमें वो टोंग से एविडेंस उठाकर डालते हैं और उसको सील करते हैं। ये तो नॉर्मल सीरियल्स में भी दिखाता है सर, और ये नॉर्मल थैली में ले जा रहे थे। हाँ नॉर्मल थैली में लेके जा रहे थे, ले जा रहे थे। लवली जी, रूपल जी और रिचा जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने एक एक चीज को न सिर्फ गहराई से देखा है बल्कि कई कई बार देख करके उस पर अपना माइंड अप्लाई करके आप बहुत सही निष्कर्ष पे आप लोग निकले हैं। देखिए जब आदमी गंभीर होता है तो उसकी भाव भंगिमा, उसका एक्शन दूसरा होता है। जैसे विद्यार्थी है, एक सीरियस माइंडेड गंभीर विद्यार्थी है और एक बिल्कुल मालूम पड़ता है कि पैदाइशी फेलियर है। जो पैदाइशी फेलियर है ना, पढ़ेगा जाएगा ढीला ढाला, सर पे जरा सा वो पानी डाल करके अपना जाके बैठेगा, पानी पिएगा, वो भाव भंगिमा उसकी, क्योंकि वो कैजुअल है, उसको मालूम उसको फेल होना है, उसको कुछ करना है ही नहीं। और जो सीरियस माइंडेड बच्चा होगा वो पूरी तैयारी के साथ, एकाग्रता के साथ और सीरियस माइंडेड, और इम्तिहान के पहले बैठ जाएगा, जाकर के 5 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर का इंतजार करेगा और जैसे ही आता है तुरंत चाहे प्रार्थना करके तुरंत पढ़ करके करने लगेगा। और जो दूसरा नॉन सीरियस होगा उसको मालूम उसको तो फेल होना है, उसकी तैयारी कुछ है, पहले उंगली पुटकाएगा, दाएं बाएं देखेगा और फिर वो गुनगुनाएगा जब तक इनविजिलेटर ने कह दिया भाई चुप हो, तुम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे। ये जो पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी गए थे, ये उसी फेलियर विद्यार्थी की तरह, ड्रॉप आउट की तरह, जिसके बैक पेपर आने हैं, इनकी कोई तैयारी कि इनको सत्यानाश तो केस का करना ही था, चप्पल पहन के जाना वाह, और पन्नी के अंदर ये पॉलिथीन में लेकर के जाना, इसका मतलब था कि आप तो मन बना करके ही आए थे कि आपको केस को बिगाड़ना है। और एक आदमी कैसे, जैसे आपने कहा, कैसे स्पर्श कर लिया एक ड्यूटीरत पुलिसकर्मी को, कैसे उसकी हिम्मत कि आपका पुराना याराना ना हो, पुरानी दोस्ती ना हो, दांत काटी रोटी ना हो, आपने स्पर्श कैसे कर लिया ड्यूटी अधिकारी को? और अगर स्पर्श ही नहीं किया, 24 घंटे भूत की तरफ मलराते रहे सीन ऑफ क्राइम, उसके बाद मॉर्चुरी में, उसके बाद 24 घंटे इधर उधर आप बात करते रहे, किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, सारा खेल बिगाड़ने में, जब आपने मन बना ही लिया कि हमें कुछ करना नहीं है, एक स्वांग रचना है विवेचना का, तो आपकी भाव भंगिमा बिल्कुल स्पष्ट थी कि आप वहां गए हैं केस सुलझाने नहीं, उलझाने के लिए। तो उलझाने वाला चप्पल पहन के जाए या पैजामा और बनियान पहन के जाए, वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि आप कितने गंभीर हैं अपने काम में, क्योंकि जो विनर होता है उसकी भाव भंगिमा और उसकी वेशभूषा स्पष्ट बताती है कि आप किस उद्देश्य से गए हैं और आपका मेंटल कैलिबर क्या है। मेंटल कैलिबर तो वही मालूम पड़ गया कि आप जीरो नहीं, नेगेटिव मार्क होंगे आप, ऐसे थर्ड क्लास पुलिस अफसरों को तो वहीं पे सस्पेंड हो जाना चाहिए। सर आप तो इतने सालों से ड्यूटी कर रहे हैं सर, सर अब जब बॉलीवुड का ये कच्चा चिट्ठा सामने आया है और ड्रग्स की इतनी सारी बातें आई हैं और इतने बड़े बड़े नाम आए हैं, तो सर क्या सरकार इतने टाइम से इनको पता नहीं था कि इस तरीके के ड्रग्स के मतलब
महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड का इतना साठगांठ है, इतना साठगांठ है। जैसे आपने देखा होगा कि उमंग में, उमंग जो अवार्ड फंक्शन होता है, वहां पे बॉलीवुड स्टार इनके लिए नाचते हैं और ये बॉलीवुड स्टार को उठाते हैं सर। मतलब पुलिस बॉलीवुड स्टार को ऐसे हा हा करके उठाती है, रणवीर सिंह को उठाए हुए पिक्चर है मेरे पास। सर इनको शर्म नहीं आती सर? आप इतने बड़े डीजीपी, आप इतने बड़े पोस्ट पे, आपने तो मुझे नहीं लगता कभी किसी बॉलीवुड स्टार को या इतनी को इज्जत भी दी हो, क्योंकि वो स्टार है, वो अपना काम कर रहे, पब्लिक उन्हें पैसा दे रही है, वो हमारे रहमो करम पे पल रहे। लेकिन बॉलीवुड और सरकार का इतनी साठगांठ क्यों? क्यों नहीं? आपने सही कहा, हर सबको मौके मिलते हैं। मैं जहां जहां पोस्टेड रहा हूं, आगरा में, नैनीताल में कई पिक्चरों की शूटिंग हुई। एक आदमी तो ये भी था, पिक्चर का नाम मैं नहीं बताऊंगा एक्टर्स का, लेकिन टॉप एक्टर्स हिंदुस्तान के आए, उन्होंने कहा हमें पुलिस लाइन में शूटिंग करनी है। हमने कहा हमारे नियम है पुलिस लाइन की, अगर आप शूटिंग करेंगे तो सस्ते के जमाने में जब मारुति कार 30,000 रुपए की आती थी, तो मैंने कहा 2,00,000 रुपए रोज के खर्चे आप सरकारी खजाने में जमा कीजिए, हमें रसीद दिखाई तो हम आपको 48, अरे साहब हम आपको खाने पे बुला लेंगे और आपके साथ फोटो खिंचवा लेंगे, उतना पर्याप्त नहीं है उनका। वो और होंगे जो फोटो खिंचवा के मढ़वा करके रखेंगे या आपसे गले मिलते फोटो। मुझे कोई शौक ऐसा नहीं गया कि आपके गले में हाथ डाल करके मैं फोटो अपने घर में टांगू। सरकारी चीज, सरकारी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जवानों के सुख सुविधा के लिए 2,00,000 रुपए खजाने में जमा कीजिए, और कि ये नहीं है आपका रास्ता लग। बहरहाल 2 दिन उन्होंने शूटिंग की, उनका 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, और पैसा जमा, पैसा हम जमा कर देंगे साहब। खैर मैं भी भूल गया, 2 दिन उन्होंने शूटिंग और की। सुबह हमने कहा भाई 2 दिन की एक्स्ट्रा शूटिंग की, उसके 2,00,000 और थे उसे दिया, उनके साथ वो तो नहीं दिया, उनका कहाँ गए? तो उनके साथ वो तो निकल गए यहाँ से। अब उसमें टॉप हीरो प्रोड्यूसर, हमने कहा रोक लीजिए गाड़ी, पहाड़ का रास्ता था, वहां भागने के रास्ते तो ज्यादा थे नहीं, तो बैरियर लगा दीजिए। बैरियर गिरा दिया तो उनका साहब वो आपने तो 2 दिन के पैसे दिए ही नहीं। उनके साहब मैं चेक दे देता हूँ, मैं भूल गया। उनका भूल कैसे गया, ये भूलना क्या होता है? चेक, उनका चेक वो देता है जिसकी कोई विश्वसनीयता है। आप लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं, नगद 2,00,000 दीजिए, रसीद ले जाइए तब आप जाएंगे, वरना आप जाए हमारे साथ। भाई हीरोइंस है, हमने कहा कोई भी हो, हीरोइंस भी तो मुलजिम है, शूटिंग की है वहां पे, पैसा जमा करे हो जाए, पैसा नहीं तो अभी कर दो, मैं भेजता हूँ जेल आप हीरोइन को, प्रोड्यूसर को। आपने कहा कि हम लोगों को वांछित दूरी इस तरीके के लोगों से, वरना जनता में छवि अच्छी नहीं जाती है। इन्होंने भी कोशिश की थी खाने वाने पे बुला लें और दावत पे बुला लें, दावत कैसी होती है, आप मेरी बेटियों की तरह है, मैं उसमें ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी लानत है ऐसी दावतों और पार्टियों की, जहां पर एक सामान्य राजकीय कर्मचारी को एक इज्जतदार गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं जाना चाहिए, ऐसी पार्टी। बिल्कुल, मैं कुछ कमेंट सेक्शन सर, ये तो मतलब चढ़ के बात करते हैं इस तरीके, हाँ हाँ सर, ये तो इस तरीके से जैसे ये कानून से बढ़कर है क्या सर? ये कानून से बढ़कर है सर? आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े स्टार को एनसीबी ने बुलाया, हम बहुत खुश थे सर, हम पूरी जनता बहुत खुश थी कि एनसीबी इतना अच्छा काम कर रही है। दीपिका पादुकोण बोलो, श्रद्धा बोलो, ये मतलब सरकारी, उससे तो ये कोई बड़े नहीं है, ये एक नंबर के घिरे हुए लोग है, ये मैं आज कहती हूँ आपसे, सरकारी नाम से। जैसे आप अगर सलमान खान की बात ले लो सर, हर बार खेल खेल के चले जाते हैं सर, जो क्राइम किया है उसकी सजा उनको क्यों नहीं मिलती? क्यों क्यों हमारे लोग उनको इस तरीके से पुलिस में सर ऐसे बैठते हैं सर, ऐसे सर ऐसे हाथ रख के क्या करने का है सर, ऐसे बैठते। अगर आपने संजय दत्त जी की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उनको छोड़िए सर, रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज सर, जैसे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन उनके डैडी ने खरीद के दिया है उनको सर, वो है कौन? लेकिन ये क्यों होता है हमारे देश में कि एक आम आदमी को ऐसा मैसेज जाता है कि ये सुपरस्टार है, ये ऐसे है, तो इनका हमारे ऊपर पूरा अधिकार है, कानून वानून गया तेल लगाने। सर इसका क्या क्या मतलब हो गया सर? आपका आक्रोश बिल्कुल स्वाभाविक है और जायज है। थाना जनता के लिए बना है और वहां किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। एक ही पुलिस कमिश्नर मुंबई का था जिसने संजय दत्त के खिलाफ कार्रवाई की AK-47 के केस में। राजस्थान में जो ब्लैक बक का शिकार का केस था उसमें भी मामला चला, बहुत पहुंचा कहीं नहीं। जो मुंबई में हिट एंड रन केस था इनका सलमान खान का, उसमें भी जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, अपने पहुंच, अपने रसूख, अपने धनबल के कारण एक न एक जगह से उसको राहत मिलती चली गई और उसको पूरा लाभ मिला। बहरहाल
हम चूंकि न्यायपालिका से मिला है इसलिए हम उसकी कोई टिप्पणी उस पर नहीं करेंगे, लेकिन आपने इसके कानून की दृष्टि में सब बराबर है, आप और हम, सलमान खान, संजय दत्त और दीपिका पाडुकोण सब बराबर है, लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है कि उनके लिए, दीपिका के लिए, रिया के लिए, संजय दत्त के लिए कानून की अलग किताब है, हमारे आपके लिए कानून की अलग किताब है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, और मेरा पुलिस कर्मियों से, अधिकारियों से भी ये आह्वान होगा ऐसा कोई काम न करे जिससे कि जनता में ये संदेश जाए कि कानून की किताब अलग अलग है, कानून किताब सबके लिए एक है। इसीलिए इनसे ज्यादा घुलना मिलना, इनके गले लगना, इनकी दावत पार्टियों में जाना, इनकी दावत पार्टी करना, ये हमें शोभा नहीं देता है। बिल्कुल, मैं ले लूं कुछ कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन। अर्जुन कुमार यादव ले लीजिए रहे हैं कि आखिर कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ, जो लोग वहां पर थे चाहे वो सिद्धार्थ पिटानी हो, नीरज, केशव, तो पुलिस उनको ले जाकर के उन्होंने उसी टाइम उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों नहीं किया? लवली जी, वो कॉम्प्रोमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन था। आज से 15 दिन पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन था वो कॉम्प्रोमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन था, इसलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी तो हम औचित्य की बात ही न करें, क्योंकि क्या होना चाहिए था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब कस्टोडियल इंट्रोगेशन का, अब नार्को एनालिसिस का, अब पॉलीग्राफ टेस्ट का समय अब आया है, तब जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें तो कोई उम्मीद उससे पहले भी नहीं थी कि अब होगी, अब मुझे उम्मीद जरूर है और अब आपके सामने परिणाम भी आ रहे हैं। तो ये मेनका सिन्हा पूछ रही है कि क्या सबूत मिटाने वालों का नार्को टेस्ट होगा? जिन लोगों ने सबूत मिटाए कि किसके इंस्ट्रक्शन पे वो सबूत मिटा रहे थे? आईपीसी की धारा 201 इसीलिए बनी हुई है, सबूत मिटाना एक संगीन अपराध है, जिन्होंने सबूत मिटाया है, विवेचना में अगर प्रकाश में नाम आया है कानूनन उनका इंट्रोगेशन और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर, अगर हम जनता अगर किसी ऑफिसर या किसी नेता के खिलाफ हम अगर कोई याचिका मतलब कंप्लेन करना चाहें तो हमें कहां करनी चाहिए? क्योंकि हमने देख लिया कि ना ही महाराष्ट्र के जो न्यायपालिका, जैसे न्यायपालिका भी है, आपने अगर देखा होगा कि अर्णब सर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद भी उन्होंने जानबूझ के उन्होंने वर्डिक्ट नहीं दिया। सर ये गलती है सर, ऑन द स्पॉट दे सकते थे ना सर, एंटीलिया के केस में तो उन्हें वर्डिक्ट देना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो होगा, हमने उन्हें नकार दिया। हाई कोर्ट, मैं हाई कोर्ट की बात करें जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो सर तो ये हाई कोर्ट में फिर पुलिस अधिकारी और नेता अगर इन ये तीन जब गलती करते हैं तो हम जनता उनकी कंप्लेन कहां करें, क्या करें? हम कभी भी हेल्पलेस फील नहीं करना चाहिए, असहाय अनुभव नहीं करना चाहिए। हर शिकायत का समाधान सबसे पहले लोकायुक्त होता है। अगर पुलिस की कोई शिकायत है तो पुलिस महानिदेशक से लेकर के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, सचिवालय, और अगर प्रशासन की है यानी मैजिस्ट्रेसी की है तो चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और हाईकोर्ट। इसके अलावा जुडिशरी है और इसके अतिरिक्त जुडिशरी के अलावा लोकायुक्त कार्यालय है। ये तो इतने हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम शिकायत कर सकते हैं और उसकी एक एक कॉपी पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और डायरेक्टर सीबीआई, इनके यहां भी हम कर सकते हैं। इसके बारे में सर का डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कहती हूँ सर को फिर से ज्वाइन करने के लिए। तब तक मुझे ऑडियंस में से ही किसी ने पॉइंट आउट किया कि आज आप रिपब्लिक का पिंड ट्वीट पढ़ दीजिए, तो मैं पढ़ देती हूँ। उनके लिए भी बहुत खुशी का दिन है, उन्होंने उन रिपब्लिक का पिंड ट्वीट है, ट्रूथ विंस अगेन, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अनाउंसमेंट, मैसिव विंडिकेशन एज ऑल चैप्टर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी दैट वर इनिशिएटेड बाय द मुंबई पुलिस नाउ स्टैंड कंप्लीटली एंड एंटायरली टर्मिनेटेड। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बता रहे थे कि कैसे कैसे हम कंप्लेन कर सकते हैं। जी, तो मैंने बताया पुलिस में अगर हो तो पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, गृह सचिव के बाद मुख्यमंत्री, सचिवालय, डायरेक्टर सीबीआई, पीएमओ और चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ये आपके पास है। और लोकायुक्त एक बहुत वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है जो कम लोग जानते हैं, लोकायुक्त। अब मैजिस्ट्रेसी पे आते हैं और राजनेताओं पे, इनके बारे में मुख्यमंत्री, सचिवालय, लोकायुक्त, पीएमओ और डायरेक्टर सीबीआई,
और अगर आर्थिक है, आर्थिक मामलों में जबकि मंत्रियों के खिलाफ सामान्यतः आर्थिक और भ्रष्टाचार के ही मामले आते हैं, तो ईडी को भी आप शामिल कर सकती हैं, सीबीआई को भी शामिल कर सकती हैं। लोक आयुक्त एक बहुत सशक्त एक संगठन है, प्रत्येक प्रदेश में है। अगर लोक आयुक्त को भी आप कर लेंगे तो मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई लोक आयुक्त, लेकिन अधिकांश स्टेट्स में लोक आयुक्त भी वही बनाए जाते हैं जो कि उन्हीं के विचारधारा से, क्योंकि वो भी कुछ करते वरते नहीं है, जांच करेंगे 3 साल 4 साल और जब उनका टर्म खत्म होगा कह देंगे आरोप प्रमाणित नहीं हुए। इसलिए मैं भी समझता हूँ कि पीआईएल एक बहुत सशक्त माध्यम है। अगर एक प्रॉब्लम नहीं, जैसे एक सामान्य सी बीमारी भी होती है तो आदमी होम्योपैथिक, एलोपैथिक, बायोकेमिक और सारी मेडिसिन और सारी पद्धति ट्राई करता है। आप इसमें भी सीबीआई से लेकर के पीआईएल तक जो भी आपके तर्कस में तीर हैं उन सबका सदुपयोग करते हुए करें और इनको हतोत्साहित करें। तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। देखिए, आप भी पुलिस में रह चुके हैं, तो ये जो बॉलीवुड और पुलिस का नेक्सस है ये एक दिन में तो बना नहीं, ये तो सालों से धीरे धीरे चलता आ रहा है, जो कि अब ऐसा हो गया है कि उनके अपने एक एक्टर, मतलब हम एक एक क्या बात करें, दिव्या भारती है का हम नाम लेते हैं, श्रीदेवी का नाम लेते हैं, जिया खान, परवीन बॉबी, गुलशन कुमार जी, ये तो जाने माने लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, जैसे कि दिव्या भारती, समीर शर्मा, पिस्ता धाकर, अनुपमा पाठक, ये लोग जो गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं और इनको बस खत्म कर दिया जाता है। तो ये कैसे है कि अगर कोई, अगर दिव्या दिशा सलियन की माँ अगर FIR लिखाने गई होंगी तो उनके ऊपर प्रेशर डाल करके, उनको डरा धमका करके कि आज वो सबको कह रही है कि मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे मतलब नहीं है न्याय से, जिनकी की बेटी चली गई, तो ये इसको तोड़ा कैसे जाए, इसका क्या उपाय है और ये कैसे प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई? देखिए, सबसे पहली चीज है पुलिस सुधार। 1996 में प्रकाश सिंह और एन के सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की पुलिस सुधार को लेकर। 96 के बाद लगभग 10 साल बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी और 7 बिंदुओं में पुलिस सुधार के बारे में वृहद दिशा निर्देश दिए कि इसका अनुपालन होना चाहिए, क्योंकि बिना पुलिस सुधार के पुलिस की दिशा और दशा नहीं बदल सकती है, भ्रष्टाचार नहीं मिल सकता है, पुलिस में व्यावसायिक दक्षता नहीं आ सकती है। 2006 का 2021 हो गए, सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता कि मैं क्या करूं, अगर अधिकांश मुख्यमंत्री हमारे साथ सहयोग न करें तो पुलिस सुधार कैसे। एक और सर्विंग चीफ जस्टिस ने कहा पुलिस सुधार तो ऐसी चीज है जो सदैव चली जा रही लेकिन समाप्त नहीं हो रही। ये ऐसी स्थिति बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। और राजनेताओं से, बड़े बड़े राजनेताओं से मैंने वार्ता की, आखिर आप लोग पुलिस सुधार लागू क्यों नहीं करते हैं? जो भी पार्टी पुलिस सुधार लागू कर देगी वो अमर हो जाएगी। दो चीजों में कोई भी राजनीतिक दल में मतभेद नहीं होता है। अगर हमें अपने भत्ते, अपनी सुविधाएं बढ़ानी हो तो सब राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, सब राजनीतिक दल अपनी सुविधा बढ़ाने में, अपने भत्ते बढ़ाने, फिर उसमें कोई विरोध नहीं होता है, सर्वसम्मति से पास हो जाता है। इसी तरह से पुलिस सुधार का विरोध करने में सब राजनीतिक दल एक हो जाते हैं कि नहीं होना है पुलिस सुधार। तो मैंने एक राजनेता से पूछा, आप लोग करते क्यों नहीं है? उनका विक्रम सिंह जी, जिस दिन पुलिस सुधार लागू हो जाएंगे उस दिन हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, कोई और काम धंधा ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारी राजनीति चलती ही इस भ्रष्ट, इस निकम्मी, इस थर्ड क्लास पुलिस व्यवस्था पे। अगर पुलिस भ्रष्ट और निकम्मी नहीं होगी तो हम अपने प्रतिद्वंदियों को पिटवाएंगे कैसे, फर्जी केस लगवाएंगे कैसे, हम लोगों को फंसाएंगे कैसे, हम लोगों को बचाएंगे कैसे डकैतों को, हथियारों को? जब तक ये नहीं होगा तो हम राजनीति कैसे करेंगे? सारा खेल यहीं आके बिगड़ता है कि जिस देश की घटिया राजनीति है वो चलती ही एक भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था के आधार के ऊपर। पुलिस सुधार ले आइए, एक कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स ले आइए जो कि राजनीतिक दबाव से इंसुलेटेड हो, इनके नाजायज इंस्ट्रक्शंस न माने, आप देख लीजिएगा एक क्रांति आ जाएगी। लेकिन वो होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम दो चार घटनाएं हो जाए ना तो जरूर आएगी। सर, सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप काफी सालों से देखो तो उन्होंने कोई केस सॉल्व नहीं किया है, बहुत सारे साल ले लिए। अब जनता, हम तो पागल हो चुके हैं, हम बागी हो चुके हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जिद्दी हो चुके हैं।
सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर फिर से सीबीआई ने ये कह दिया कि उन्होंने सुसाइड किया और हमें कोई एविडेंस नहीं मिले, तो हमारा क्या ऐसा कदम होना चाहिए? क्योंकि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये श्योर है। हम किसी भी हद तक अब जाएंगे ताकि सीबीआई अच्छे से जांच करे। अगर इन केस उन्होंने फिर से यही चीज किया, क्योंकि हमारी सारी नजरें टिकी हुई है, हमारी नजरें मोदी जी पे भी टिकी हुई है, हमारी नजरें आने वाले 2024 के इलेक्शन पे भी टिकी हुई है, तो हमारा क्या कदम होना चाहिए कि हम सीबीआई से ये कहें कि जनता अब नहीं मानेगी, आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी? हम किस प्रकार से उन पे ये प्रेशर बना सकते हैं सर? और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि आयुषी हत्याकांड में हर बार सीबीआई स्टेटमेंट देती थी, इस बार इतना चुप क्यों है? आयुषी मर्डर केस में तो लगता था जैसे क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री हो रही है जी। अब कप्तान साहब पहुंचे, अब कप्तान साहब निकले, अब कप्तान साहब गए, अब ये इनके भक्त हैं, वो भी उनके भक्त हैं, आपको याद होगा दोनों एक। और उसमें कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ सर, वो वैसे ही रह गया। हाई प्रोफाइल केस था लेकिन अंततोगत्वा आप देखें, तीन सीबीआई की टीम बनी थी, यूपी पुलिस, सीबीआई टीम वन, सीबीआई टीम टू। यूपी पुलिस ने जो फाइंडिंग 21 दिन में दिया था वही सीबीआई टीम टू ने भी दिया, उसी के बेसिस पे ट्रायल कोर्ट में सजा भी हो गई। लेकिन वही तमाम बातें थी बाहुबली के लिए, शायद के लिए कानून की किताब अलग है। लेकिन जो रूपल जी ने जो सवाल किया था मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा, आप अभी से अपना ताना बाना और एक्शन प्लान तैयार कर लीजिए। सोशल मीडिया, सीबीआई को साक्ष्य उपलब्ध कराना, आरटीआई और सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे निर्भया केस में सोशल मीडिया के माध्यम से इतना प्रेशर बना राजनेताओं पे कि उनके भागने के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए। मैं फिर चाहूंगा कि अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती, जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार मुझे गंभीर दिखाई पड़ रही है इसके सफल अनावरण के लिए और सही अनावरण के लिए, और एक दफा कोई ठान ले कि ये मुश्किल केस नहीं है, इसका अनावरण नहीं हो सकता, इसका अनावरण बड़े आसानी से हो सकता है। एक आत्महत्या होती है वो अपने में अस्वाभाविक है, अभी मैं कह नहीं रहा कि हत्या है क्या आत्महत्या है, एक अननेचुरल डेथ कल्याण की होती है और 10 दिन की दूसरी अननेचुरल डेथ हो जाए, ये इसका ताना बाना नहीं है। अगर एक बार आप मान ले आत्महत्या है, वो भी आखिर आत्महत्या क्यों हुई, किसने कराया, किसने ऐसा प्रेशर डाला, किसने ऐसा दिमागी उनके ऊपर स्ट्रेस डाला कि दो आत्महत्या हो गई, और अगर हत्या है तो आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि जो मैंने आपसे 5 सवाल किए, आपने लास्ट कॉल्स रिसीव्ड, लास्ट कॉल्स मेड, लास्ट एसएमएसएस रिसीव्ड, लास्ट एसएमएसएस डन, लास्ट ईमेल सेंड, इसके बारे में तो आज तक नहीं पता है जनता को कि ये दिशा सालियान केस में क्या हुआ हमारे, बट टू द कॉन्ट्ररी दिशा सालियान की सोसाइटी के वो रजिस्टर के पेज तक फाड़ दिए गए, किसने पेज फाड़ा इसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, दिशा सालियान का फोन थाने में क्यों पड़ा रहा, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई है, सुशांत सिंह राजपूत फाइल कैसे डिलीट हो गई सर, इतनी लापरवाह पुलिस। नहीं, अगर फाइल डिलीट हो गई तो कुकीज से तो निकाल सकते थे, उनके पास तो 10 साल रिकवर किए कुकीज में से। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के बैंक बैलेंस में झाड़ू कैसे लग गया, किसने निकाल लिए करोड़ों रुपए, ये सब सवाल का जवाब तो इन्वेस्टिगेटर्स को देना पड़ेगा ना, इन सब सवालों का। जी जी ऋषा जी, सर सर कुछ हार्ड डिस्क रिकवर हुए हैं जो गुजरात के फॉरेंसिक लेबोरेटरी में हो रहे थे, तो वो रिकवर हुए हैं, तो उनपे अभी तक कोई संज्ञान लिया गया है या नहीं, क्योंकि काफी सारे हार्ड डिस्क है जी। वो देखिए, जो हमें मालूम था कि सुशांत के घर पे एक दिन पहले जाके जबरदस्ती जो हार्ड डिस्क रिकवर निकाल लिए गए थे, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी, वो बड़ा संगीन मामला है। मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई ऐसी सनसनीखेज बात जरूर होगी, क्योंकि अब तक नहीं तो नकारात्मक आ जाता कि उसमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ दस्तयाब नहीं हुआ, जो पुलिस की भाषा है। लेकिन ये कहना दस्तयाब नहीं हुआ, नहीं कहना कुछ प्राप्त हुआ, ये अपने में बताता है ये एक जो एक शांति है, ये तूफान से पहले वाली शांति है, इसके समय का इंतजार हो रहा है। अब ये क्यों, किस बेसिस पे, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है, कब इसकी टाइमिंग होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो वो है, एक सच्चा इन्वेस्टिगेशन वो है जो समय की प्रतीक्षा नहीं करती, तत्परता के साथ बिना समय गवाए न्यायालय के सामने तथ्य प्रस्तुत कर देता है। तो हार्ड डिस्क सर, रूपल कुछ कहना चाहती है, बोलिए। मैं ये कहना चाहती थी सर कि जैसे एंटीलिया केस में
एंटीलिया केस में सर उन्होंने मतलब गाड़ियों के बीच में के फुटेज सीसीटीवी फुटेज तक निकाल लिए, मतलब वो कहाँ गया था, सचिन वाजे किसके साथ था, और मुकेश जो जो मर मनसुख हिरेन कित हाँ मनसुख हिरेन रोड क्रॉस करके आए उसकी गाड़ी में बैठे। तो सर लॉकडाउन का समय था सर, लॉकडाउन का समय पे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है, ये लोग पार्टी करते हैं अपने ही मतलब बनाए गए रूल्स खुद तोड़ते। और अगर सर नारायण राणे जी की आप बात सुने, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप चेक करो ना टेलीफोन टावर से, आप चेक करो सीसीटीवी फुटेज के एक नेता का लड़का वहां पे मौजूद था, वो कौन था, उसके इशारों पे ये दोनों काम हुए। तो सर लॉकडाउन के समय पे इनको ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिला, जबकि मनसुख हिरेन के टाइम पे उनको मिल गया, रोड के बीच से भी उनको सीसीटीवी फुटेज मिला है। तो लॉकडाउन में तो सर कितनी गाड़ियां, मतलब गाड़ियां तो आई होंगी ना, कोई भी जगह से आएंगे, चाहे वो सेंटाक्रूज से आए, पवई से आए, यहां से आए, वहां से, एक सीसीटीवी फुटेज तो कैप्चर होना चाहिए ना कि कौन सी गाड़ी थी। और एक बार गाड़ी का नंबर मिल गया सर, आपको तो पता है पुलिस एक बार नंबर मिल गया तो गाड़ी के क्या, गाड़ी के ओनर की भी खाल निकाल लेती है। तो सर ये तो सीबीआई भी कर सकती है ना, ये बिल्कुल कर सकती है और करना चाहिए भी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज ना होगा। अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तब भी आईटी में कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में वो भी निकाल लिया होगा, मैं समझता निकाला जरूर होगा। लेकिन चूंकि इसके तार आप समझ रहे हैं कहां तक जा रहे हैं, हो सकता है कि उसको दूसरा डायमेंशन दे करके उसको अपने हिसाब से समय आने पर और अपने तरीके से उसका पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से उसका इस्तेमाल किया जाए, हो सके, ये मेरा कयास है, मैं कुछ इस पे नहीं रहा। लेकिन अगर सीबीआई चाहे तो सीबीआई छोड़ दीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी चाहे तो बड़ी आसानी से जो आपने खाका बताया है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर सकती है। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ रूपल गो अहेड, तब आप बोलिए। नहीं नहीं मैं सिर्फ ये कह रही थी सर कि अगर आप अर्णब जी की बात लें तो क्या हमारी जो बड़ी बड़ी सरकार है, जब महाराष्ट्र में अर्णब जी को इस तरीके से गिरफ्तार करके वो वैन में लेके जा रहे थे, एक टेररिस्ट की तरह उनके साथ बिहेव हो रहा था, उनके सारे जितने भी लोग थे उनके साथ ऐसा बिहेव हो रहा था, लेकिन मजाल है कि 8 दिन सर 8 दिन तलोजा जेल में सर अर्णब जी मतलब तलोजा जेल में रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा। अगर केंद्र सरकार के पास इतनी पावर तो है ना सर कि वो अगर बोल दे कि ये स्टॉप करो, ये नहीं ठीक है, तो स्टॉप भी तो हो सकता था ना सर, एक दिन में स्टॉप हो सकता था सर। क्या ये मेरे मैं सही हूं या गलत, मुझे आप करेक्ट कीजिए सर, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूं कि क्या केंद्र सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि किसी एक वरिष्ठ पत्रकार को अगर वो इस तरीके से गुंडों की तरह लेके जाते हैं तो उनको ये फोन करके सिर्फ इतना बोल सकते थे कि आप इस तरीके से ना करें, या इस तरीके से सुबह 6 बजे लाके AK-47 लेके इस तरीके से किस तरीके से आपने गिरफ्तार किया, ऐसा नहीं हो सकता सर। सरकार पे तो वो तो उनके पास वो पावर तो है ना सर। देखिए इसमें अगर आप देखें अर्णब गोस्वामी के साथ जो हुआ वो सरासर आतंकवाद था। गिरफ्तारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, बेल नॉट जेल। अर्णब गोस्वामी को डकैत नहीं है कि वो भूमिगत हो जाएंगे। अर्णब गोस्वामी राष्ट्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं, उनके साथ ये व्यवहार बहुत ही निंदनीय और दंडनीय है। पहली गलती इन्होंने ये की कि अर्णब को गिरफ्तार किया। दूसरी गलती ये कि जिस तरीके से किया, उसके बेटे के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके अलावा कोरोना काल में अर्णब को ले जाकर के जेल में बंद किया, वैन में बैठा करके, ये सब चीजें न की जाती तो ज्यादा अच्छा होता, उनकी शासन प्रधान की गर्मा बढ़। लेकिन उन्होंने जो भी कार्रवाई की है प्रतिशोध की भावना से की है, एक नसीहत देने के लिए और उसके हाथ को आम, जिसको कहते हैं आम ट्विस्ट करने की, हमारे बारे में तुम पालाघर जो साधुओं की हत्या हुई है, तुम जो पेंगुइन बहुत कर रहे हो, तुम हमारे शासन प्रशासन की आलोचना कर रहे हो। तो मकसद ये था कि सचिन वाजे के जरिए फर्जी केसेस बना करके तुम्हें प्रताड़ित करना। अब आप बात आती केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की बड़ी बृहत अधिकार है वो और तमाम तरीके। अरे केंद्र सरकार को छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार तो छोड़ दीजिए, डायरेक्टर सीबीआई अगर चाहते तो तरीके से एप्लीकेशन लेकर के एन केंद्र प्रकार हाईकोर्ट से एक एप्लीकेशन डलवा करके या और तरीकों से ये इन्वेस्टिगेशन सारे सीबीआई को जा सकते थे। डायरेक्टली तो केंद्र सरकार कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती है क्योंकि चुनी हुई सरकार है,
इसके अलावा आपको याद होगा बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने के टाइम में कितनी गुंडागर्दी होती थी, कितना ऑलमोस्ट इसी तरीके की गुंडागर्दी हमने बिहार में देखी है कि, और काफी हद तक ऐसी गुंडागर्दी हमने उत्तर प्रदेश में भी एक टाइम में देखी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने तब भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, न उत्तर प्रदेश में, न बिहार में, न महाराष्ट्र में। क्या कारण थे? क्योंकि उम्मीद करते कालांतर में न जाने किस भेष में पार्टनर मिल जाए, हो सकता कभी हमें समझौता करना पड़े। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि औचित्य पर कार्रवाई नहीं होती है अपने लाभ के ऊपर और राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने के। कल तक जो दोस्त थे आज प्रतिद्वंदी हो गए हैं, और उस प्रतिद्वंदी को फिर मित्र बनाने के लिए उसका फिर हाथ उठा जाएगा। जो बातें आपने कही, खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, वक्त आने पर बाकी अगली कड़ी में पढ़िएगा। हो सकता अगली कड़ी के लिए तैयारी हो रही हो, ब्लैकमेल करने के लिए, अपने लाभ के लिए, कि दोबारा मेरे साथ आ जाओ, सरकार हम बना लेंगे। राजनीति में ये, अरे लेकिन ऐसे में तो हमारे इतने अच्छे लोग चले जाते ना, और आज अर्णब सर को कुछ भी हो सकता था। सुशांत तो चला गया ना इनके साथ गार्ड की वजह से सर, इनके इनके पावर, इनकी पॉलिटिक्स की वजह से हमारे तो बच्चे चले जाएंगे। हमारे तो वरिष्ठ पत्रकार एक अर्णब, जिन्होंने हम जैसे युवाओं के उसमें एक आग जलाई कि नहीं आप लोग आवाज उठा सकते हो, नहीं तो कोई नहीं देखता था। मैं खुद नहीं देखती थी, न पत्रकार देखते थे, पत्रकारिता देखते थे, मैं तो न्यूज ही नहीं देखती थी। मुझे कुछ समझ, मुझे ऐसा लगता था दिन रात ये लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं। बट एक एक पत्रकार ने आज पूरे देश को जगा दिया। अगर इनकी सांठगांठ के वजह से अर्णब को कुछ हो जाता, जैसे कंगना रणावत का इन लोगों ने घर तोड़ दिया, तब भी केंद्र सरकार ने कुछ स्टेप नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कुर्सी, अपनी पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ये कैसे बदलेगा, ये कैसे बदले हम, इसका क्या तोड़ है सर? इसका तोड़ आपके सामने है। सचिन वाजे का आप देख रही हैं क्या हाल है, परमवीर का क्या हाल है, जो कल तक आसमान पे थे आज मिट्टी में मिल गए। आदमी का पाप आज नहीं तो कल, या तो कानून की किताब से मिलेगा, वरना ऊपर वाले की लाठी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जब जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है, जैसे इन दोनों की उधेड़ दी। जो इस तरीके के पापाचार में रहेगा उसका अंत वैसे ही होगा जैसे शिशुपाल, रावण और जरासंध का हुआ और हिरण्यकश्यप का हुआ। उनका भविष्य मुझे बहुत अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, जो इस तरीके के पापाचार में संलिप्त रहते हैं। ऋचा आप कुछ कहना चाहती है, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं सर वर्ल्ड में, जो अपने एक एक नागरिक के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए या एक्सीडेंटल डेथ के लिए कंसर्न रहते हैं, वो उसकी जांच पड़ताल भी कराते हैं। हमारे कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है? आए दिन रेप की घटना, आए दिन एसिड अटैक, आए दिन किसी को सुसाइड बोल देना और किल करके उसको सुसाइड नाम दे देना, राह चलते किसी को मार देना। इतना फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर कि लोग किसी की भी जान लेना बहुत आम बात समझते हैं। और इस पे हमारी सरकार ने कानून तो बहुत सारे बना के रखे हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता। ऋचा जी और रूपल जी और लवली जी, मैं इसका उत्तर दूंगा, मुझे 2 मिनट लगेगा और फिर मैं उसके बाद आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा इस उत्तर के बाद। तो इसका हूं आपके सवाल का, ऋचा जी, इसमें कई आयाम है। मैं पहले बताऊंगा क्यों हम फेल हो रहे हैं, क्यों हम फेल कर रहे हैं अपनी बच्चियों, क्यों हम फेल कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिक, क्यों हम फेल कर रहे हैं अपनी जनता। कहते तो हम जनता जनार्दन है, देवियां मातृ शक्ति है, बच्चे बाल गोपाल है, वास्तविकता क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, गैंग रेप्स हो रहे हैं, तेजाब फेंका जा रहा है, पुलिस में इच्छा शक्ति क्या वीआईपी ड्यूटी के अलावा आपकी कोई ड्यूटी नहीं, जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। हकीकत यह है कि आपको जनता की सुरक्षा अगर आप दे दें, जिससे पूछे पुलिस अधिकारी से, साहब आंकड़े देख लीजिए एनसीआरबी के, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि डकैती 5% घट गई, मर्डर 2% घट गया, बलात्कार 10-25% घट गए। आंकड़े नहीं, जनता जिस दिन अपने को सुरक्षित समझे, समझ लीजिए कि आपने सफल। और आंकड़े कुछ भी कहें, अगर जनता अपने को असुरक्षित समझ रही है तो पुलिस प्रशासन है असफल। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि बौद्धिक ईमानदारी, कमिटमेंट, सचरित्र होना पुलिस और प्रशासन का, पुलिस सुधार, तीसरी चीज मैं समझता हूं प्रशिक्षण, इसके एक बहुआयामी एक अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, दूसरी चीज एक नो नॉनसेंस अप्रोच, और तीसरा पुलिस रिफॉर्म्स। मैं जहां पे भी रहा हूं वहां पर ऐसा नहीं था कि एसिड अटैक नहीं होते थे, सामूहिक बलात्कार नहीं होते थे, लेकिन जब एक दफा आपकी छवि बन जाती है
तो दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है गैंग रेप करने का, दोबारा एसिड फेंकने का। मैं एक मिसाल देता हूं, जो एसिड अटैक करता है उसके घर में तेजाब रहता है, अगर गिरफ्तारी के दौरान जिसने तेजाब फेंका है उसी के ऊपर होना नहीं चाहिए। मैं मानवाधिकार के बारे में बड़ा गंभीर हूं, लेकिन उसके ऊपर अगर तेजाब गलती से गिर जाए तो क्या होगा, उसकी शक्ल तो उस बच्ची से भी ज्यादा विकृत हो जाएगी और वो खुद भी विकलांग हो जाएगा। लेकिन एक दो केसेस में हो गया, नहीं होना चाहिए था, एक्सीडेंटल नहीं होने चाहिए। लोगों ने कहा कि साहब पुलिस ने ही उसको तेजाब से नहला दिया, एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट। लेकिन दोबारा जहां पर मैं रहा दोबारा कभी किसी की हिम्मत नहीं कोई एसिड अटैक, और एसिड अटैक के साथ मैं 3 प्रसाद और देता था। लोग 323 और 325, मैं लगाता था 307 अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, गैंगस्टर एक्ट जिसमें चल अचल संपत्ति कुट हो जाती थी, और रासुका। जिन 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 ने तेजाब छुआ वो गए 10 साल के लिए, चल अचल संपत्ति कुट, घर में झाड़ू लग जाता था, कुछ रहने मिलता नहीं था, दोबारा कोई सुराग नहीं। गैंगरेप पे आ जाए, गैंगरेप वाले की वो दुर्गत हो जाती थी, बाकी खुलासा करने नहीं आए बच्चे, वो दुर्गत हो जाती थी, वो दुर्गत होती थी कि दोबारा कहता है कि साहब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अब आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं महिला की तरफ हाथ उठा के नहीं। कानून को देगा, लेकिन अगर पुलिस चाह ले तो ऐसा, जिसको कहते हैं ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए, तो वही कहर होता है कि जब ऐसी मुसीबत इनके ऊपर कि ये इश्क भूल गए कि इश्क का शब्द क्या होता है और ये लफंगई क्या होती, ये भूल गए उसको, अगर पुलिस चाहे वहां भी गैंगरेप वगैरह खत्म। और दुर्गत कैसे की जाती पूरी जगह चाली, क्योंकि खुलासा करना औचित्य पूर्ण भी नहीं है न वो उसका खुलासा करना। लेकिन हाँ, ये जो लफंगे होते हैं इस तरीके के जो मिजाज वाले होते हैं, ये आपके तेवर को समझ लेते हैं कि आदमी ऐसा आया ये तबाह कर देगा आपको भी और आपके खानदान को, तो दोबारा दुस्साहस नहीं करता है। लेकिन उसके लिए पूरा शक्ति सामर्थ्य, मुझे नहीं मालूम 36 साल में कौन फिल्म आई कौन सी फिल्म गई, मुझे नहीं मालूम कौन सा फैशन आया कौन सा फैशन गया, मुझे ये नहीं मालूम कौन सी हीरोइन है कौन हीरो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये क्रिमिनल और ये डकैत और ये हत्यारा, ये गैंगरेपिस्ट, इसके शौक क्या हैं, ये कहाँ मिल सकता है, इसकी आमदनी क्या है और इसके दोस्त कौन है, ये मुझे मालूम है, आज ही मालूम। और उसको मिट्टी में मिलाना ये मेरा ध्येय एक जुनून था, और जब तक मैं ऐसे 5-7 लोगों का नाश्ता नहीं कर लेता था मेरा दिन ही पूरा नहीं होता था, पूरी टाइम एनर्जी इतनी हो जाती थी। फिर उसमें सिनेमे वालों के साथ दावत खाना है, कहीं और दावत खाना या भांगड़ा करना है, वो सब उसमें संभव नहीं है। ये पुलिस का पूरी तपस्या है, पूरे तरीके से अंडरवर्ल्ड को अटैक करना, क्योंकि ये तो वो जिंदा रहेंगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा तो वो मरेंगे, एक को तो मरना पड़ेगा और अंडरवर्ल्ड ही मरेगा। मैं आपसे बस एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि आप सबसे क्या कहना चाहते हैं, हम लोग बॉयकॉट बॉलीवुड कहते हैं तो बॉलीवुड को बॉयकॉट करना क्यों जरूरी है? मैं तो कहूंगा बॉयकॉट एवरीथिंग बैड इन द पुलिस, इन बॉलीवुड, इन सोसाइटी, इन पॉलिटिक्स, बॉयकॉट व्हाट इज नेगेटिव एवरीवेयर। बॉलीवुड में भी भले लोग हैं और पॉलिटिक्स में भी भले लोग हैं, भले ही उनकी संख्या 1% से भी कम है, बॉयकॉट व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज एंटी नेशनल, वो बॉलीवुड में हो, पुलिस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, बॉयकॉट व्हाट इज एंटी नेशनल, व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड, वी एक्सेप्ट एंड सैल्यूट देम, बट व्हाट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, व्हाट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, वी कंडेम इट and say that we will not accept you and the nation will reject you. आपको देखकर you restore our faith. सर एक last question sir. सर एक last question sir. क्या ये तार बाबा पेंगुइन और बेबी पेंगुइन तक जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि जितने भी साक्ष्य आ रहे हैं, जिस तरीके से बेकरारी से उनको छुपाया जा रहा है, इसकी प्रबल संभावना है। सर आई सैल्यूट यू सर, सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया सर। गॉड ब्लेस योर पाथ ऑलवेज, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल थ्री ऑफ यू, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस योर पाथ, थैंक यू सो मच, बहुत आशीर्वाद, थैंक यू सर, चरण स्पर्श सर, चरण स्पर्श सर। और आपकी आपने आपकी सर्विस तो इसका प्रूफ है ही, आज आपकी बात भी, और सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, आपने हर सवाल का जितनी सच्चाई के साथ जवाब दिया, मतलब आई रियली हम सब आपके फैन हो गए हैं, और यू आर द रियल हीरो, यू आर द रियल हीरो, यस। और मैं सबको, सब आपको थैंक यू बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि पुलिस, मतलब जो
जिन लोगों का भी विश्वास पुलिस पे कम हो रहा था, आपकी बात सुन करके वो चाहते हैं कि आपके जैसे लोग पुलिस में हो, और प्लीज आप कुछ कीजिए, ट्रेन कीजिए, जैसे भी कीजिए कि आप ही के जैसे लोग सर, पुलिस प्लीज हमें अच्छी पुलिस चाहिए सर। हम फिर से चाहते हैं कि हम अपनी पुलिस को सैल्यूट करें। हम उन्हें आते जाते सर, जब लॉकडाउन था हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, जब पुलिस ड्यूटी पे थी हम जाके दाल चावल वगैरह सब देते थे सर। हम उन्हें पूछते थे आपने खाना खाया, आपने कुछ किया सर, आपको कुछ पानी चाहिए, कुछ चाहिए सर, हम पूछते थे हमारे पुलिस वालों को सर हमें ऐसी पुलिस चाहिए सर। हम उनको पलकों पे बिठा के रखे, हम अपने सोल्जर को भी पलकों पे बिठा के रखेंगे। हम उन्हें नहीं मरने देना चाहते, उनकी भी फैमिली है, हम समझते हैं सर, लेकिन इस तरीके से सुशांत जैसे लोग चले जाएंगे तो हम किस पे भरोसा रखेंगे? हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन का क्या होगा सर? आपका भविष्य और आने वाली जनरेशन का भविष्य बहुत उज्जवल है, मंगलमय है, और आगे सब मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण है। जहां आप ऐसी देवियां हैं वहां सात्विकता का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान सबकी रक्षा करें, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपके ब्लेसिंग्स बहुत ही। जय इंसान, भारत माता की जय सर, हर हर महादेव, जय। थैंक यू जी, थैंक यू सर। रूपल जी तो आज का तो हाँ, ऋचा बोलिए, आप बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं ऋचा? आप चाहती हैं कि हम लिंक शेयर करें लोगों को, ले थोड़ी देर के लिए? थोड़ा लोगों को लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ले लेते हैं। मैं भी लिंक शेयर करती हूं। हां, मैं भी लिंक शेयर करती हूं। तो मैं जब मैंने जब विक्रम सर से बात की थी पहली बार, मैंने सर को बताया था कि हम, सर ने मुझे कुछ नहीं पूछा, मुझे सिर्फ इतना बोला अगर आप नारी शक्ति ये काम कर सकती है तो मैं तो आ ही सकता हूँ। तो ये उनका बहुत बड़प्पन है, हालांकि वो बहुत बिजी रहते हैं और वो हमेशा किसी न किसी उसमें रहते हैं, लेकिन इतने बड़े ऑफिसर जब हमारे लिए आते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, हमें दिल से बहुत गर्व महसूस होता है कि नहीं, मतलब हमारे लिए आए हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हमें लगता है कि हमें शायद सुशांत का एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है कि इतने अच्छे लोग आके हमारे साथ बात करके हमें इतना कुछ सिखा के जाते हैं और इतना कुछ बोल के जाते हैं कि हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर भी हमें मिलता है। सी, 3 घंटे बात करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन 3 घंटों में हमने उस बात पे कितना समझा और कितना जाना और कितना उसका उपयोग किया आगे जाके, और हमें कितना समझ में आया वो इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल, मैं एक मिनट एक कमेंट ले लूं। प्ले विथ विहान कह रहे हैं सर, वो बार बार कह रहे थे ड्रीम 11 फैंटेसी गेम के बारे में, तो मैं इसके बारे में पढ़ के, हम लोग इसके बारे में एक सेशन करेंगे विहान जी, मुझे इतना पता नहीं था इसलिए मैंने आज उसके बारे में बात नहीं की। लीना जी हैज जॉइंड अस, लीना थैंक यू सो मच, और शशि जी इज ट्राइंग, मैम माला, बनीता, मनीषा जी, हेमा, प्लीज आप सब ज्वाइन कीजिए, मैंने लिंक शेयर किया है। धनंजय जी क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। भारत माता की जय। हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव बोलिए। हर हर महादेव बोलिए सर। डिस्टर्बेंस है मैम खूब, हमें आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। हाँ, साफ आ रही है। ओके ओके, नहीं आज कहने में तो यही है, सेशन तो बहुत बढ़िया रहा आज का भी, और ये बात तो जरूरी है कि पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी। अरे सर का कट हो गया। लीना मैम आप बोलिए। हाय लीना जी, बोलिए बोलिए। नमस्ते नमस्ते। सॉरी लीना मैम, कल का क्लोज सेशन था इसीलिए हमने लिंक शेयर नहीं किया। नो प्रॉब्लम। No, I was just trying because always I... Yeah, I saw your comment. Yes. No issues. Pranam Nani. It was like... today's session also was like that day. Sabio... Dhananjay ji ko bolna hai, wo aa gaye. Unko pehle... Dhananjay ji, apni baat puri kar lijiye. Dhananjay ji. Haan, sir, boliye. Disturbance hai aaj kaafi. To main yehi keh raha tha. Police reforms to bahut zaruri hai. हेलो धनंजय जी, बोलिए, सुनाई दे रही है, बोलिए, हम सुन सकते हैं अपनी बात, आप बोलिए। मैम आप सर हमें सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। दूसरे ये ले लीजिए, तब तक मैं
ठीक है, ओके धनंजय जी, ठीक है आप अपना सेट कीजिए तब तक जी। मैं थोड़ी देर के लीना जी बोलिए। लीना ओके नो आई वाज जस्ट सेइंग जेंट्स फर्स्ट ओके एनीवेज आज का सेशन भी उस दिन सेवियो का जो सेशन था वैसा ही था और मुझे somebody's I think mic is on or some other तो उसका वो आ रहा है echo आ रहा है मतलब कुछ आवाज आ रही है अब नहीं आ रहा okay. चलिए मैंने mute कर दिया हाँ okay so मतलब बहुत ही बढ़िया रहा और एकदम full respect मुझे भी पुलिस के बारे में बहुत respect था है आज भी मैं कहूंगी in spite of all these bad things because I live in Mumbai since childhood और मुंबई में जीना मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ अभी double, double ये तो सब लोग अपना म्यूट कर दें जब बोलेंगे तब हाँ लीना गो अहेड या सो इज इट ओके नाउ यस इट्स ओके नाउ सो आई वाज सेइंग आई लिव इन मुंबई सो मैं फॉरगेट अबाउट दिस लॉकडाउन पीरियड और जो भी हुआ है ये कुछ पिछले दो सालों में बट मुंबई पुलिस हैज बीन वेरी रेप्यूटेड एंड एज अ वुमन आई कैन से सी आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल आर गुड और ऑल आर बैड और वॉट एवर बट इवन इफ यू ट्रेवल एट नाइट इट वॉज वेरी सेफ इन मुंबई एंड नो वेयर एल्स इन इंडिया इट वॉज लाइक दैट बट अभी ये नहीं बोल सकते Because of these things that have happened. और पुलिस को मैंने देखा है हर त्योहार में गणपति हो दिवाली हो अपने घर के त्योहार celebrations छोड़ के ये पुलिस मुंबई की जनता को protect करने में guard करने में लगी रहती थी रात रात भर night duty and all. I have seen that. So मैं ये नहीं कह सकती कि entire police is bad. But जैसे विक्रम जी ने कहा कि मतलब कुछ लोगों के वजह से सारे लोग या सिस्टम या वो इंस्टीट्यूट बदनाम हो जाती है वैसे हुआ है कुछ तो ये जरूरी है कि हम लोग जब हम लोग बोल रहे हैं किसी एक फ्रेटर्निटी के बारे में तो उसमें ऐसे भी लोग हम इंक्लूड ना करें जो अच्छे हैं बिकॉज उन अच्छे लोगों के वजह से ये सब चलता है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट दो इट मतलब वो कुछ भी हो चाहे पुलिस हो या पॉलिटिक्स हो या बॉलीवुड हो आई मीन आई डोंट कॉल इट बॉलीवुड इट इज फिल्म इंडस्ट्री बट बहुत अच्छे लोग भी उधर है अभी कंगना सुशांत ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड सो हम लोग हाँ तो थोड़ा सा जैसे लास्ट में विक्रम सिंह जी ने कहा कि हमको वो जो बैड थिंग्स है हर एक जगह पे उसको टारगेट करना चाहिए उसको बंद कर देना चाहिए ना कि दैट होल थिंग बिकॉज इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ गुड पीपल आल्सो सो इट इज लाइक मेरा भी ओपिनियन वैसा है और उन्होंने वो रीइटरेट किया इसके लिए उनका अगर वो देख रहे हैं या आई डोंट नो बट उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि बिल्कुल सही उन्होंने कहा और ये जो चीज है जो बुरे तरह के काम करते हैं ये हर फील्ड में है ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड में है कॉरपोरेट में है फैशन इंडस्ट्री में है म्यूजिक इंडस्ट्री में है गवर्नमेंट ऑफिसेस में है डिफरेंट प्राइवेट ऑफिसेस में जो आर्ट से रिलेटेड है लाइक आर्ट एजेंसीज है आर्किटेक्ट फर्म्स है एनीथिंग आई मीन एनीवेयर एवरीवेयर इट इज देयर थोड़ा बहुत उसका परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है बट ये चीजें सामने नहीं आती क्योंकि दे आर नॉट नोन पीपल एंड बॉलीवुड का इमीडिएटली सामने आता है क्योंकि वी नो देम वी हैव सीन देम वी नो देम एज स्टार्स हीरो लीना जी सारे सारे तो तार बॉलीवुड से जुड़े है ना चाहे वो गलत हो या सही हो या ओके हो या टोके हो सारे तार तो उसी से जुड़े हैं चाहे कितने भी फैशन वाले इंसान आ जाए एनसीबी के ऑफिस में कितने भी बड़े बड़े स्टार आ जाए राम जैसे अर्जुन रामपाल उनके पिट्ठू उनके ये भारती सिंह जैसे तार तो वहीं जुड़े हैं ना और बिगाड़ भी तो चलो अच्छे लोग हैं लेकिन बिगाड़ भी तो यही रहे ना इन्होंने ही तो सुशांत को 10 बार ही बोला ना कि तू ये नहीं करेगा तो ये नहीं करेंगे ये नहीं करेगा तो ये नहीं करेंगे बिगाड़ी तो यही लोग रहे ना तो क्यों नए लोग हाँ अच्छे लोग अगर हैं तो बोल क्यों नहीं रहे अभी हम लोग की तरह हाँ वही मैं बोल रही हूँ अच्छे लोग देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को
बॉलीवुड वालों ने बहुत कुछ नॉर्मलाइज कर दिया है जो कि बहुत गलत था, जैसे दिव्या भारती को नहीं, मैं बताऊं आप लोगों को, यश जौहर और यशराज, यश जौहर और यशराज, यश जी बहुत अच्छे थे अपने जमाने के टॉप डायरेक्टर्स, हालांकि वो डायरेक्टर थे कि ना उन्हें जात पात इससे उससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें एक ही चीज से मतलब था कि एक्टर कौन अच्छा है, आर्टिस्ट कौन अच्छा है। अगर उन्हें दिख गया कि ये आर्टिस्ट अच्छा है, मैं इसके लिए पिक्चर बनाऊंगा, चाहे वो कोई भी पिक्चर हो, इससे कोई और बलात्कार जैसी चीजें, पुलिस रिश्वत खाती है, तू गुंडा मैं गुंडी, सीटी बजाना, ये सब आया तो बॉलीवुड ने, पीरसा तो बॉलीवुड ने ना, पहले पुलिस ऐसी नहीं थी, पहले पुलिस बहुत अच्छी थी, लेकिन पीरसा तो बॉलीवुड ने ना, तो यंग जनरेशन को अभी जो 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 उनके बच्चे, जैसे आप आदित्य जी की बात कर लो या करण जौहर जी की बात कर लो, फैशन सेंस कौन लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है कि मेरे फिल्म में यही चलेगा, तुम इसके काबिल नहीं, अगर तुम्हें ऐसा है तो यू नीड टू बी खोवाया। अगर आप उनकी लैंग्वेज देखो, अगर आप वो लैंग्वेज नहीं बोलोगे, जैसे फू ओ बेबी सुशी बेबी बेबी यू डोंट नो ऐसा, दैट मींस आप उनके लाए नए कमर्स हैं, जैसे सुशांत को भी इस चीज से गुजरना पड़ा, कम ऑन ही इज अ इंजीनियर यार, ही कांट स्पीक दिस लैंग्वेज, I can't speak this language. I'm a business management student. I know what I've read. I know what is my experience. मैं ऐसा नहीं कर सकती. Oh, hi Karan. What are you doing? ऐसा नहीं कर सकती मैं. मेरा वो फोटो ही नहीं है. मैं आम इंसान हूँ. मैं बनावटी नहीं हूँ. तो गलत वही है. और गलत इन पे थोपा गया है. हाँ मैं वही आ रही हूँ. तो आप देखिए आयुष्मान खुराना की बात लो. नहीं आयुष्मान खुराना की बात लो, जब वो उनके टीम में नहीं था, वो बैक टू बैक 10 फिल्में हिट दे रहा था, बैक टू बैक 10 फिल्में हिट दे रहा था, विकी डोनर हो कोई भी हो, फिल्म उसकी जा रही थी ना, भले लो बजट की फिल्म थी, आज उसको रोक दिया गया, कहाँ है उसकी फिल्में, कहाँ है उसकी फिल्में, तीन तीन साल मतलब 2 साल हो चुके, 2 साल में कौन सी फिल्म हिट हो गई उसकी, क्योंकि अब ये इनकी गैंग का हिस्सा हो गया, फिर तो बिगाड़ रहे यही लोग ना अच्छे लोगों को, कि अगर तू ये नहीं करेगा तो ये नहीं होगा, तो हमें उस चीज को खत्म करना पड़ेगा। अगर बॉलीवुड सब चीज की जड़ है तो बॉलीवुड खत्म करो, क्योंकि फाइनेंशियली उसको ठेस पहुंचनी चाहिए, सारा फाइनेंस बाहर से आता है, यही चीज श्वेता जी ने भी कहा था, यही चीज सर भी बोले आज, और यही चीज अर्णब गोस्वामी भी कह चुके हैं कि सब फंडिंग उनका बाहर से आता है, कौन किसी की हिम्मत है कि साला हमारे देश को चला के दिखाए, वो उधर बैठा है वहां पे दुबई में और हमारे देश को चला के दिखाए, हमारे देश में इतना ताकत नहीं है क्या, हमारे देश के लोगों में इतना ताकत नहीं है क्या कि हमारे प्रधानमंत्री को बोले कि तुम क्या कर रहे हो, अगर वो हमारा देश चला तो उसको लाके बिठा दो हमारे सर पे, फिर तो गलती है ना। सुनिए ना, लोग कहते हैं कि वो जो चला रहे हैं आप बोल रहे हैं वो दाऊद है कि नहीं, वो भी पता नहीं, उसके नाम पे लोग चला रहे बिकॉज़ वो भी अपना उसके पिक्चरों को उसके लोगों को सपोर्ट ना करे, बस खत्म हो गई बात। हाँ तो ये जो खानदान है ना, ये जो खानदान है, कुछ खानदान है जिन्होंने सारा कब्जा ले लिया जैसे आप बोल रहे हैं, और वो सारा कब्जा ले लिया है, मतलब थिएटर्स पे भी कब्जा ले लिया है, लाइक उनकी सपोज प्राइवेटली मैंने कुछ अपनी फिल्म बनाई तो वो रिलीज नहीं होने देंगे, तो वो सारा पैसा गया वो अटक जाएगा, मतलब ये सारे जो कॉन्टैक्ट्स जो आप बोल रहे हैं ना नेक्सस बना के रखा है वो उन्होंने अपने कब्जे में लिया बिकॉज पैसा है उनके पास। एंड ये सारे जैसे आप बोल रहे कि पहले जमाने के प्रोड्यूसर, पहले जमाने में भी होता होगा लेकिन इतना नहीं होता होगा जितना कि आज, मतलब हर जगह हो रहा है या हर इस पे हो रहा है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपके बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि कोई अच्छे लोग भी पिसे जाए, बस मेरा इतना ही कहना था। और ये सारा मतलब कॉर्पोरेट में भी, ये जो आप बातें कह रही है ना, ड्रग्स है, वाइफ स्वैपिंग है, सब कॉर्पोरेट में भी चलता है, खाली वो बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता, बॉलीवुड का बाहर दिखता है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, नहीं है इतना नहीं है कि दूसरों को भी खराब करो। अच्छा अच्छा धनंजय जी आ गए, धनंजय जी आप कब से कुछ कहना चाहते हैं, अभी आप चले गए थे, अभी बोलिए।
धनंजय जी की आवाज नहीं आ रही, हम नानी जी से बात सुन लेते हैं। नानी जी आप क्या कहना चाहती हैं आज के सेशन के बारे में? बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का रैली, बहुत अच्छा लगा सुन के उनको, और प्राउड फील कर रहे थे कि ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और हम लोगों ने उनको हमेशा दहाड़ते हुए देखा है अर्णव जी के डिबेट में, उन्होंने हमेशा अर्णव जी का साथ दिया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन तो बहुत, इवन सेवियो जी का भी, उनका भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, जैसे उन्होंने बताया कि देखिए वाजे जैसे लोग फिक्सर होते हैं, मतलब ये हर चीज को फिक्स कर देते हैं अपने बड़े आका के लिए, तो उनको इन्फॉर्मेशन तो होगी, तो होपफुली सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी तो पता चलेगा। नारी जी अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए। हमारे में भी डाल के गए हैं, ऐसे लग रहा था कि नहीं अभी कोई है पॉजिटिव है सब अच्छा होगा लगता है। शिवरात्रि के बाद नहीं, हम रेडी है नानी, अगर नहीं हुआ ना कसम से हम रेडी है, हम भी तो सीबीआई से भी लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा ना कि अभी से बताना शुरू कर दो तो सच में वी विल एवरीवेयर सीबीआई को टैग करिए, एवरीवेयर पीएमओ को टैग करिए कि हमें जस्टिस को सुशांत चाहिए। अगर अब जनता नहीं जागी तो ये फिर से अपना यही काला धंधा चला के फिर से कोई सुशांत जाएगा, फिर से कोई दिशा का रेप होगा, उसको चौदवे माले से नंगा फेंक दिया जाएगा। अगर अभी हम नहीं सुधरे नहीं तो ये पूरी मेहनत वेस्ट है, पूरी मेहनत वेस्ट है हमारी, इतने एक साल की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी जब से हमने 14 जून से आवाज उठाना शुरू किया तब से। जी धनंजय जी बोलिए। बोल रहे हैं सुमन्यु, कुछ बोल रहे हैं, किसी को भी ऐड कर दिया क्या? क्या बोल रहे हैं सुमन्यु? नहीं अभी रुक जाइए, हम पहले नागेंद्र जी से बात सुन लेते हैं। नागेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, फर्स्टली आप लोग को कुडोस, अगेन एक बड़ा सिक्सर, तो दिस इज नॉट ए मीन अचीवमेंट। पहले तो मैं नागेंद्र सर, ये हेलीकॉप्टर शॉट था बिल्कुल, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट धोनी वाला नहीं, सुशांत वाला। हाँ, सुशांत वाला। और मैं ये कहूंगा, एक सिंह वो थे और एक सिंह ये। क्या बात है बिल्कुल। एक सिंह नागेंद्र जी का कमेंट मैंने पढ़ा था। एक सिंह जो भैंस की सिंह होते और एक सिंह देश का सिंह, एक घमंड का सिंह शर्मवीर। हाँ। और एक देखो ये देश का सिंह, यानी कि देश का गर्व विक्रम सिंह। यस बिल्कुल। तो दो सिंह, दोनों ही पुलिस में थे, दोनों ही सिंह थे, एक देशभक्त और एक आतंकवादी में क्या फर्क होता है, जो पुलिस के भेष में भी होता है। ओके, बोलने में बुरा लगता है लेकिन वो आतंकवादी ही है, परमवीर शर्मवीर। तो उस आतंकवादी, दुर्भाग्य है कि अभी भी वो बच रहा है, उसको होना चाहिए एनआईए कस्टडी में और जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सिस्टम को कलंकित किया है, देश को कलंकित किया है, हमारे पुलिस को कलंकित किया है। ऐसा आदमी बाहर घूमने लायक नहीं है, ही डजंट डिजर्व। ओके, दैट इज माय ओपिनियन। और देश की सरकार अगर फील करती है मैं जो कह रहा हूँ, तो ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। Okay. बिल्कुल, जल्दी से जल्दी आपकी बात सच हो जाए। हम नागेंद्र जी नहीं, हम यही बात तो सच होगी, ये मैं बोलता हूँ ना, दे विल नॉट एस्केप गॉड्स फ्यूरी बोलते हैं, उसमें बोलते भगवान के क्रोध से ये अब नहीं बचेंगे। बिल्कुल। तो ये या तो ये खुद मान जाए या ऊपर वाला अपनी डंडा चलाए, ये वो भी चांस दे रहा है कि एक चांस लो भाई, इफ यू स्टिल डू ओके, इफ यू डोंट डू आई विल हैव टू टेक एक्शंस। हेमा जी गो अहेड। या कैन यू हियर मी? यस ओके। या आज का सेशन इतना अच्छा था, आई स्टिल रिमेम्बर जब विक्रम सिंह जी रिपब्लिक पे, लाइक हम लोग इतना डर रहे थे जब अर्णव को लेके गए थे ठलोजा डेल जेल में, तब I remember I was literally in tears just hearing like Major GD Bakshi and Vikram Singh Ji, because I felt like, okay, nothing is going to happen to Arnab, just listening to them, because they were so mad and they were so in this thing that kuch nahi hone wala hai, like hame
वो क्या बोलते हैं, आश्वासन मिल रहा था तब कि यू नो अर्नब को कुछ नहीं होगा, बिकॉज वी हैव पीपल लाइक दिस, लाइक वी शुड बी सो प्राउड दैट वी हैव पीपल लाइक दिस स्टिल. मुझे पता नहीं था कि वी स्टिल हैव पीपल लाइक दैट. सो आई यू नो ही मेक्स आवर कंट्री प्राउड रियली. इवन मेजर जी डी बख्शी जी, ओ माई गॉड, I admire him so much. मैं जब भी उनको सुनती हूँ ना, मुझे लगता है मैं कोई देशभक्त को सुन रही हूँ, and tears just roll out. Like, he's so good. Yeah. So, you know, we need more people like that. So, today's session was really good. Thank you. Rais ji, बहुत दिन के बाद जुड़े हैं. Rais ji, बोलिए. आज हम सब warriors के लिए, हम सब Assassarians के लिए बहुत अच्छी खबर है. अर्नब के ऊपर हाँ, से सारे केसेस हटा लिए गए, सारे तो केसेस हटा दिए गए. बधाई आप सबको, बहुत बधाई. बिल्कुल सबके लिए. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. अब अर्नब बोलेंगे, अब वो सुनाई देगा, अब उनकी दहाड़ आएगी. रईस जी, मुझे रईस जी बोलिए. मैं तो ये कहने आया था मैम, अभी जो सेशन पे तो मैं देखा नहीं, मैं लेट हो गया था और बहुत दिन बाद इसलिए आया क्योंकि मैं अभी कोविड में घर पे ही हूँ, लॉकडाउन में, इसलिए आज आ गया हूँ. सब घर पे रईस जी, मैं भी घर पे ही हूँ. कोविड में लॉकडाउन है इधर, मैं भी घर पे ही हूँ. और इतने रात क्या एक्सपेक्ट करेंगे. हाँ नहीं, रात में ज्यादातर मैं रात में बाहर रहता हूँ तो नहीं, पर अभी लॉकडाउन भी है. तो रईस जी ठीक है, तो हम आपके पास वापस आते हैं. शरण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, बोलिए आप. जय श्री राम सबको, जितने भी लोग हैं. धनंजय जी, लीना जी, रिचा जी, अगेंद्र भाई, जितने भी लोग हैं सबको नमस्कार, जय श्री राम. नहीं नहीं, पॉजिटिव न्यूज तो है ही है ही आप लोगों को, तो हम लोग डे वन से पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं कि यू हैव टू वेट फॉर राइट टाइम एंड राइट सिचुएशन. तो इसीलिए ना सिचुएशन बदलता जाता है, सामने वाला प्लेयर को गलती करने का मौका दे दो, अपना विकेट वो खुद भी दे देगा, स्टंप आउट होगा, कैच आउट होगा, बोल्ड होगा, ये सारी चीजें होंगे. कोई भी प्लेयर है ना पूरा ओवर नहीं खेलता जनरली, इसीलिए आप लोगों को बॉलिंग करते रहना चाहिए लाइन एंड लेंथ पे. आपने बॉलिंग किया, अच्छा काम किया, इसीलिए आज अर्णव एक अच्छा बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, सचिन वानखेड़े ने किया है और जितने भी लोग आज नए कर रहा है. और आने वाला समय में आप देखो इतने बड़े बड़े लोग आज इंक्वायरी बिठाया, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट भी नहीं सुन रहा है, जुडिशरी के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे. आप लोगों का अभी विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं जुडिशरी में, ये ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं है, ये है ना प्लस और माइनस रहता है, नाराजगी तो लोगों को दिखता है. ऐसा ही एक समय आएगा, हम ऐसा ही बोलते हैं, पहले दिन से ही बोलते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने लोग अंदर गए सुशांत के केस में और इनको बेल नहीं मिला, ऐसा होगा वैसा होगा, ये हमने पहले दिन से ही बोल रहे हैं. तो ऐसा समय आएगा, एनसीबी ने कर रहा है कि नहीं, एनसीबी अपना काम किया, ऐसा ही आएगा. सीबीआई के ऊपर भी उंगली बहुत सारे हम लोग उठाते हैं, नाराज होते हैं, ये तो सारे दुनिया को पता चल गया. मनसुख का केस की वजह से आप लोगों ने जितने भी लोग आज तक आवाज उठाए ना, दैट इज सब्सटेंशिएटेड बाय मनसुख केस. ओके, सब्सटेंशिएटेड मीन्स विथ एविडेंस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी हो, जो भी लोगों का नाम सोशल मीडिया में आता था, लोग ऐसे ही नाम नहीं लेते थे, वो कुछ ना कुछ किधर ना किधर वो नाम लोगों के जुबान पे ना, मौत से आता है, मौत पब्लिसिटी बोलते हैं ना उसको, मौत से पब्लिसिटी मिला, वो पब्लिसिटी बहुत ही जेन्युइन रहता है, ये कोई रूमर्स नहीं रहता रूमर्स. शरण के अगेंस्ट में या धनन जी या लवली जी या रिचा जी के अगेंस्ट में, लीना जी के अगेंस्ट में, नागेंद्र भाई के अगेंस्ट में या रेश भाई के अगेंस्ट में, ये इनके लोगों के रूपल के अगेंस्ट में क्यों नहीं आता, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के अगेंस्ट में क्यों आता है? अरे भैया आप लोग उधर रहते हो, आपका हाथ सारे गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, फिर आपका ड्राइवर ही बोलेगा, आपका नौकर बोलेगा, वो बर्तन मांजने वाले बोलेंगे, झाड़ू मारने वाले बोलेंगे, यही लोग सारे दुनिया को जाके बताएंगे.
दीवार को भी कान होते हैं, ऐसा सुना है कि नहीं हमने? दीवार को भी कान होते हैं है कि नहीं? वो इसीलिए ना वो कान है ना इतना इतना दूर से आता है, फिर उसको कोर्ट को वो चीज नहीं चलेगा, कोर्ट को एविडेंस चाहिए, कागजात चाहिए, कुछ ना कुछ उनके सामने चाहिए, तब जाके केस सब्सटेंशिएट होता है। अभी देखिए सुशांत का केस में तो काम चल रहा है, जैसे कि ये अर्णव का केस में और ये जो परमवीर का केस में, अर्णव और परमवीर का केस में चाहे होम मिनिस्टर का केस में एक्सेप्शनल केसेस में सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट किया, और अर्णव के अगेंस्ट में कोई केस था नहीं है, सारे केस डिसमिस हो रहे हैं आज के दिन में, दुनिया भर का केसेस डिसमिस हो रहे हैं, लेकिन ये डिसमिस होने से पहले भी कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल उसको दिया हुआ। एक बहुत अच्छे कमेंट आ रहा है हमारे हमारे लिए जे आर की तरफ से, वी वांट लीडर्स लाइक रूपल, रिचा एंड लवली जी टू क्लीन द डर्ट फ्रॉम द सिस्टम। पता नहीं आप बिल्कुल सही है, वो सही है, ये ना ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट भी बहुत लोग कर। उन्होंने और एक कमेंट लिखा है वो भी पढ़ दीजिए। देखिए लवली जी, आई वॉन्ट टू कम लाइव बट माई कैमरा इज नॉट इनेबल, इज इट ओके? इट्स ओके, इट्स ओके। मैं लिंक फिर से शेयर करती हूँ, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं कीजिए। नहीं रिचा जी, थोड़ा पीछे जाइए, और एक कमेंट लिखा है उन्होंने, आप पढ़ दीजिए ना रूपल जी, कहाँ है वो कमेंट? वो तो नहीं, वो कह रहे कि वो मुझे महाराष्ट्र का सीएम देखना चाहते हैं। अरे हाँ वो वाला, आपके मुंह से सुनना पसंद करते हैं, आपके मुंह से सुनना पसंद करते हैं। नहीं आप तीनों, आप तीनों ऑलरेडी लीडर्स है, अभी ऑलरेडी क्लीनअप शुरू हो गया है, क्लीनअप चल रहा है अभी। See how we are joining already, right? मैं अभी एडिक्ट हो रही हूं। बिल्कुल, मैं ये बोलती हूँ कि हम लोग लीडर नहीं, हम लोग उन लोगों को हीरो बनाते हैं जो सिस्टम क्लीन कर रहे हैं, और उनको लेकर के बस जनता के सामने आते हैं कि आप इनको हीरो बनाइए। वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप यू नो सबको लेके आ रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि मैं तो आई कांट गिव दैट मच टाइम आइदर, राइट? सो यू थ्री आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, वी कम हियर फ्यू मिनट्स एंड टॉक, बट या यू हैव यू हैव टू सिट हियर फॉर आवर्स, सो या बिल्कुल। हेमा जी तो रूपल, आज रूपल के पास महाराष्ट्र के सीएम बनने का ऑफर है जेआर की तरफ से। थैंक यू जेआर। बिल्कुल जनता तो होपफुली Rupal, I still need I don't mind. I still need to watch the movie. Which was the movie that you said you were like a child artist in that? Which Bazi movie? Bazi I did Barbie Girl. Okay, I need to go watch it. I did. She was Batman, Badi Behen, Phool Aur Fala, Janta Ki Adalat. बहुत सारी फिल्में की है मैंने. Payal, Badi Behen. Yes. Lovely ji. Actually, मैं भी एक मूवी में थी, अपने कौन सा था वो, रेखा का कुछ अपने 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 कुछ ओल्ड मूवी है। oh. मैं थी इन द सेंस, मैं वहां पे एक सॉन्ग है रेखा का जो जहाँ पे वो स्कूल के सामने गा रही है, तो वो जो स्कूल स्टूडेंट्स खड़े हैं ना उसमें से ढूंढना पड़ेगा, कहीं पे खड़ी हूँ मैं, बट ढूंढना मुश्किल है। नो दैट्स जस्ट बिकॉज एक स्कूल में वहां पे जहाँ पे मैं रहती थी वहां पे शूटिंग बहुत होता था, सो आई हैव सीन लाइक ऑल एक्टर्स व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर, लाइक इट वाज अ टाउनशिप, सो दैट टाइम वी ऑल वेंट, आई वेंट टू अ डिफरेंट स्कूल ड्रेस्ड विद माई यू नो डिफरेंट यूनिफॉर्म, क्योंकि मैं केवी जाती थी बट वो दूसरे स्कूल में था, सो आई हैड टू टेक माय फ्रेंड्स यूनिफॉर्म एंड देन आई वेंट विद हर, इट वाज अ शूटिंग ऑन अ संडे, सो या आई मीन आई एम नॉट अ एक्टर लाइक रूपल, बट व्हाट आई मीन इज वो ऐसे ही क्राउड में थी। दैट इज सो नाइस, यू कैन वॉच मी इन स्पेशल 100 लारा दत्ता, आई एम देयर विद हर ओनली, स्पेशल 100 हॉटस्टार वेब सीरीज। यू हैव डन अ लॉट ऑफ मूवीज। या I'm keep doing game like yeah. She's been part of Bollywood since she was a kid, like child artist. तब से वो कर रही हैं। अभी उनको थोड़ा सा काम मिलने में भी तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई, और वो खुद हमेशा ये बात कहती हैं, रूपल मैं कहती हूँ कि अगर मुझे चूज करना है कि आई हैव टू फाइट फॉर जस्टिस और वर्क इन बॉलीवुड, तो आई विल फाइट फॉर जस्टिस, क्योंकि जहां मैं काम करती हूँ आई वॉन्ट टू क्लीन दैट इंडस्ट्री, एंड वी नीड पीपल लाइक रूपल इन द इंडस्ट्री to be there and raise their voices for it.
तो रूपल जी इज अ ट्रू इंस्पिरेशन की उस इंडस्ट्री में होते हुए भी ये आवाज उठाती हैं और बहुत मुश्किलें झेल रही हैं, और इनको भी ये भी नेपोटिज्म की भी शिकार हैं क्योंकि व्हाट शी डिजर्व्स शी नेवर गॉट, कितने सारे रोल्स ऐसे थे जो इनको मिलने वाले थे जो कि दूसरों को लेके दे दिए गए, तो शी इज अ प्रूफ। यस नागेंद्र जी बोलिए। रूपल अगर सीएम बने बने तो हमें होम मिनिस्टर बना दीजिएगा। बिल्कुल, हम अपनी मिनिस्ट्री बनाएंगे, हम अपनी लॉ मिनिस्टर, हमें लॉ मिनिस्टर नहीं, उसके उसके बाद अगर लालच सबको होती है, अगर कोई लालच सबको होती है, नहीं रूपल के मिनिस्ट्री में हम पोस्ट चाहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूपल के आपको हमारे मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा होगा तो बाद में कुछ भी गड़बड़ होगा ना, तो अभी किसके ऊपर पहले आया, होम मिनिस्टर के ऊपर, तो वैसे ही नागेंद्र जी फंसेंगे पहले। मैं तो बोल दूंगी मेरे पास बहुत बार जो है उनको पकड़ो जिससे गलती किया है, मैं सच्चाई का साथ दूंगी, लेकिन फिर दोस्ती यारी नहीं करूंगी, सच्चाई का साथ दूंगी। रूपल जी ये सोच रही, कई रूपल जी ये सोच रही होगी यार गांव बसाने लुटेरे पहले ही हाजिर हो गए। और इसका नाम होगा में लुटेरे नहीं होंगे, रूपल जी के मिनिस्ट्री में लुटेरे नहीं होंगे। अगर होम मिनिस्टर अगर अपना नागेंद्र भाई अगर हुए तो सबको कपालभाती करवाएंगे वो, इसीलिए वो वहाँ गलत चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल नागेंद्र जी, एक मिनट रुकिए, नागेंद्र लीना कुछ कहना चाहती है, लीना बोलिए। हाँ मैं कह रही थी इसका नाम महाक्रांतिकारी महिला आघाड़ी होगा। अरे वाह, ये अच्छा है, मैं इसको नोट करके रखूंगी, मैं जरूर बताऊंगी। ऐसे पार्टी का नाम भी आ गया, देखो पार्टी का नाम भी आ गया, चलो बिल्कुल गुजरात तैयारी है, अभी भी याद रख के यूज कर सकती हूँ। नो बट ऑन ए सीरियस नोट, ऑन ए सीरियस नोट आई वांटेड टू से कि मैंने किसी को देखा, शायद वो बॉलीवुड के ही है, किसी और के सेशन में मैंने देखा, निवेदिता त्रिवेदी शायद, हाँ उनका सेशन, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बोला जो आई थिंक कुछ लोग उसको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक वो बोल रही थी जो बॉलीवुड यहाँ से अगर यूपी भी जाएगा तो सेम चीजें होती रहेगी फिर से, राइट, अंटिल रियली द थिंग्स चेंज। एंड बेसिकली द थिंग्स शी मेंट वाज लाइक जो लोग इन्वेस्ट करते हैं बॉलीवुड में, अभी तो माफिया बहुत इन्वेस्ट कर, मींस द वे माफिया कंट्रोल्स इज बिकॉज ऑफ दैट, राइट, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग, दे गेट इन्वेस्टमेंट बैक, दे मेक मनी दैट वे एंड ऑल दैट। तो वो अगर चेंज होगा, लाइक कॉरपोरेशंस जैसे कंपनीज हुए, वो लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे, लाइक अगर योगी जी वो करे, that will be like a really good change that can come. So I thought that was a very good point that, you know, she told that, you know, because kuch bhi na root se change karna padega, right? Nahi aise hi, you can't say that, oh, just move to UP and then everything will be okay. Kyunki wahan pe bhi same thing, there has to be transparency. Right. Yeah, lekin labhi wahan pe gandh phailane ke liye Akshay Kumar pahunch chuke hain. Ye cheez hum logon ko bhulna nahi hai. क्योंकि बॉलीवुड कहीं भी जाए यही लोग तो आ जाएंगे ना वहाँ पे भी, तो कनेक्शंस तो सिर्फ एक ही रहेंगे। मैं उसके ऊपर थोड़ा भाष्य करूंगा। आप एक बात समझ लीजिए, पॉलिटिक्स में या कोई भी शासन में आपको 100% पांडव कोई नहीं मिलेगा, कोई पांच उंगली है ना, जो अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, दुनिया भर में बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। और इनके साथ में ही आपको जाना पड़ेगा, इनके साथ में ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो राज्य करता रहता है, जो शासन चलाता है, उसको जो बाप रहता है, अगर वो सही अगर रहा तो नीचे के लोग है ना, वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो दब के रहेंगे, वो दूसरी जगह करेंगे जहां उनका चलेगा, जहां नहीं चलेगा वो नहीं करेंगे वहां, ये हो सकता है। क्योंकि है ना, इन्हीं के लोग दुनिया, आप देखिए मोदी जी को मैं पर्सनली मानता हूं, लेकिन मोदी जी को बदमाश लोग भी वोट दिए हैं, उनके वोट नहीं मिला तो मोदी जी वहां नहीं बैठेंगे। ये कहने का तात्पर्य नंबर गेम रहता है पॉलिटिक्स में या किधर भी, इनको है ना, यहाँ भी ये लोग अगर वहां गए तो आपको वो लोग चाहे
आप ये नहीं बोल सकते आप आओ आप मत आओ, आपके हाथ में शासन रहता है, आप रूल बनाओ उस हिसाब से इंप्लीमेंट करो आप, है ना। वहां ये नहीं बोल सकते, मुझे 100% विश्वास है योगी जी के सामने ड्रामा नहीं चलेगा किसी को, वो बोलेंगे यहाँ चलेगा। अरे भाई नहीं चाहिए वो योगी जी के सामने, बड़े बड़े अंसारी का अंसारी हो गया हम लोग कहाँ, ऐसा हो सकता है वो डर बैठेगा। सही कह रहे हैं शरण जी। ऋचा हाँ, आपके लिए एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ ऋचा। अरे रईस भाई को, रईस भाई का अलॉटमेंट नहीं हुआ, रईस भाई को दे दो ना वो कुछ हुआ? नहीं रईस भाई ने सेशन नहीं सुना, अभी नेक्स्ट टाइम से उनको बोलो सेशन सुनने का बाद में। अभी देखिए ऋचा जी का पोस्ट वैकेंट है, धनंजय जी का है, अभी लीना जी का है, ये मैडम अपना सिंपल मैडम का है, उनको सिनेमा इंडस्ट्री दे देंगे। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं मिनिस्ट्री अलॉटमेंट हो रहा है ऐसा मत बोलो, सेशन नहीं सुना, मैं बिजी था तो अभी आप बिजी रहिए क्योंकि अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है बिजी में। देखो आज अर्णब जी के भी सारे केस खट गए तो अभी आप बिजी रही है तो उसी के वही न्यूज के सफर, आप लोग ने तो बोले सफर करते रहो तो न्यूज अच्छी अच्छी आएंगी। हाँ तो अच्छा है ना, अभी समय समय की बात है ना, अभी आप बिजी हो गए तो अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है तो हम उसी पे चलेंगे ना। आप बिजी रहिए तो अच्छी अच्छी न्यूज आएंगी हिंदी वाला सफर। हाँ लीना मैं एक बात कहना चाह रही थी कि मतलब जब भी मुझे लाइफ में कोई सक्सेस मिला है या अच्छे मार्क्स मिले लाइक अपने बोर्ड एग्जाम में या कुछ भी हो, तो मैं जितना खुश नहीं हुई थी, जितना चिल्लाई नहीं थी जोर जोर से आनंद से, उतना मैं अर्णव छूट गया ना जेल से बाहर आ गया तो मैं जोर जोर से, मेरी अभी उम्र भी नहीं है कि मैं जोर जोर से ऐसे चिल्लाऊंगी, यू नो आई एम नॉट दैट एज, मैं घर में बैठ के ये वाओ करके इतना जोर से और इतनी देर चिल्ला रही थी कि, और मुझे ख्याल भी नहीं आया कि कोई सुन रहा होगा तो क्या सोचेगा एंड ऑल, बिकॉज़ आई वाज सो हैप्पी दैट ही वाज सही सलामत बाहर आ गया। हम तो घर के बाहर जाके चिल्ला रहे थे, हम तो घर में सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन का मोमेंट था, सेलिब्रेशन था बिल्कुल। लीना मैं इसमें इंटरप्ट करती हूं, मैं बोलती हूं क्योंकि सिर्फ अर्णव को नहीं ले गए थे, वो जनता की मतलब जो जनता आवाज उठा रही थी, जनता की आवाज को बंद करना चाहते थे, ही रिप्रेजेंटेड अस, तो अगर उसको कुछ हो जाता तो हमें लगता कि बिकॉज हमने जस्टिस के लिए आवाज उठाई तो वो उसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहते थे, तो इसलिए जब वो छूट के आया और वो भी हमने जनता ने उसके लिए आवाज उठाई और जब वो छूट के आया अर्णव गोस्वामी तो और उस दिन हुई। उस दिन ऐसा लगा कि हाँ सच में भगवान है, सच में भगवान है। मुझे लगता है कि मोदी जी के बाद दो ही लोग जनता के सबसे फेवरेट हुए, एक तो सुशांत और एक अर्णव जी। वो हमारी गलती थी कि सुशांत हमसे दूर चला गया, लेकिन अर्णव ने हमारी आवाज बनी क्योंकि ये जब हमें सबकी ज्यादा जरूरत थी तो ये बॉलीवुड वाले और नेता सब खामोश थे और जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये भी डर लग रहा था कि कहीं जो सुशांत के साथ हुआ वो फिर से अर्णव के साथ ना हो जाए। हाँ, तो हमारे देखते देखते में सुशांत को तो हमने फेल किया, उसको हमने तब जब वो था हमने उसकी अच्छाइयां नहीं देखी, उसकी पर्सनालिटी हम नहीं देख पाए, जो पीआर हमें फीड कर रहा था हम बस वही देख रहे थे, तो जनता दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती थी अर्णव के केस में। उसमें एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, अर्णव जी से आप लोगों को, हम लोगों को, बाकी लोगों को, मोदी जी से बाकी लोगों को, दुनिया वालों को सीखना चाहिए कि सिचुएशन कितना भी कठिन क्यों ना हो उसमें से बाहर कैसे आया जाता है। पहली बात अर्णव को मैं क्रेडिट ज्यादा दूंगा, अर्णव का जो 6 to 7 का जो पीरियड था ना, सुबह सुबह का ठंडी का जो समय था उस वक्त, वो बहुत क्रूशियल पीरियड था। उन्होंने वो समय लिया तो निरंजन को बुलाया और भी लोगों को बुला के उसने लाइव सेशन दिखाया और वो उसका टीम का सेकंड क्रेडिट जाता है, तो टीम उसको फॉलो किया इसलिए चक्रव्यूह में उसको डाला गया, चक्रव्यूह उसने तोड़ के अर्जुन जैसा बाहर आ गया। बाद में लोगों का रोल बाद में आता है, इसीलिए क्रेडिट गोज फर्स्ट टू अर्णव और सेकेंड टू हिज टीम एंड थर्ड टू पब्लिक।
इसीलिए लोगों को यही टीम है ना 2002 के दंगल के बाद मोदी जी के साथ हो गया, मौत का सौदागर हो गया वो और उसको जेल में डाला गया, अमित शाह के साथ वही हो गया उसको भी जेल में डाला गया, उसको ये सारे लोगों को है ना एक सुशांत बनाने का कोशिश हुआ, मनसुख बनाने का कोशिश हुआ ये बदमाशों की टोली ने, इसीलिए ये लोग अर्जुन हुए इनो, ये लोग अभिमन्यु नहीं हुए, लेकिन सुशांत को उन लोगों ने अभिमन्यु बनाया, आप समझ लीजिए सुशांत को अभिमन्यु बनाया उन लोगों ने। इसलिए मैं इतने भी सुशांत जैसे और आर्टिस्ट जो लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके बीच में आप लोग है ना अर्जुन बनिए, अभिमन्यु मत बनिए, ये मुझे धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं। मैडम इसीलिए तो कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो सकता है पराजित। गुरुजी धनंजय भाई सत्य पराभव हुआ है, सत्य पराभव हुआ है ये कहने के लिए सही है वो, आप सुन लीजिए ये डायलॉग है ना कहने के लिए सही है, ये प्रैक्टिकली पराभव हुआ है, हजारों साल से होता आया है, जो सुभाष चंद्र बोस के वक्त हुआ है वो पराभव हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ वो पराभव हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का टुकड़ा हो गया वो पराभव हो गया, लाखों करोड़ों लोगों का हत्या हो गई वहां पराभव हो गया, ऐसा मत बोलिए। अब सुशांत के साथ हो गया पराभव हो गया, ये पराभव हुआ है टाइम टाइम पे पराभव हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं लोगों को इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग अर्जुन हमेशा बनिए, आप पराभव मत होइए अभिमन्यु बन के, आपको समय मिलेगा उस हिसाब से सेफली खेलिए। सत्य जो है, सत्य जो है जमीन फाड़ के भी बाहर आता है, और लेकिन कब 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 पूरा भूकंप के सत्यानाश होने के बाद अब हम आई रहे ना नेताजी की बात अब होने लगी है, नेताजी के लिए न्याय की मांग उठ रही है, टाइम खत्म हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए भी अभी ताशकंद फाइल जैसी फिल्म बनी और लोग मुखर हो रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए धनंजय जी इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसके लिए अभिमन्यु की जरूरत होती है, इसीलिए सुशांत की जान जानी जरूरी थी, तभी लोगों ने रियलाइज किया कि हम अब और नहीं सह सकते, अब हम आवाज उठाएंगे, तभी जनता ने आज आवाज उठाना शुरू किया है। लवली जी आप ऐसा मत बोलिए, उसका फिर गलत मतलब निकालने वाले हजार लोग हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज देना चाहती है रूपल, कोई ब्रेकिंग न्यूज देना चाहती है? मैं न्यूज बताती हूँ आपको, आज की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जो उज्जवल जी ने भी बताई थी सुबह कि सलमान खान ने अपनी राधे को पोस्टपोन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, 230 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, और वो अब उस पिक्चर को नेक्स्ट ईयर ईद में रिलीज करेंगे, नेक्स्ट ईयर ना, अरे रिलीज ही ना करे तो अच्छा है, बिल्कुल रिलीज ना ही करे तो अच्छा है। बोल दिया कि 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 5 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, कि दिसंबर में नहीं, सीधा नेक्स्ट ईद, मतलब उज्जवल जी ने भी यही कहा कि अगर वो ईद में रिलीज नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनकी पिक्चर चलेंगी ही नहीं, ये उनको भी पता चल गया, वो भी डर रहे हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज है कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो कैंसल 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 होने, मैं तो कह रही हूँ रिलीज मत ही करो, वो वैसे ही डब्बे में रहने दो, हमको नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखो, कुछ साल में लोग भूल जाएंगे। हेमा जी क्या कहना चाहती हैं? नहीं मैं बोल रही थी, मैं चाइल्डहुड से सलमान खान की इतनी फैन थी, even till 2019 before SSR, right? If you see, I had only 40 tweets, but if you see, all my tweets are only for Big Boss because I used to support him so much. I can't imagine like the things we didn't know. We had no idea. We were so blinded. We only see them as like stars. That's it. Nothing else. We don't dwell into anything. We are like, oh, ye bahut, you know, donation karta hai, yahan deta hai, wahan deta hai, itna acha. We never see all the other things that open, like we, like our eyes were open now when we are seeing ki kya kya chalta hai uska jo business hai, the way it runs, like it's like suddenly all our eyes were open, sudden, it was so sudden, like now I'm like so completely against this man, but I can't imagine how
how our mindset was. Like our mindset just suddenly changed, completely changed. Yes. It was like, I don't want to look at this. I don't want to even look at their faces, all these big stars. I don't like, it's so, like, I don't know. I really same feel. Imagine. When I also see now these people on screen, it seems I'm looking at murderers. Right. Rais ji, bahut der se kuch kehna chahte hain. Rais ji, boliye. ji, main ek update dene aaya tha main Faj ke bare mein. हाँ बोलिए. फज उनके बड़ी बहन के पास में दिल्ली में लोग यहाँ पे कुछ थेरी चला रहे कि उनको इंजेक्शन देके पॉइजन इंजेक्शन देके उसको मारा गया, ये करा गया, वो करा गया. ओ. या कुछ या रियल फज नहीं है. तो मैंने आज उनसे मुझे कॉल आया था वापस से, कुछ वहां से कुछ उन्होंने फोटो वगैरह भेजे है हमारे पास ही है, बड़ी बहन के पास है दिल्ली में. तो अगर आपके पास फोटो है आप मेरे से शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, तो मैं सबको दिखा दे सकती हूँ. ठीक है, भिजवाता हूँ मैं अभी. अभी भिजो, भेजिए. मैं शेयर करती हूँ. हाँ, मैं फर्ज के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ. हाँ, रईस जी सही बोल रहे हैं कि इतना कुछ अभी ना उसके ऊपर इतना फैल रहा है कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, या उस दिन वो भी मरा होगा, वो सब चीजें. बट मुझे लगता है कि इट इज सो इजी दैट फर्ज वॉज सो क्लोज टू ऑल द स्टाफ, राइट? ही वॉज क्लोज टू दीपेश, ही वॉज क्लोज टू पिटानी. तो हमने कितने पिक्चर्स भी देखे हैं जहाँ पे सिर्फ दीपेश के साथ है वो कुछ पिक्चर्स में, तो वो सबसे क्लोज था. सो बहुत ही आसान है उसको कि उस दिन शायद वो घर में भी नहीं था, शायद उसको लाइक घर से बाहर होगा किसी के साथ. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट ही मे हैव बीन अवे. हाँ हेमा जी, मैं उस पर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ क्योंकि जो बिल्डिंग में माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में वहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं, और उसको वहाँ पे कुछ ट्रेनर के पास भेजा रखा गया था वहाँ पे. तो उसको कुछ मंथली उनका कुछ चार्ज रहता है शायद. तो हर चार दिन आठ दिन में जब सुशांत सर को मिलना होता है तो लेकर आते थे उसको. तो वो बिल्डिंग में तो पेट्स अलाउड ही नहीं है. हाँ, तो आप ये अभी जो थ्योरी चल रही है, लोग इधर से जो थ्योरी चला रहे हैं अभी दूसरे चैनलों पे, जो वो हिसाब से मैं भी उनको फोटो दिया था तो वो बोलते कि ये रियल फौज नहीं है, तो छोड़ दिया, मैं उनके हाथ में छोड़ दिया. हाँ. ये रियल फौज नहीं है. जब रियल फौज की जब रियल पेट्स की डॉग फोटो मेरे पास नहीं रहेगी तो और किसके पास रहेगी? नहीं, वो तो है रईस जी. तो लेकिन मैं आपकी बात दोहरा दूं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को फज से भी अलग कर दिया गया था? फज अलग कर दिया गया था मतलब जो बिल्डिंग थी पहले, जो समझो लिटल हाइट है या कैपरी हाइट है, तो वहां पे कुछ अच्छा पैट्स को लेके कुछ ये नहीं था. मतलब ये जो बिल्डिंग है माउंट ब्लैंक है, वहां पे पैट्स अलाउड थी. तो आखिर सुशांत सिंह राजपूत अगर अपनी मर्जी से मूव करते तो ऐसी जगह क्यों मूव करते जहां पेट्स अलाउड नहीं है? तो वही तो कह रहा हूं मैं, ये घर जो लिया गया था जब सुशांत सर हॉस्पिटल में थे अक्टूबर मंथ के टाइम पे. हाँ, तो ये उस हॉस्पिटल में थे. शिफ्टिंग कब हुआ? जब उसके बाद में वो कौन सा होटल है, एक क्या नाम भूल गया मैं होटल का नाम, वाटर स्टोन में थे. और डेढ़ महीना नीरज दो लोग मेरे पास में थे फार्म हाउस पर, जब ये शिफ्टिंग का काम चल रहा था, दो लोग फ्लैट वगैरह ढूंढ रहे थे. तो एक डेढ़ महीना वो इधर ही था, नीरज भी फार्म हाउस पर ही था, और एक डेढ़ महीना सुशांत सर वाटर स्टोन में थे. उस वक्त ये लिया गया, और ये फ्लैट लेने मतलब फ्लैट किसने सिलेक्ट किया, रिया या श्रुति मोदी, दोनों, ये दोनों में से किसने सिलेक्ट किया? तो बताइए. मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ लवली, मैं सबको एक बात बोलना चाहती हूँ. अब जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, हमें ये सब पता है और किस तरीके से क्या, क्योंकि जनता ने ही सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशन की है. ठीक है, तो अब किसने क्या किया क्या नहीं, हमें सिर्फ जस्टिस पे एक ध्यान देना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि अब वो पहली बार किसको प्रेशराइज करें कि हमें सीबीआई से इनपुट्स मिले, अब किसको बोले कि हमें कुछ ना कुछ जवाब चाहिए. अब 10 महीने हो चुके, अब 10 महीने होने को आए, अब कोई कहां भी जाए, ये हुआ वो हुआ, वो सब अब सीबीआई का काम है. तो हमें ऐसा लगता है कि अब इन सब बातों में पढ़ के ना पढ़ के हमें उस जगह पे प्रेशर बनाना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस है उन पे प्रेशर बनाना चाहिए, ताकि हमें नाजुक ना समझे, हमें फूल ना बनाए जैसे उन्होंने पहले बनाया था हमें, दिव्या भारती का केस हो या फिर किसी का भी केस हो जहां पे उन्होंने हमें फूल बनाया था. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि
अब ये सब चीज को डिस्कस करके इस पे नहीं, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सर ने भी यही बोला कि अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर सीबीआई कल उठ के आ गई और आपको स्टेटमेंट दे दिया कि ये हमें कोई ये नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला, ये सुसाइड है, तो आप लोग क्या करोगे? फिर से वही बातें करेंगे क्या? हमें तो प्रेशर बनाना है ना, हमें तो अब उस जगह पे जैसे किंग पिंग होता है, तो ऑडियंस भी तो जो हम जैसे लोग जो एक साल से पागलों की तरह लड़ रहे, अब हमें भी तो आगे बढ़ के करना चाहिए। अब इन सब बातों से क्या मतलब है? हम क्या कर लेंगे? हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, प्रेशर बनाओ पॉलिटिशियंस पे, प्रेशर बनाओ सेंट्रल गवर्नमेंट पे, प्रेशर बनाओ सीबीआई पे। एवरी डे आपके मैसेजेस, आपके ट्वीट, आपके हर चीज पे जाना चाहिए। जस्टिस फॉर सुशांत ट्वीट टू सीबीआई, जस्टिस फॉर सुशांत ट्वीट टू मोदी सरकार, जस्टिस फॉर सुशांत ट्वीट टू ईच एंड एवरी पीपल। मैं तो ये बोलूंगी आपके बातों में, मैं आपके बातों से सहमत हूँ रूपल, और मैं ये बोलूंगी कि क्या सिर्फ हम एक ही दिन डिसाइड करेंगे कि ट्विटर क्रैश करेंगे? क्या ये चीज हम रोज डिसाइड नहीं कर सकते? रोज होना चाहिए। रोज ट्वीट करते हैं, कितने सारे लोग रोज, लेकिन ट्रेंड क्यों नहीं जाता है? जस्टिस फॉर एसएसआर क्यों नहीं क्रैश हो रहा है? ये वंस इन अ ब्लू मून आज क्रैश करना है तो चलो आज लग गए। अरे आपको ये काम रोज करना चाहिए। और मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो पीएमओ एचएमओ को टैग नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनके ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी बात नहीं अधूरी रह जाती है। प्लीज टैग कीजिए। मैं भी बहुत टैग करती थी पहले हर एक चीज में। एक मिनट हेमा जी, नागेंद्र जी, एक मिनट, लीना बहुत देर से कुछ कहना चाहती है। लीना बोलिए, फिर मैं आपके आती हूँ। नो, आई अग्री विथ रूपल जी पार्टली, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ना, जो अभी शायद रईस जी कह रहे थे या रिविजन हो रही है बहुत सारे चैनल्स पे, ये जरूरी है, बिकॉज लोगों की ये आदत होती है कि भूल जाते हैं, लोग एक साल हो गया ना भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जरूरी है कि अरे हाँ ये ऐसा हुआ था। हाँ, कोई नहीं पूछा, मैं लिख के देती हूँ आपको। नो, डिटेल्स, लिसन, लोगों ने इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, इस पे रोए, बिल्कुल बिल्कुल, और जो इंसान रोते हैं ना उसको हर चीज पता, वो हमें पता है। रिविजन कहाँ हो रहा है ना, रिविजन कहाँ हो रहा है लीना जी, हमें पता है ना, रिविजन इन द सेंस नॉट दैट वे। Listen, complete, let me complete. पोस्ट बता सकती हूँ, हर एक जन के पोस्ट बता सकती हूँ, हर दिन हर पल वो लोग यही बोलते कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, हर चीज इन लोगों को याद है, क्योंकि पब्लिक रोई है, पब्लिक को नहीं। आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट सुनिए ना, उसमें डिटेल्स जो है ना, किसको पता है मुझसे ज्यादा, किसको पता है अंदर की बात? रूपल जी एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट सुनिए मुझे क्या कहना है। पॉइंट बोल रही थी रिचा, क्या पॉइंट बोल रही थी जरा बोलो वो पॉइंट बराबर। कि रिविजन करना अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे तुम क्यों अटके हुए हो? तुम आगे सुनिए ना, वही मैं बोल रही थी, क्या रिविजन करना है, क्या करना है, क्या कहा एक साल पहले यू फलाना ने, क्या कहा, क्या करेंगे हम लोग वो जान के? नो, आगे क्या करना है? मेरी एक बात सुनिए, जो रईस जी के पॉइंट पे था कि जो अब वो बोल रहे हैं, जो पॉइंट पहले कहीं नहीं आया था कि मॉन ब्लैंक में पेट्स अलाउड नहीं थे, ये मैंने पहली बार सुना है, जो पहले नहीं सुना था। ऐसी बहुत सारी बातें और भी सुनिए, मेरी बात जो अलाउड, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए ना। हाँ, मेरी बात तो कंप्लीट, लीना को बोल लेने दीजिए। हाँ लीना, गो अहेड। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, आई वर्क विद एनिमल्स एंड उसमें लीगल एक्शन वगैरह सब हम लोग लेते हैं, एनिमल रेस्क्यू भी करते हैं, तो किसी भी बिल्डिंग में बाय लॉ पेट्स अलाउ ना करना ये अलाउड ही नहीं है, बाय लॉ इट इज अ क्राइम, यू कैन नॉट स्टॉप पेट्स फ्रॉम, यू कैन नॉट स्टॉप। मैं वही कह रही हूँ कि माउंट ब्लेन, तो वही ये पॉइंट नया है, मैं कह रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे तो इतने फ्रेंड्स हैं उनके घर पे पेट्स हैं, मेरे तो इतने लेकिन कैन आई टेल समथिंग
okay, go ahead, Hema ji. Hema ji, yeah, bahut der se kuch what I want to say is that is why it may not be a law or whatever you were saying, right? But so that's why that point is not even important at all to us right now, because what is, we already know that agar murderers ko usko marna hoga, so it is not that easy to keep the dog away. It is very easy. They can always would have locked it in some other room, or they probably would have already told some staff ki usko le jao kahin pe. Kuch bhi ho sakta hai. So it's not even important ki wo building allow kar raha tha, nahi kar raha tha, usko separate kar rahe the. I don't think that's important. But like Leena ji was saying, there are a lot of details which we all know, right? So it's still important for us to keep questioning those details, because us details mein hi hai hamara sab kuch. Jaise agar koi bol raha hai suicide, to suicide kaise? Wahan pe do bodies kyun the us din? बिकॉज दो एक बॉडी को तो दो बार तो अनलोड नहीं करेंगे हॉस्पिटल में. एंड आई हैव प्रूफ ऑन माई चैनल वेर आई क्लियरली शो यू वेर वन बॉडी को कब अनलोड किया था और दूसरे बॉडी को कब अनलोड किया था. और उसके बीच में भी जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो तीनों लोगों का, जो कॉप्स का, वो सब आई हैव शोड क्लियरली इन माई वीडियोज ऑल्सो. This is all digital proof. These are not morphed videos. These are all videos that these press people have taken there. And ek video mein to ye clearly bhi dikhta hai ki wo cop wo videographers ka video le raha hai. Second body jab unload ho raha hai. Kyun le raha hai wo? That means that body is not Sushant's, the second body. And clearly you can see that it's two different scenes. So these are details that we should not let people forget that, okay, answer these questions to us. If you're saying suicide, then answer this, that why was this? Why were there, why was the body looking like one above the other? Why was the body on the top shaking? These are all things that, you know, are things that we can question. Revision ki baat karte hain. मैम रिवीजन की बात करते हैं. तो रईस जी, इतने दिनों पहले से आपने क्यों नहीं बताई ये बात? अरे बाबा, लेट्स लेट्स नॉट आस्क दो. नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू इट. नहीं, आई विल जस्ट से रूपल, नो, आई जस्ट वांट टू नो. नो, मैं बोलता हूं. मैं रहती हूँ रईस, इनको हर बिल्डिंग का प्रोटोकॉल पता है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं हो. मैं आपको लिख के बताऊंगा, बाय लॉ नहीं अलाउड है. नहीं नहीं, ऐसा होता है. देर आर, जैसे हम ही लोग बहुत सारे टाइम अगर रेंट पे लगाते हैं अपना, बिल्डिंग पर गई हो ना, वो बिल्डिंग पे आप जाके वहाँ पे किसी भी वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लीजिए वहाँ पे पेट्स अलाउड है क्या नहीं है. अगर हुआ मेरी बात झूठ निकली तो मेरा नंबर आपके पास है. मेरी बात सुनिए, मेरा नंबर आपके पास है. मुझे कभी रूपल, लेट्स नॉट गेट देयर. रूपल, वी आर लूजिंग फोकस, वी आर लूजिंग फोकस, लेट्स नॉट गेट देयर. नागेंद्र जी कहना चाहते हैं. कोई भी कुछ बोल सकता है तो वो आके वहाँ यहाँ पे बोल रहे हैं. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि मेरी बात तो पहले सुनेंगे आप लोग. मैं बात तो सुनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ. अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन उठा सकते थे ना. अब फायदा नहीं है ना कोई क्वेश्चन उठाने का. प्रॉब्लम, अरे सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट रूपल जी, थोड़ा शांत हो जाइए. मैं उसमें से एक क्वेश्चन, जैसे सिंपल माइंड्स बोल रही है कि क्वेश्चन उठाने चाहिए, तो इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा उठता है कि अगर मेरे पास पेट है और मैं नई जगह ढूंढ रही हूँ, तो मैं ऐसी जगह ढूंढूंगी कि जहाँ पेट्स मैं नहीं अपने पास रख सकती. तो मतलब ये किसने ढूंढा और क्यों सुशांत तैयार हो गया टू कीप वॉच अवे फ्रॉम हिम? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है. और ये की मर्जी नहीं थी. तो एक मिनट हम रईस जी को बोलने देते हैं फिर से. रईस जी, गो अहेड, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए. मैं तो बस वही क्लियर करने आया था कि भाई मेरे को अभी कितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, अभी किसने ये थ्योरी चलाया है कि उसका पॉइजन देके मारा गया या वो रियल पॉइजनी है. तो वो हिसाब से मैंने दूसरे चैनल पे भी बोला और आपको भी बोलने आया था कि भाई ऐसा ऐसा है करके. तो और रईस जी, मैं पहले क्यों नहीं बताया? नहीं नहीं, रईस जी, पहले जाने दीजिए. पहले नहीं बताया मतलब मेरे भी दिमाग से निकल गया था कि वो कोई बात नहीं, वहाँ पे अलाउ नहीं. वी डोंट क्वेश्चन दैट. हम इसे आपको बताते, हम पहले क्वेश्चन उठाते ना. आज आज उठाएंगे रूपल, आज उठाएंगे. मैं सबको बोलती हूँ, मैं आपको लग रहा है, मैं लवली की लिंक शेयर कीजिए. हाँ. कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक शेयर कर दीजिए. सी, ऐसे तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीजें ये भी है कि ये जो घर है इसमें जो ओल्ड घर में रहते थे वहां पे फैन नहीं था,
वो तो सैमुअल हेकिप ने बोला था वहां पे फैन भी नहीं था. एंड एक और बड़ी चीज जो बड़ी रीजन हो सकती है मूव होने का कि उसमें बहुत बहुत कहीं पे फ्लोर में था राइट वो आई डोंट नो व्हिच फ्लोर ही वाज इन बट 15-16 राइट तो उसमें इतने सीसीटीवी कैमरा वो सब होंगे कि एवरी डे दे विल नो पीपल कमिंग इन कमिंग आउट एंड एवरीथिंग. सो उसमें ये जो गैंग है ये अपना बिजनेस नहीं चला सकती है. So that might be the main reason that, you know, they tried to create all the situation around him and created ki ye ho raha hai, wo ho raha hai, you know, dara diya. Neeraj also was saying ki he was hearing SSR call him and when he went and saw SSR was sleeping. So lot of things were created around him to make it look like yahan pe kuch to paranormal ho raha hai. And then a guy like him who believes in lot of things related to science and all, you know, he might think, okay, now something is wrong here. So if everybody is feeling it, then something definitely is wrong. So that's why they would have decided, okay, hum log move kar lete hain yahan se. So ye sab ye gang ka kaam hai. So main reason is like now, yahan pe, it was so easy for them to take all that CCTV things off, right? Gayab karna easy tha. Wahan pe itna bada building ka CCTV, I don't know, maybe they thought ki they didn't want anybody to see kaun aa raha hai, kaun ja raha hai, kya chal raha hai, wo sab bilkul Hema ji, I agree with you. To hum yahi samajhte hain ki Sushant Singh ki marzi ke khilaf, matlab he was not the one, he wo nahi chahte the Mont Blanc mein move karna, unki marzi ke khilaf move kiya gaya. Aur ek ek jo fact samne aate hain dheere dheere, to wo yahi dikhate hain ki he was not taking his own decisions towards the end. तो क्योंकि अगर वो कहीं भी मूव होते तो वैसी जगह मूव होते क्योंकि फज उनके बहुत क्लोज था. तो दो बातें हो सकती है, या तो मैं आपको, हाँ रईस जी बोलिए. मैं वो आपको वो गाड़ी का जो पैट्स का जो एम्बुलेंस है जिसमें आता जाता था उसका नंबर भी मेरे पास में, आप चाहिए तो डायरेक्टली उनसे भी बात कर सकते हो. जब फज वहाँ पे कितने दिन था और क्यों रखा गया था, वो किसके पास था, वो भी बता सकते हो. और रूपल मैम को भी दीजिए, रूपल मैम भी मुंबई. एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात सुनिए. आप लोग इतना चिल्ला सुनिए, मेरी बात सुनिए. आप लोग इतना जो कर रहे हो, मेरी बात तो सुनिए. मैं कुछ झूठे बोल रहा हूँ, मैंने जो बोला हूँ मैं रियल सच बोला. हमने ये नहीं बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं. मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए. एक मिनट दे सकता हूँ. नहीं, मेरी बात सुन के लीजिए. मैं सारे नंबर भिजवाता हूँ, दोनों गाड़ियों के नंबर भिजवाता हूँ. इसमें अमर अकबर एंटोनी भी वहाँ पे 15-20 दिन के लिए वहाँ पे रखा गया था. Okay. जब फार्म हाउस में जब फार्म हाउस में कुछ काम चल रहा था, पेंटिंग वगैरह कुछ वर्कर लोग आ रहे थे, तो वो उनको रिस्क थोड़ा अधिक था. वो तीनों डॉक्टर एक मिनट रई जी आप फिर से बात बोलिए, हम आपकी बात सुन नहीं पाए. आप प्लीज शुरू से बताइए. तो आप क्या कह रहे हैं कि मॉन्ट ब्लैंक में तो वो कुछ महीने रहे थे, तो जितने महीने वो मॉन्ट ब्लैंक में रहे थे, फज कहाँ था? वही तो कह रहा हूँ ना मैम, फर्स्ट कुछ दिन मेरे पास था. जब शिफ्टिंग हुआ था तो उस वक्त तीनों पैच डॉग जो थे वो छोटे थे, हमारा अकबर एंटोनी, और फर्स्ट बड़ा था. उस वक्त भी वो 1.5-2 महीना मेरे पास ही था. वो अक्टूबर तो एक मिनट जब शिफ्टिंग चल रहा था, जब सुशांत सर वहां पे रहते थे वाटर स्टोन में, तो उस पर शिफ्टिंग चल रहा था, तो 1.5-2 महीना मेरे पास में थे तीनों चारों डॉग. उसके बाद में जब शिफ्टिंग हुआ तो उसके बाद में उनको चारों को लेके गए थे वहां पर. उसके कुछ वो कुछ क्या बोलते हैं, ट्रेनर के पास रखे थे कुछ. तो पहले मॉन्ट ब्लैंक में लेकर गए थे कुत्तों को, लेकर गए थे लेकिन वहां नहीं रखे, तो वहां रखा नहीं दिया, तो उधर उन्होंने वापस रखा था. तो ये कौन से ट्रेनर है रईस जी, आप उनका नाम बताएंगे? नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका नंबर है. उनका वैन में आते थे जो पैच डॉक्टर के, जो एम्बुलेंस करके जैसा पेट एम्बुलेंस होता है ना, उसमें आते थे वो, और लेकर भी जाते थे, लेकर भी आते थे. तो वो हिसाब से वो गाड़ी के नंबर भी देता हूँ मैं. और तो मेरे पास उनका नंबर मिलेगा तो एक सवाल है. एक मिनट लीना, बात पूरी कर लेने दीजिए. हाँ रईस जी बोलिए. मेरे पास जिसके ट्रेनर है उनका भी नंबर मैं देखता हूँ, मेरे बुक में लिखा होगा तो मैं भिजवाता हूँ आपको. आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हो. बिल्कुल, हम बात करेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे. कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, कितना फज को मारा गया या ये हुआ वो हुआ, तो मैंने लास्ट टाइम पे भी उनको बोला, भाई मेरे को कुछ मालूम नहीं है क्योंकि वो डैडी के पास इतना मालूम था. तो ये कितने दुख की बात है, लेकिन रईस जी ये हमें पता नहीं था कि एंड टाइम में सुशांत सिंह राजपूत को फज से भी अलग कर दिया गया था. बिकॉज फज मतलब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर कोई भी डिप्रेस हो या कुछ भी हो तो एक पेट हेल्प्स देम अलॉट. So, उनको फज से भी अलग कर दिया गया.
ये तो बात हमें पता नहीं थी, तभी आज तक सब लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर जब उनको मारा गया तो फज कहाँ था, तो आज आप ये बात बता रहे हैं। लीना लवली, हाँ जी, चल मैं ये कह रहा हूँ, अमर अकबर एंथनी भी तो थे, जिस दिन 14 तारीख को कुछ हुआ होगा तो उस दिन फज वार नहीं होगा। ओके, तो ये बात आज हम बता रहे हैं। मेरा मानना है कि वो वापस जो रख जाता है ट्रेनर के पास में, तो लोग फिर सवाल कर रहे हैं कि 14 तारीख को कहाँ था रईस जी, वो तो तब ये कहते हैं उनमें से एक तो बोल रहे हैं कि मैं फज को घुमाने ले गया था, मैं कुत्ते को वॉक कराने ले गया था। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, तो वो किधर था क्या था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वहाँ नहीं होगा, वो उधर उधर नहीं, नहीं तो वो कौन था जो वॉक कराने ले गया था, तो इसका मतलब झूठ है। अरे ये कौन था जो वॉक कराने ले गया था? आई थिंक नीरज, नीरज हैड मेंशनड इन द इंटरव्यू दैट नीरज, मैम नीरज का तो बयान है कि वो घर पे था। नहीं नहीं, हाँ, सुबह 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 उनमें से एक कहता है कि मैं वॉक कराने ले गया था और वॉक करा के ले आया था। और तो इसका मतलब जो रईस जी कह रहे हैं कि फज सुबह सुबह का नहीं। मतलब क्या सुबह सुबह, मतलब कितने बजे? हम फिर से उनका बयान पढ़ेंगे और ये करेंगे। जब उन्होंने जूस मांगा था, क्योंकि न्यूज तो 2 बजे रही है, तो 2 बजे तो कुत्ते वॉक नहीं करते। देखो मैं बताती हूँ, एरिया के हिसाब से बताती हूँ, तुम लोग गए नहीं होंगे शायद माउंट ब्लेंस के एरिया में, माउंट ब्लेंस के एरिया में, जॉगर्स पार्क के एरिया में, या तो कोई कुत्ते को सुबह लेके जाता है, कोई कुत्तों को शाम को लेके जाता है, दोपहर के वक्त कोई नहीं लेके जाता है। समहाउ अगर उनको लगा कि अनइजी है, अगर डॉगी अनइजी है तो ही लेके जाता है, जितना मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने सुबह ही बोला था, उसने सुबह बोला था कि मैं सुबह सुबह ले गया, सुबह सुबह ले गया। हाँ, हाँ, तो सुबह सुबह कौन था? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9 बजे क्योंकि अक्षय कुमार का ट्वीट, क्योंकि अक्षय कुमार का ट्वीट का टाइम देखिए। यस एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू, उस वक्त लेके गए थे। मेरे पास है स्क्रीनशॉट, या दीनू मोरिया के ट्वीट का टाइम देखिए। हाँ रईस जी, उस वक्त लेके गए थे। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब आप तो गलत मत समझिए कि वो फोन लेकर गया था, मैं तो गया नहीं था वापस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रईस जी, हम आपकी तो बात से ही तो ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे। हाँ, ये मेरा मेरा मैं लोगों का इधर ऐसा चल रहा है, लोगों ने किसने किसने कुछ चला दिया, ये रियल फर्ज फेक फर्ज, अभी लीना मैन को मालूम रहेगा, वो भी देखे, उन्होंने भी आते रहते हो, तो ऐसे बहुत से फोटोज, ये फर्ज नहीं है, ये आंख लाल है, ये काला है, पीला है, वो सब चल रहा है इधर। और आज अलग थ्योरी चल रही है, क्या कुछ पॉइजन का इंजेक्शन देकर उसको मार दिया। ओके, तो रईस जी मैं यहाँ पे सबको बता दूं कि रईस जी ये क्लैरिफिकेशन करने आए हैं कि फर्ज जिंदा है। हाँ। हाँ। और ये जो अपडेट देने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये मई शेट्टी है। ओ, महेश शेट्टी ने ये अपडेट दिया है कि फज कहाँ है। महेश शेट्टी तो उस समय था वहाँ नीचे। महेश सर को देखिए, अभी आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? बात तो पूरी करो। डोंट डाइवर्ट ना, मैं एक सवाल सिर्फ रईस जी से पूछना चाहती हूँ कि जो पहला, हाँ पहला मॉन्ट ब्लांक से, जो ब्लैंक से जो पहला घर था, पहले वाला जहाँ पे अभी मतलब वो बोल रहे, तो वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी वगैरह ऐसा कुछ बोला गया है, तो फज क्या वहां पे था? बिकॉज वहां पे अलाउड नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उधर अलाउड नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, तो मतलब वहां उस घर में फज था बराबर। हाँ, तो अगर कोई पैरानॉर्मल सपोज एक्टिविटी हो रही है, तो कुत्ता इज द फर्स्ट एनिमल टू पॉइंट इट आउट, और कुत्ते के बिहेवियर से पता चलेगा। अगर कुत्ता नॉर्मल है तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी बाहर नहीं हो रही थी। लीना मैम, ये थ्योरी को मैंने लवली मैम के चैनल पे पहले उसको मैं अंदर एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बिल्कुल पैरानॉर्मल, वो सब जस्ट बीएस है, वो कुछ नहीं था ऐसा। इमीडिएटली डिटेक्ट, और खाली उन वहां पे था, और वो गवाही देने भी नहीं आया, और उसको कोई पड़ा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता उसके अपडेट पे हम लोग इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। वो कोई अपडेट, रूपल होल्ड ऑन, पहली बात, नहीं नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, जो महेश शेट्टी, आपको सबको पता है कि वो संदीप सिंह के साथ वहां पे नीचे खड़ा था, सब फाउल प्ले। वही बात मैंने बोली रूपल, मैंने वही बात बोली, तो बोलने लगे कि डाइवर्ट कर रहे टॉपिक से। डाइवर्शन नहीं है गाइस, डाइवर्शन नहीं है गाइस, वेट, क्वेश्चन है, लेट मी से समथिंग।
रिया चक्रवर्ती ने भी आके अपडेट दे दिया या महेश शेट्टी ने आके दे दिया, तो हम क्यों एक्सेप्ट करें जब किसी को ब्लॉक हुआ था और वो पता नहीं था जब उसको वही खिलाफ है तो वो क्यों आके उसका अपडेट हम क्यों मानेंगे? यह बात क्या हो रही है सुशांत पर के पैच टॉप की बात हो रही है? उसने अगर ये बोला एक मिनट तो आके बोलना चाहिए था उसने सुशांत के लिए, वो तो दोस्त था ना उसके पैच पे। रूपल हम किसी के भी अपडेट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम बस जो रईस जी कह रहे हैं वी टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो रईस जी केम टू क्लैरिफाई, सो ये समझिए कि रईस जी ये क्लैरिफिकेशन देने आए हैं, बस इतना ही है। तो हम हर अपडेट पे बात करते हैं, हमने वीडियोस देखे हैं लवली, उनका फर्ज उनके पापा के पास है, उनका फर्ज उनके पापा के पास ही खेल रहा है। रूपल अभी पापा के पास नहीं है, अभी बहन के पास है तो ठीक है। जब अंकल दिल्ली गए थे तो फर्ज वहाँ था, जब अंकल दिल्ली गए थे तो फर्ज वहाँ था। पापा के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि वो पटना में है, ऐसा नहीं है। तो बस ये सिंपल सी बात है, इसमें हमें क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। हेमा गो अहेड, व्हाट डू यू वांट? यस, आई वांट टू से समथिंग इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज़ आई हैव आल्सो क्वेश्चनड अ लॉट ऑफ पीपल इन द पास्ट, राइट, वेदर इट इज महेश शेट्टी, कुशल जवेरी, क्योंकि वो जो चैट्स थे उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि कुशल जवेरी न्यू अ लॉट व्हाट वाज गोइंग ऑन, एंड आई थिंक कुशल जवेरी इज द वन हु यूज्ड टू बी इन कांटेक्ट विद रईस जी आल्सो, आई थिंक विद द फार्म हाउस एवरीथिंग, दे वर वेरी क्लोज, राइट? सो मेरे कांटेक्ट में सब कुशल जवेरी भी है, महेश शेट्टी भी है, right. दीदी भी है, सिद्धार्थ जीजा जी भी है, सब मेरे कांटेक्ट में, राइट? राइट, मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज दे आर नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड टॉकिंग डजंट मीन दे डोंट नो अ लॉट। दे हैव बीन कॉन्टेक्ट विद सीबीआई, सो वॉट एवर दे नो दे प्रोबेबली हैव गिवन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन टू देम, एंड ऑफकोर्स वी डोंट वॉन्ट टू सी अनदर SSR. Right? Yes. What happened to SSR? So these people who are in midst of Bollywood, I think they should be safe. I don't think we should question them anymore. That's my feeling, because I feel like whatever, because he has spoken to Mahesh Shetty, he has called him that night. So CBI would have got all the information. It is exactly like saying ki Priya na Priyanka di aake aage baat kar rahi hai, na Meetu di aake baat kar rahi hai. We can't question them because legally they can't speak. Agar wo log CBI ko information de rahe hai ya kuch bhi, legally jab chal raha hai, they can't speak. Even if they speak one word, it can go against them, right? So we all understand that. So I would say that that's why I've stopped questioning these people, because I don't want to question them, because I feel like they know a lot maybe, and we don't want to bring them in the limelight. Let them stay where they are. If they have talked to CBI, if CBI is taking care of that, then I think we should not question them. Yeah, okay. Hema ma'am, yahan pe kya ho raha hai? Hema ma'am, kuch log hai na, logon ko gumrah kar rahe hain. Okay, bilkul. Jo baaton jo ghuma ghuma ke logon ko jama karke baith jate hain, to usko gumrah kar rahe hain. तो उसको आगे वो क्लेरिफाई करना था, भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है नहीं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जस्ट मसाला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मसाला क्योंकि मसाला डालते इट्स ऑलवेज लाइक, या इट्स ऑलवेज लाइक दैट, कि जब नेगेटिव बात करते हो ना, लोग ज्यादा जमा होते हैं देन पॉजिटिव, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो वी डोंट नीड टू ब्रेक आवर हेड फॉर दैट। मैं अभी ये जो फज की बात निकली या दूसरे किसकी बात है कुछ भी है, तो ये अभी जो बातें मैं वो सब शेयर कर रहा हूँ अभी, और मैं ज्यादा करके किसी के प्लेटफॉर्म पे जाता नहीं हूँ। मैं लवली मैम को पता है मैं ज्यादा किसी के प्लेटफॉर्म पे जाता नहीं हूँ, बिल्कुल रईस जी। मैं जहाँ मुझे जरूरत होती है मैं सबको सुनता हूँ, सबको देखता हूँ, सबको सुनता हूँ, जहाँ मुझे जरूरत होगी तो मैं वहाँ के बात करता हूँ। लीना मैम को भी पता है कि मैं वो भी प्लेटफॉर्म पे उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ था जब मैं आया था, उसका जवाब देने के लिए आया था। बिल्कुल रईस जी, हम आपके साथ हैं, और आप हमेशा जब भी कुछ र्यूमर होता है या गलत अफवाह होती है आप क्लैरिफाई करने आते हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं बोलूंगी अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से रईस जी हमेशा क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में उनके फ्रेंड्स, सुशांत सर के जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे से बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स के जो जीजा जी है वो भी मतलब कांटेक्ट में तो है मेरे, बिल्कुल। एक बात में चलेंगे तो उसको क्लियर तो करना पड़ेगा पब्लिक के सामने के, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है करके। बिल्कुल एक चीज में आपको बोलती हूँ, आप दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या बात करते हैं एब्सोल्युटली हमको पता नहीं होता है,
ठीक है मैम, मैं आज के बाद आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊंगा कि मैंने वो आपके बाद आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊंगा। रईस जी, रूपल, रईस जी, मैं इसलिए जाता हूँ, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ हेट नेगेटिव चलती है तो उसका जवाब देने जाता हूँ मैं। मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके बात करने के लिए। प्लीज रूपल, मैं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके प्लेटफॉर्म पे जाके इधर अदर बात करता हूँ तो वहाँ जो गलत बात करते हैं तो वो सब पे जाता हूँ मैं। रईस जी, मुझे किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके बात करने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पे आके क्योंकि हमें नहीं पता है कि वहाँ, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं, हमने नहीं देखा। आप प्लीज थोड़ा दो मिनट चुप हो जाइए। नहीं, मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपकी क्या बात हुई है, तो आप पहले क्लियर कीजिए इधर आके कि यही बात है। रूपल, ठीक है, मेरी गलती हो गई, सॉरी, मेरी गलती हो गई, सॉरी, मेरी गलती हो गई, आज के बाद कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं जाऊंगा, ठीक है? नहीं, मैं यार किसी के प्लेटफॉर्म पे नहीं जाऊंगा, तो चलना चलने दो, सॉरी, गलती हो गई, ठीक है, मैं गलती हो गई, ना आज के बाद आपके प्लेटफॉर्म पे आऊंगा ना किसी के जाऊंगा, ठीक है? नहीं, रईस जी, करिए आप लोग, रईस जी रुकिए, लीना एक मिनट, रईस जी प्लीज देखिए, नहीं एक सेकंड, क्योंकि उनकी क्या बात होती है वो हमें पता नहीं है ना, सी हमें तो नहीं, देखते क्या बात होती है दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। बोला कि मैं जवाब देने आया, अब हमें नहीं पता कि वो किस बात का जवाब देने आए। वो मेरे सवालों का जवाब दे रहे थे रूपल, मैं उनसे सवाल पूछ रही थी। अरे नहीं दे रहे थे वो, उस प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ बात हुई थी वो उसका जवाब दे रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ का जवाब वो वहाँ पे दे, क्योंकि फज की बात हमारे यहाँ पे न्यू थी, हमें नहीं पता था, तो लेट हिम कम अप विद अ न्यू टॉपिक, न्यू वे, तो हमें पता चलेगा ना। जवाब नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है रूपल, मैं आपकी बात समझती हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बिल्कुल, आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं सबसे बोलूंगी कि आज का आप हम सेशन कंक्लूड करना चाहते हैं, आप अपनी अपनी बात रखिए। मैं परिमल जी, बहुत देर से जुड़े हुए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। परिमल जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी थैंक यू रवि जी, जय हिंद सबको, सॉरी मैं थोड़ा लेट जुड़ा। बिल्कुल, एक्चुअली रईस जी ने एकदम सही कहा कि कुछ लोग मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कहा कि वो उनके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हमारा तो जो फोकस है वो है। बिल्कुल, तो अभी जो रईस जी ने जो कहा, एक मिनट मैं फटाफट बोलता हूँ, रईस जी ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि मतलब भले कभी भी पता चला, लेकिन पता तो चला कि भाई वहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन था अबाउट फज, तो मेरे ख्याल से वो सही है, और हम वो पुराने वीडियोस देखेंगे और फिर हम फिर से चर्चा करेंगे, हम अंदर अंदर क्यों लड़े। बिल्कुल बिल्कुल परिमल जी, आप बिल्कुल ठीक। और जी, और रूपल जी ने जो कहा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो फज का जो वीडियो है उनके पापा के साथ, वो एक्चुअली तब का है जब वो सब जो हुआ था, जो अंतिम संस्कार करके गए थे, उसके बाद वो मेरे ख्याल से कोई रिपब्लिक के कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, उनके साथ भी उनका वीडियो है, तो वो तब कुछ इंटरव्यू ले रहे थे ना, वो तब का है, तो वो मेरे ख्याल से पुराना वीडियो है, बस इतना ही कहना था। हाँ बिल्कुल परिमल जी, थैंक यू सो मच, और आप इतनी देर से जुड़े हुए, आज आपको बोलने का मौका नहीं मिला, उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए मैं नागेंद्र जी के पास जाती हूँ, नागेंद्र जी भी बहुत देर से चुप है, नागेंद्र जी आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक्चुअली सिंपल जी से एक बात पूछूंगा कि देखिए, अगर वो दो मर्डर वाली थ्योरी करेक्ट है तो उसमें जरूर सुशांत की सिस्टर को थोड़ा हिंट मिला होगा, although things were hidden from her, और मैं उसके छिपके छिपके कुछ किया होगा, लेकिन कहीं कुछ हिंट उसको जरूर मिला होगा। So, इसीलिए मैं तो नहीं, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, काफी चीज मैंने आपसे पूछना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज है, देखो ये बॉडी ही थी या कुछ सामान उसके अंदर ठाला गया था, आई डोंट नो, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ वाइटल इविडेंस वहां पैक कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, इविडेंस को पार कर रहे हो तो बॉडी के उस पास टोल दिया। नो, बट
बट नागेंद्र जी, आप अगर मेरा दूसरा एक वीडियो देखेंगे जो कि एक्चुअली बहुत अदर यूट्यूबर्स ने भी बनाया है, जिसमें वो दिखाई देता है कि जब बॉडी अनलोड हुआ था हॉस्पिटल पे, राइट, तो एक दो वीडियो है जहाँ पे बॉडी अनलोड हुआ है, तो दोनों डिफरेंट सीन है, तो फिर वो दो मीन्स एक बॉडी को तो अनलोड नहीं करेंगे ना दोबारा. सो दैट इज वन थिंग. आई एग्री विद बोथ पॉसिबिलिटी, राइट, बिकॉज और एक चीज मुझे बहुत सस्पिशियस लगा. The moment the dead body was handed, it was like sealed cover. ऊपर जैसे बस्ता बांधते हैं ना, इस तरह sealed कर दिया गया कि जाके बीच में कोई खोल ना ले. Right. Okay. Plus अगर evidences भी होंगे ना, evidences को कोई भी body के ऊपर डाल के carry करके नहीं ले जाएगा. वो तो separately भी तो ले जा सकते हो ना. I don't think so. अंदर ले गए थे. Back. हाँ. वो जो वो बैग नहीं था एक्चुअली, नागेंद्र जी मैं आपको एक बात बोलूं, हम लोग एक सेशन करेंगे हेमा जी के साथ और हम इनको बुलाएंगे और सब सवाल लेंगे. आज का मैं और एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता रहा हूं. आप बोलो, क्योंकि पॉइंट्स आ रहे तो मैं बता रहा हूं. जो एक चीज और था वेरी वाइटल, मैं अभी अभी मुझे याद था, जस्ट जो एक चीज है, सुशांत की नी बोन अब देखो फूली हुई है, नी, दोनों नीज, आई हैव सीन दैट वेरी क्लियरली. और मेडिकली नीज तभी फूलती है जब उसपे मारा जाएगा. ओके ओके, मेरे टूट जाए बोन, बिल्कुल राइट. मेरे वीडियो में अगर आप उसको ना पॉज करके अगर फ्रेम 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 बाय फ्रेम देखेंगे, एक फ्रेम में यू क्लियरली कैन सी कि वो एक नी के नीचे का हड्डी टूटा है. यू कैन क्लियरली सी दैट. यू हैव टू गो फ्रेम बाय फ्रेम टू सी दैट, अदरवाइज इट विल बी हार्ड टू सी दैट इन द वीडियो. और एक चीज सिंपल जी, द एंकल्स were supported with जो तकिया होता है ना, दोनों एंकल को उस तरह सपोर्ट किया गया था. ये इसलिए किया गया क्योंकि तो एंकल cannot stay upright. जब हड्डी टूट जाएगी तो वो अपराइट नहीं रहेंगे, वो गिर जाएंगे. Right. Show that the ankle were not broken, they gave it that one. Okay. Yeah. और क्योंकि वो जो other theories जो चल रहा है, minor body ये वो तो हमें पता नहीं है, right? Because we don't have proof. We can't say what it, right. But the only thing we can say is कि हाँ, दो body तो for sure थे. उतना मैं भी बोल सकती हूँ based on the digital proofs. But कौन था वो, I cannot say that just because उसका कोई proof नहीं है, हमारे पास नहीं. CBI के पास जरूर होगा. अगर मीतू दीदी को कुछ भी पता होगा तो CBI के पास होगा. लवली जी, एक मिनट और लूंगा. इसको हिरेन देशमुख के केस से कंपेयर मत कीजिए. हिरेन देशमुख के केस में NIA ने रियल क्विक टाइम में इन्वेस्टिगेट किया. 3 days तो CBI को आने के लग गए दिल्ली से. इन 3 days ऑलमोस्ट दे हैव NIA सॉल्व द केस. बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. बट स्टिल आई विल से, आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट स्टिल टू CBI, बिकॉज ये केस में एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं. और अगर आपको कोई बड़ा पेन गेम फंसाना है, क्योंकि ये जो विटनेसेस है ये तो टर्न हो जाएंगे पैसे के लोभ में, प्रेशर के लोभ में, ये जब कोर्ट में आएंगे सब, तो द हार्ड एविडेंसेस, हार्ड प्रूफ्स, लाइक जैसे लैपटॉप मिला नदी में, लाइक डिजिटल प्रूफ्स मिले नदी में फेंके हुए, इस तरह के CBI सर्चिंग, सो दे कैन ट्रैप द गिल्टी वेरी फुल्ली. बिल्कुल हो सकता है, इसलिए CBI टाइम ले. वी विल नागेंद्र जी, आपके सारे सवाल बहुत ही वैलिड हैं और वी विल डू अ होल सेशन विद हेमा जी. आई विल टॉक टू यू सो वी कैन ऑल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू, सो यू कैन गिव योर आंसर्स. आई जस्ट वांट टू से टू थिंग्स बिफोर वी क्लोज. वन थिंग इज, सी वी हैव सीन की हिरेन के केस में कि कौन से कॉर्नर में, मुझे भी पता नहीं था कि CCTVs काम भी करते हैं इंडिया में, क्योंकि इतना CCTV देख लिया हमने कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वेयर डिड दे इवन फाइंड इट, लाइक यहां पे भी था. तो SSR केस में क्लियरली इट वाज डिस्ट्रॉयड फॉर अ रीजन, राइट? सो इफ दिस दे कुड रिट्रीव दिस, दैट मींस ऑब्वियसली एवरीथिंग इन SSR केस आल्सो कैन बी रिट्रीव्ड. बिकॉज मैंने कोई एक सेशन में एक हाई टेक जो आए थे उनको देखा था, जो बोले थे कि अगर डिस्ट्रॉय भी किया होगा ना सब कुछ, उस दिन सब रिकॉर्ड हो रहा था ओनर के हिसाब से, तो विच मीन्स वो डेटा कहीं तो होगा क्लाउड में. इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, डेटा डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, राइट? सो इट स्टिल कैन बी रिट्रीव्ड. सो मे बी CBI इज ऑन इट, आई डोंट नो. बट अनदर थिंग आई वॉन्ट टू से इज, वन होप दैट आई हैव इज बिकॉज CBI हैज स्टिल नॉट कम आउट. We get scared that when they come out, what they may say. But one hope I have is because of Priyanka Didi sending that one tweet, because she doesn't send tweet, and she said that CBI is in touch with them daily.
Okay. Which yes, to me gives that. A lot of confidence that that is all she needs to tell all SSRians, that if they are in contact with CBI, that means, okay, that means we still have hope. That's all. Otherwise, if you remember, जो उनके lawyer है, जो विकास जी, उन्होंने बहुत पहले भी कहा था कि we want CBI to come out and tell us so that we can take the next action. अगर वो suicide बोलेंगे, तो वो लोग next action लेंगे, right? इसका मतलब they are in contact with CBI and we'll just hope, we'll wait for some time and then अगर कुछ नहीं होगा, like Rupal says, हम तो छोड़ने वाले नहीं है, हम फिर भी ये सब पूछेंगे और हम fight करते रहेंगे कि क्या हुआ, unless the family is with us. Yes. थैंक यू सो मच हेमा जी. धनंजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा मैडम कंफ्यूजन में कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच्चाई जमीन फाड़ के बाहर आ ही जाती है, आएगा ही. आज सुशांत भले चले गए, आज वो एक अच्छे इंसान थे, उनके लिए आज भी हम सारे उम्मीद लगाए बैठे, दिया जलाए बैठे है. और जो लोग जिंदा है, जिन्होंने गलत काम किया है, जो लोग जिंदा है आज, उनको हम गुड बाय, जिंदा लोगों को गुड बाय कहने के इसमें है. तो वेरी सून वी विल हैव अ रिजल्ट एंड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट. थैंक यू सो मच धनंजय जी, थैंक यू सो मच पॉजिटिविटी के लिए. नानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलके प्रेयर करें. इतना सब आगे आई है ना बातें, तो और बातें भी आ ही जाएगी. हमारे प्रेयर्स में ज्यादा ताकत है, झगड़े में ताकत नहीं है, प्रेयर्स में ताकत है. हम सब मिलके प्रेयर करेंगे सब. सॉरी नानी जी, थैंक यू सो मच. आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है और आप हमारे साथ जुड़ी हुई. यू आर अ रोल मॉडल कि आप नानी जी होते हुए भी यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस. थैंक यू सो मच. लीना, गो अहेड. Yes, रूपल को सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंगर और उसमें आपका एकदम जो आक्रामकता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है ना, कुछ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट हो कोई बोल रहा हो तो शायद मिस ना हो जाए, तो थोड़ा धीरज रखिए, कुछ पॉइंट्स हमें एडिशनल मिल जाएंगे. तो मैं आपसे पूरी सहमत हूँ कि ये क्या अभी ये वो, लेकिन कभी कभी थोड़ा शांति से काम लेना अब हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा. तो सुन लो ना, ठीक है आपको छोड़ना है तो वो पॉइंट छोड़ दो बाद में, लेकिन सुन तो लो. अभी देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको मिला ना कि उधर अलाउड था लेकिन इधर अलाउड नहीं था, विच इज अगेन इलीगल कि पेट्स को अलाउड नहीं करना. यस, ये सोसाइटी नहीं कर सकती. मजबूर कर दिया कि 10 महीने लग गए इस पॉइंट को बोलने में. अगर ये पॉइंट पहले आ जाता तो हम उस पे भी आवाज उठा सकते थे कि ऐसा क्या हो गया कि किसने मैनिपुलेट. वही कहना था. और पहली बार वही कहना था. पहली बात, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे सारे प्रोटोकॉल पता है कि किस बिल्डिंग में, और ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं कि किसी भी बिल्डिंग में पेट्स अलाउड ना हो, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग. इट इज नॉट अबाउट प्रोटोकॉल. बाय लॉ यू कैन नॉट बैन पेट्स. बाय लॉ अगर कोई सोसाइटी ऐसा कर रही है तो सोसाइटी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, लीगल एक्शन. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है. रूपल की आप हमेशा माउंट ब्लैंक जाती है, यू कैन फील, यू सी देयर, और आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका ये डेस्परेशन कि हमें जस्टिस मिले, और कोई भी जब बाद में कोई पॉइंट उठाता है तो आपको लगता है. गो अहेड, आप बोलिए आप क्या बोलना चाहती है. पॉइंट जब रेज होना चाहिए तब उस वक्त होना चाहिए, क्योंकि अब 10 महीने बीत चुके हैं. अब 10 महीने के बाद जब आप ये पॉइंट उठाते हो कि तो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम इस पॉइंट को लेके लड़े कि हम आगे के लिए लड़े. अब आप मुझे बताइए, अगर हम इस पॉइंट पे रुकते, अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करते, दैट मीन्स हम वी आर वेस्टिंग अवर टाइम. सी, वी हैव टू, हमें आगे के लिए अपनी सारी रणनीति बनानी चाहिए कि सीबीआई कभी भी, अभी देखो अगर सचिन वाजे के केस से या किसी के भी, मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहती हूँ, आप सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले. मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है. जो लोग मुझे कह रहे हैं कि लड़की पागल हो गई है ऐसा कुछ, आप मेरी बात सुने. मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जितने भी एविडेंस है, जितना भी रिसर्च किया है, जितने भी चीजें लाई है, वो ऑडियंस ने लाई है, ठीक है. सबने एक एक कर कर
कर करके, जब हम कुत्तों की तरह पूछ रहे थे, जब हम ब्ला 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 कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमें वो पॉइंट्स चाहिए थे। आपको याद होगा मैंने 60 पॉइंट्स आपके सामने ला के रखे थे, 60 क्वेश्चंस ला के रखे थे कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अगर वो 60 क्वेश्चंस हमारे पास थे तो हम उसी वक्त आर भारत हो या किसी को भी हो, हम ये पॉइंट भी रेस कर सकते थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब जब हमें ये पॉइंट पता चल रहा है, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बात कितनी आगे बढ़ गई है, बात वो सीबीआई के भी आगे बढ़ गई है। क्योंकि अगर सचिन वाजे और परमवीर सिंह अरेस्ट हुए, अगर सचिन वाजे अरेस्ट हुए और अगर सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने मन बना लिया कि मुझे अब ये सुशांत का केस भी खोलना है, तो वो ये सब पॉइंट देखने नहीं बैठेंगे भाई। वो ये बोलेंगे कि भाई तूने क्या किया, तूने क्या केस बंद किया, तूने कैसे किया, तूने एविडेंस कैसे डिस्ट्रॉय किया, उसी पे जाएगा, समझो। ये सब चीजें नहीं है, अभी ये सब चीजें निकल गई हैं। हम अपने शो पे लोगों को इसीलिए बुलाते हैं ताकि हमें सिस्टम के अंदर की बातों का पता चले। अगर कल उठ के हमारे साथ कोई फाउल प्ले होता है या फिर हमारे साथ सीबीआई कोई फाउल प्ले करती है, जो ऑलरेडी बहुत चीजों पे कर चुकी है, हम उसके लिए अब क्या कदम उठाएं? हम इसके लिए ये नहीं लड़ सकते कि उसके कुत्ते का क्या हुआ या वो क्या हुआ। अब वो चीजें चली गई, फर्स्ट इज ओके, ऐसी बात थी रूपल, ऐसी बात थी तो अमर अकबर एंथनी भी तो थे, ये बात उस वक्त क्यों नहीं उठी? आप लोग, मैं भी यही पॉइंट बोल रही थी, इट्स बीन 10 महेश शेट्टी था वहां पे। एक वो जो सीन है जिसमें ऊपर के कैमरे से जब बॉडी स्ट्रेचर पे लाई जा रही है, तो वहां पे तीन जन खड़े थे जिसमें बीच में थम्स अप मैन था और उसके राइट साइड में महेश शेट्टी खड़ा था, महेश शेट्टी वॉज देयर, और तब तक एक आदमी अंदर से बैग लेते हुए ब्लैक रंग का बाहर दौड़ा। इफ यू रिमेम्बर, यू वॉच दैट वीडियो, वो शायद दूसरी बिल्डिंग से लिया हुआ वीडियो है या दूसरे सीसीटीवी का वो वीडियो है, वहां पे था महेश शेट्टी। इस मामले में मैं थोड़ा सा आप दोनों से डिफर करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर हम लोगों को ये बोलेंगे कि अब कोई फायदा नहीं आके बोलने का, तो शायद जो लोग इतने दिन से चुप हैं और किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने का मन है, वो बोलेंगे अरे अब क्या फायदा। मैं कहती हूँ जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन आए, हमारा भी प्लेटफॉर्म है, वी आर रेडी टू टेक इट। हम हमेशा 14 जून 2020 पर जाते हैं, वहां से बात उठाते हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन को हम फिर से देखते हैं। तो ठीक है, हम ये सवाल पूछ सकते हैं आपने अभी क्यों बोला, वो बोल सकते हैं हम भूल गए, लेकिन वी आर ओपन टू एवरी इन्फॉर्मेशन। आपने अभी क्यों बताया, आपने पहले तो क्यों नहीं बताया, तो उनका भी जवाब, तो उन्होंने बोला कि हम भूल गए, बात खत्म हो गई। अब नहीं, वो आज भूलने वाली थोड़ी ना थी लवली, जब हम इतना हम संघर्ष कर रहे हैं हर चीज के लिए। लवली आप मुझे एक बार फिर से ले सकती हैं क्या, मैं लीव करके वापस आ रही हूँ। आइए आइए, बिल्कुल रूपल आ जाइए। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर हम जो भी इंफॉर्मेशन देने आएगा और अगर हम उनको बोलेंगे अब क्यों बता रहे हो, तो वी आर ब्लॉकिंग द इंफॉर्मेशन, और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लॉक नहीं करना है, हम नहीं ब्लॉक करेंगे। जिसको भी जो भी इंफॉर्मेशन देना है, दे कैन कम एंड गिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और ये उनकी इंफॉर्मेशन होती है। मैं ये भी बता दूं कि हम की कोई सच्चाई हम परख के नहीं रख सकते, ये रईस जी ने बोला तो रईस जी की बात थी, ये जो बंदा उनके साथ थाईलैंड गया था, जो सबीर जी आए थे, ये उनकी बात थी। तो जो अपनी बात अपनी सच्चाई रखते हैं, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लॉक नहीं करना है, ये बात आप समझिए। हम शांति से पूछ सकते हैं कि आप आज क्यों बोल रहे हैं, आपने तब क्यों नहीं बोला, और उनको बोलने का मौका दे सकते हैं। तो ये एक सवाल है और उस सवाल पे भी बात खत्म हो जाती है कि नहीं, बात सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जब हमने पूछ लिया, जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये ना बोले कि किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पे पूछा था, अब किसी के प्लेटफॉर्म की बातें हमें नहीं पता है। तो दिव्या जी, अशोक राम जी, मेरी बात सुनिए, मैं समझिए कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं सीबीआई ऑफिस जाकर आई हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये तो सारी चीजें जो अभी जो खत्म हो चुकी है, मैं ये नहीं कह रही कि इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, लेकिन जब एक मार्टिन करके एक बंदा भी आया था, तभी मैंने उसको बोला था कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, अब जब रईस जी ने बोला कि मैं भूल गया था, मेरी बात है कि 10 महीने
कोई चीज लगते हैं क्या किसी चीज को भूलने के लिए? और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, चलो ठीक है भूल भी गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बात का अब कोई लेना देना नहीं है जिसपे हम डिस्कशन कर सके। हमें अब ये डिस्कशन करना है कि पब्लिक को अब सीबीआई या पॉलिटिशियंस पे किस तरीके से प्रेशर डालना होगा कि हमारा केस आगे बढ़ाओ। हमें क्या 7 साल नहीं हो बहुत, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है या जो नेता लोग हैं, क्या ये नेता है या अभिनेता, ये लोग बहुत शातिर हैं। ये लोग कब एकजुट हो जाएंगे और हमारी बातें बंद बक्से में हो जाएंगी हमें नहीं मालूम। इसीलिए हमें ये इनकी सोच के हिसाब से सोच बनानी होगी, हमें इनके सोच में घुसना होगा। सुशांत ने एक बार एक स्टेज पे बोला था, उसे पूछा गया था कि आपने एमएस धोनी ही क्यों करने का सोचा, तो उसने बोला कि मैं एमएस धोनी का करने का ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था, मैं उनके अंदर घुस के ये देखना चाहता था कि वो सोचते कैसे हैं। तो हमें भी सिस्टम और इस नेता के दिमाग में घुस के सोचना होगा कि ये खड़यंत्र कैसे करते हैं, ये किसी चीज को दबाने की कोशिश कैसे करते हैं। अब हमें आगे की स्ट्रैटेजी करनी है, अभी हम आगे की स्ट्रैटेजी करनी है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसके वजह से हमारे होनार लोग चले गए, हमारे अर्नब जा सकते थे। अब मुझे, अब अशोक राम जी और सब लोग कह रहे हैं कि करेक्ट है, अब मैं कह रही हूँ तो सुनिए तो सही, तब बोल रहे कि पागल हो गई बोलने। अरे पहले बात तो सुनिए, जब आपको कंफर्म पता है किसी चीज के बारे में, तो 10 महीने में अगर आपने किसी चीज को लगाया, तो अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कहीं कुछ हो जाता, कोई आम इंसान मर जाता यार, ठीक है। अब वो अगर आपने इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब उसके ऊपर इतना टाइम पास करने से, या 2 घंटे या 1 घंटे या आधा घंटा, ये आधा घंटा वेस्ट करने से अच्छा है कि हम आगे की प्रतिक्रिया करें, हम आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में, अगर हम एकजुट हो गए सब लोग, अगर हमने पूरे दिन पूरी रात, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ पीएम सीएम सब लोगों को टैग करना शुरू किया, मैं कह देती हूँ आप लोगों को, सीबीआई को मजबूरन हमें न्याय देना पड़ेगा। हम न्याय के लिए लड़ रहे, प्लीज फोकस चेंज मत करिए। फज इज ओके, हमें इसकी बारे में पता है, फज इज ओके, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। मेहरबानी करो, प्लीज समझो किसी चीज को, 10 महीने हो चुके हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस अपना हाथ गठबंधन करके उस केस को भी रफा दफा कर देंगे जिस केस को इन्होंने पहले, ये गठबंधन चल रहा है रूपल, ये गठबंधन चल रहा है, आज भी रो रही है, रो रही है, चल रहा है। निर्भया को 7 साल क्यों लगे, क्यों एक टेररिस्ट को लाने के लिए हैदरा इतने, इतनी पुलिस और इतना सब कुछ तामझाम हो रहा है, तो सोचिए नीरव मोदी को लाने के लिए कितना कष्ट होगा, कितने पैसे जाएंगे, आप ही लोगों के पैसे हैं, ये टैक्स आप ही लोग भरते हैं, आप ही कंपनी से जाते हैं, समझिए बात को, जानिए। रईस जी भी इस मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से उनको एक बार ले रही हूँ, क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे, हम उनकी बात भी सुन लेंगे। रईस जी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो एक मिनट रूपल, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। जस्टिस के लिए हमें आगे बढ़ना है रईस जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब ये चीजें जो खत्म हो गई हैं, हम इनका रिविजन ही कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेशर कैसे डाल सकते हैं, आप वो बताइए। आप इतने टाइम आप वहां पे डीए ऑडियो में जाकर आए हैं, डीए ऑडियो में अगर आप प्रेशर बनाएं और किस तरीके से मूव होना चाहिए ना केस, वी नीड, हर कोई वही बोलता है जो वो जानता है, रईस जी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बोलते हैं, और हमें उनको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ध्रुव जी बिल्कुल, आपको भी आना है, ध्रुव जी आपको भी ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, क्योंकि हम भी हर टॉपिक पे बोलेंगे, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे मत बोलिए। बिल्कुल रईस जी बोलिए, आप क्या बोल रईस जी, देखिए हम आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करें। रूपल थोड़ा सा इमोशनल हो गए, मैं अभी आखिरी बार ये लास्ट है, मैं अभी आप लोगों का बात सुन रहा था, अभी मैं थोड़ा देर के लिए यूट्यूब बंद कर दिया था, तो अभी मैं सुन रहा था कि आप लोगों का सेशन खत्म हो रहा था, मैं लास्ट टाइम पे आपसे बात करूंगा मैं, तो ये आखिरी मुलाकात समझिए, और इसके बाद नहीं रईस जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ऐसा नहीं बोलिए, मेरी बात सुनिए, मुझे कोई शौक नहीं है कि कुत्तों को लेके, कुत्ते के लिए तो मैं क्या बात करूंगा, मैं ना सीबीआई ने कभी पूछा कुत्ते के बारे में,
या अभी जो बातें चल रही है, लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि उसको कोई पॉइजन देके मारा गया है, ये जो थ्योरी चल रही है, सुनिए मेरी बात पूरी कर दी, अभी किसी ने कुछ बोला है कि कोई उसको पॉइजन देके मार दिया गया उसको, या किसी ने कुछ बोला है, तो मुझे अचानक याद आया, वो भी मैं बैठे बैठे, मैं भी दो दिन पहले मैं वहां बैठा था, तो जो पुरानी बुक लेके बैठा था, क्या क्या चल रहा था, क्योंकि मुझे भी कुछ टॉपिक के लिए कुछ, वो कौन से दिन क्या क्या हुआ था, कौन आता था, कौन जाता था, तारीख वाइज मेरे पास में सब लिखा हुआ है, हर चीज, नमक से लेके हर चीज जो भी लाया था सब चीज लिखी हुई है। तो मैं जो भी आप लोग के साथ में बात करता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मैं वो मुझे याद आता है कि ये तारीख को क्या हुआ था, तो उस दिन कौन कौन आया, तो उस वक्त वो सब बातें लेके बैठता हूँ ना मैं। तो ये जो बातें चल रही है, ये कुछ हफ्ता भर पहले से चली थी, मैं बोलना चाहता था, तो मैं लास्ट टाइम भी आपको बोलता था मैं, लेकिन पहले कंफर्म नहीं था ना कि फर्ज जिंदा है कि नहीं है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, होने के बाद ही मैं आपके चैनल पे आके बोला हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी के चैनल पे जाके, मैं प्लीज आप ऐसा ना बोलिए कि आप फिर नहीं आएंगे, आप प्लीज आइए, आप जो भी अपडेट लाते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सब ऑडियंस भी कह रहे हैं कि आप ऐसा ना सोचे, वी रिस्पेक्ट। और छोड़ के भागने वाला हिंदुस्तानी नहीं होता है, हिंदुस्तानी तो गोली खा के आता है। मैं जाने वाला, मैं कहा किसी को छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं मुझे ये नहीं झगड़ा वगैरह, मुझे पहले से पसंद नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म पे जाके मैं लड़ाई झगड़ा करूं, मैं किसी के प्लेटफॉर्म पे लड़ाई झगड़ा करता नहीं हूं। कैसे प्रेशर डाले कि इस बार भी वो हमें फूल ना बनाए, इस बार भी जिया खान जैसी माँ रो ना पाए, इस बार भी कोई बहने अपने भाई के लिए आंसू ना बहाए, इस बार भी हम ऐसे फैंस, ऐसे लोग जिन्होंने पहले उसको कभी नहीं पहचाना, लेकिन अब जब हमें उसकी कीमत है, हमें इतना दर्द ना हो, इतनी तकलीफ ना हो, ताकि हम इन फेक हीरो के पास ना जा पाए, और हम अपना मनी, जो हमारा हार्ड एंड मनी है, 500 रुपया 1000 रुपया, इन लोगों पे ना खर्चा कर सुशांत जैसे एक ऐसे हीरो को बनाए जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और अगर वो लड़का होता ना, वो फार्मिंग में भी नंबर वन होके दिखाता, वो देश के लिए अनाज उगा के दिखाता, मैं लिख के देती हूँ आज, वो इतना होनहार लड़का था, इसीलिए कह रही हूँ कि पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें आगे फार्मिंग का किसने ये बात पब्लिक के सामने किसने लाया, फार्मिंग का पॉइंट किसने लाया, मैं नहीं लाया। अरे फार्मिंग के ऊपर उनकी वीडियो है, का पॉइंट किसने लाया सामने, मैं नहीं लाया। और रूपल मेरी बात सुनिए, मैं बहस करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ बात बताने आया हूँ, कुछ बात रख के जाता हूँ कि ये बात आज क्यों निकली, ये बात आप लोग पूछ रहे थे ये बात क्यों निकली। लवली मैम, दुरव जी को लिंक शेयर करिए आप, उनको ज्वाइन होना है। दुरव जी क्या कहना चाहते हैं, मैं एक्चुअली सेशन एंड करना चाह रही थी। वी हैव टू कंक्लूड प्लीज, रियली वी नीड टू कंक्लूड, इट्स बीन रियली। देखिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी घर पे भी मदर है, आपका अभी कोरोना का इंजेक्शन लगा, शी कैन स्लीप, सो प्लीज वी हैव टू कंक्लूड। लास्ट वीक से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, लास्ट वीक में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ लोग पॉइंट रख रहे हैं, पॉइंट में दम है, पॉइंट में दम है करके मैं बात रखा हूँ, कि लोग सवाल कर रहे हैं, क्या आपने भी सवाल किया था कि फर्ज का आता हूँ, आपका उस सवाल का जवाब आप मिला है, तो मैं वो सोच वो बताने आया। बिल्कुल, ये बात एक खुलासे जैसी है जो आपने बताई कि उस दिन फर्ज वहाँ था ही नहीं, क्योंकि ये हम लोगों को पता नहीं था, और आज आपने ये बात बताई है। मैं ये कह रहा हूँ क्या उस वक्त मैंने ये बात मुझे जब याद आया अभी, तो मैंने पूरा डिटेल्स लेने के बाद में मैं आपके चैनल पे आके बात कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता हूँ, और ना मैं किसी की बातों पे, कहीं सुनी बातों पे मैं देखता हूँ समझता हूँ उसके बाद में बोलता हूँ। बिल्कुल, और ये जो अभी लोगों ने थ्योरी चलाई क्या वो नकली फर्ज है या रियल फर्ज है या फेक फर्ज है, लोगों ने थ्योरी चलाई, लोगों को बेवकूफ बना रहे, हम अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, हम जो रियल है वो जो सच है वो सच रखते। बिल्कुल रईस जी, हाँ थैंक यू सो मच। रईस भाई जी, जी रईस भाई देखिए मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ, आप जो है ना, यू आर अ सेंटिमेंटल मोटिवेशन, सो डोंट टेक सर्टन थिंग्स टू, कभी कभी ना हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, आप भी सुशांत के लिए हो, रिचा जी भी सुशांत के लिए है, लवली जी भी सुशांत के लिए है, रूपल जी भी सुशांत के लिए है, रूपल जी जाके कीर्ति सोमैया जैसे आदमी को मिलके आ चुके हैं। द ओनली क्वेश्चन व्हाट इज नीडेड ओवर हियर इज व्हाट विल हैपन फर्दर, अभी जो हुआ ना पीछे वो हो चुका है, और फर्ज जिंदा है जैसे आप जानते हो, दिल्ली में है। सबसे पहले इफ यू थिंक व्हेन वी हैड द कन्वर्सेशन I think we discussed this. वो शायद दिल्ली में हो सकता है रईस भाई, देख लीजिएगा करके। बिल्कुल बिल्कुल, रईस जी ने बताया ये बात। Exactly,
माय पॉइंट इज द सेम Exactly. मैं यही कह रही हूँ कि हाँ आप रईस जी बिल्कुल मैं फिर से ध्रुव जी की बात बोल देती हूँ कि इट वाज जस्ट इन द हीट ऑफ द मोमेंट इमोशंस रन वेरी हाई और इसीलिए आप प्लीज आप ऐसा मत बोलिए अगर आपको कुछ भी हर्ट हुआ है आई एम सॉरी मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं, फिर नहीं होगा एंड डोंट से कि मैं फिर नहीं आऊंगा ध्रुव जी बोलिए सिंपल जी एक बात समझिए हम लोग जो अभी युद्ध लड़ रहे हैं ना उधर अथॉरिटीज है उधर एजेंसीज है उधर पैसा है उधर पावर है हमारे साथ सिर्फ हमारी यूनिटी है हम yes. सब अगर एकजुट बन के नहीं रहेंगे ना हमको तोड़ने में सिर्फ चुटकी भर का टाइम लगेगा उनको आप जो है आप जानते हो आई कीप टेलिंग दिस ऑन एवरी शो व्हाट यू आर यू नो इट द बेस्ट एंड टिल द मिरर द फेस इन द मिरर लाफ्स एट यू गिव अ डैम टू एनीवन हु डज दिस अप्लाइज टू एवरीवन इंक्लूडिंग मायसेल्फ इफ समवन इज टेकिंग अ पॉट शॉट ऑन यू दैट डजंट मीन यू आर इनसिक्योर The person जो ले रहा है ना पॉट शॉट जो आपके ऊपर ट्रोल कर रहा है ना वो इनसेक्योर है बिकॉज उसको उसकी इनसिक्योरिटी इतनी खाई जा रही है और आपका जो बोल रहा है आपको जो लोग वाह 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 बोल रहे हैं वो इतना दिख रहा है कि उसके मन में वो क्या बोलते हैं वो चीज चुभ रही है उसको इज गेटिंग प्रिक्ड और उसमें वो जलन पैदा हो रही है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता आप तक पहुंचने के चाह में वो अक्सर आपको जो है मन धड़न बता देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को स्प्लिट होना है We have to be a team. ये टीम ने जो काम सब जो काम कर रहे हैं सुशांत के लिए उसके लिए सलाम करने का मन करता है बिल्कुल ध्रुव जी सल्यूट और मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत देर हो गई I have to conclude the session. मैंने ये फिर से इसलिए रखा because I wanted Rais ji to come and I wanted him to not feel hurt. प्रेजेंस मत रखिए मैं आपको एक सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ आप तो DARDO ऑफिस जा चुके हैं ना आप जी बताइए कि हमें किस तरीके से उन पे प्रेशर बनाना है रूपल और मैं लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं हम बैलेंस रखते हैं हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे हम अभी भी पुराने सब एविडेंस सब कुछ एवरीडे वी आस्क क्वेश्चंस तो हम ले आते हैं हम उसके बारे में भी हम बार बार 14 जून 2020 पे जाएंगे और वहां से शुरू करेंगे तो हम बात करते हैं और हाँ आगे कैसे बढ़ना है वो भी तो हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो करना है ना मैम एक मिनट मैं इसीलिए आया था इधर एक मिनट ध्रुव जी हेमा जी यू आर ट्राइंग टू ज्वाइन लेकिन आज रहने दीजिए आज आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश दिस सो हम ध्रुव जी की बात सुन करके फिनिश करते हैं हाँ ध्रुव जी बोलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी जो करना है ना अगर आपको कुछ करना है See, there is already a movement going on the PMO with the golden button on VSAN for Justice's website. Either you go and start clicking on that button and sending your emails or start sending emails to the authority. Koi physically ja nahi sakta hai, sahi hai. But you can always send emails. Digital we will send email, we will tag PMO, HMO, Dhruv ji, bilkul, everyone, please do it. Main sabko bol rahi hu. Keep raising your voice aur apni awaaz wahan pahunchate rahiye. Every day, we are tagging to PMO, we are tagging to HMO, we are tagging to everyone. Richa ji, baqaida mail post karti hai roz Modi ji ke naam, Amit Shah ji ke naam pe, aur CBI ke naam pe. Every day we are doing, so please everybody do this. Agar Richa ji, I'll send you certain emails to your DM. Richa ji, I'll send you certain emails to your DM. Kindly start sure. sending mails to those email IDs. Yes, please. Everyone. श्योर ध्रुव जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच और ऋषा ध्रुव जी आपसे शेयर करेंगे तो आप सबसे शेयर कीजिएगा हाँ रईस जी बोलिए ठीक है बस अभी उतनी बात थी अभी वो तो मैं भूल चुका था तो इसलिए मैं बताया मुझे याद नहीं था क्या वो वहाँ लिखा जाता है ठीक है अब लिखा भी है था वो हो गया अभी उसके बाद जो भी है बर्थडे था 10th अप्रैल को तो हैप्पी बर्थडे सुखीजा जी फ्रॉम SSR वॉरियर्स टीम अभी मैंने आपका मैसेज देखा आई एम सॉरी लेट देखा 11th हो गया यहाँ लेकिन लवली जी की तरफ से आपको तो ऑन टाइम हैप्पी बर्थडे बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ अप्रैल 10 है और रईस जी आप प्लीज जब भी आपके पास कोई भी अपडेट हो आप हमसे शेयर कीजिए वी अप्रिशिएट दैट मैं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना मैं अभी आज के बाद में कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं जाऊंगा मैं किसी के भी चैनल पे नहीं जाने वाला किसी का किसी वो किसी वो बातें सुना नहीं मैं कभी
मैंने ना किसी मेरे घर वालों की बातें सुनता हूँ ना बाहर के, तो इसके ये नहीं है मेरे को, तो वो बोलता नहीं है। थैंक यू सो मच रईसी, कुछ बात ये मत सोचिए आपको आना पड़ेगा, इतना मत सोचो। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड भारत माता की जय, हर हर महादेव। बॉयकॉट बॉलीवुड फॉर एवर, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।